आप सब आप सबको मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है मैं दिखाई दे रही हूं तो प्लीज एक बार इसे चैट सेक्शन में फायर इमोजी डाल दीजिए हेलो एवरीवन वन वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी <clears throat> तो कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स क्या बात है क्या बात है क्या बात है तो फाइनली विजेता सीरीज आ गई है और फाइनली आज हम सबसे पहले चैप्टर के साथ हैं वो भी केमिस्ट्री है, है ना तो आई होप सो आप सब उतने ही एक्साइटेड हैं जितने की मैं आज एक्साइटेड हूं तो रेडी आप सब आज के सेशन के लिए स्टूडेंट्स हेलो 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 एवरीबॉडी क्या बात है स्टूडेंट्स क्या बात है तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं मैं पहले बता दूं आज की इस क्लास में हम कौन से चैप्टर को कवर करेंगे तो हम सॉल्यूशन चैप्टर को कवर करेंगे ठीक है जो कि आपका पहला चैप्टर है ठीक है केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन अब शुरू करने से पहले मेरे जो स्टूडेंट्स कुछ थोड़े से डीमोटिवेटेड हैं जिन्हें लग रहा था भी मैम हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ठीक है और क्या सब कुछ कवर हो जाएगा इस क्लास में क्या हम अच्छे से दे पाएंगे ध्यान तो से सुनना और आज क्लास अटेंड करोगे ना तो उसको दिमाग में जरूर रखना है ना ध्यान से सुनना और इसको दिमाग में जरूर रखना तुम विजेता हो तुम विजेता हो और विजय बनकर दिखा डालो और विजय बनकर दिखा डालो अपनी कमजोरी को ही अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना डालो अपनी ताकत बना डालो यह काम नहीं मुश्किल तुम ये जान लो ये काम नहीं मुश्किल तुम ये जान लो हर मुश्किल को आसान और मुमकिन बना डालो हर मुश्किल को आसान और मुमकिन बना डालो छोड़ो कल परसो जो करना है उसे आज कर डालो जो करना है उसे आज कर डालो तुम विजेता हो तुम विजेता हो और जीतने की आदत बना डालो और जीतने की आदत बना डालो है ना और मैं ये आपको गारंटी देती हूं भी अगर आज का सेशन आप पूरा कंप्लीट करते हो बेटा फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल एंड तो सॉल्यूशन चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना ना लगे है ना सब कवर हो जाएगा आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में अगर आप फ्रॉम द द वेरी स्टार्ट टिल एंड सब कुछ ध्यान से सुनते हो अपना हंड्रेड परसेंट देते हो ठीक है रेडी है आप सब मेरे चमकते सितारों माय शिमरिंग करें स्टार्ट फिर

ठीक है साथ ही साथ आपको सोल्यूशन चैप्टर है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी मोर ओवर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ने पढ़ा हुआ है और अब आप लोग मैम अगर पढ़ा हुआ तो मतलब नहीं करवाओगे क्या दोबारा अरे सब होगा दोबारा अच्छे से होगा डिटेल में होगा ठीक है इसके बाद एक्सप्रेस करना है कंसेंट्रेशन टर्म्स को उसको पढ़ेंगे एंड देन सोलिबिलिटी हेनरीज लॉ ठीक है, सोलबिलिटी और Henry's law. उसके बाद वेपर प्रेशर देखेंगे पढ़ेंगे, देखेंगे, आएगा आएगा, और factor आएगा. ये सारे के सारे के टॉपिक्स आपके कवर होंगे इसमें मेजर सेगमेंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आपकी चार मेजर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा लाए करती है हम उसको इन डेप्थ डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है क्लियर है सब टॉपिक कवर होगा तो ये टॉपिक्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया अब मैं आपको एक बारी पैटर्न बता देती हूं आपके बोर्ड एग्जाम का क्या होता है लेट्स डिस्कस अबाउट द पैटर्न ऑफ ए बोर्ड एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल हर चैप्टर की कितनी वेटेज है कैसे पूछा जाता है अगर हमें यही नहीं पता है तो हम क्या तैयार कर रहे हैं भाई पेपर के लिए हमें पता तो हो भी इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा और किस तरीके से क्वेश्चन को वो पूछ सकता है किस तरीके से वो उसे मोल्ड कर सकता है उसके लिए आपको पैटर्न जानना बहुत जरूरी है ध्यान देना आपको यहाँ पर एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज की रेंज बढ़ भी सकती है ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है थीके? इसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे किस फॉर्म में केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आज के लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी भी जो की सीबीएसई की साइट पर था केस बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन है ठीक है तो वो भी हम हाँ डिस्कस करेंगे

जो बच्चे किसी और बोर्ड के हैं सी बी एस ई बोर्ड ठीक है जी उन सब के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्यों होने वाला है क्योंकि सिलेबस जो है उन बोर्ड्स का का और CBAC बोर्ड इज ऑलमोस्ट सेम एक आधा टॉपिक है जो मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगी भी बेटा ये आपको एनसीआर में नहीं गिवन है एक्स्ट्रा करवा रही हूं तो मैं वहां पे बोल दूंगी भी एक्स्ट्रा है ताकि अगर किसी और बोर्ड का बच्चा पढ़ रहा है तो उसका भी सिलेबस हो जाएगा तो वो एक दो टॉपिक है वो ऊपर लिखूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा ठीक है तो सभी जो बोर्ड्स है वो सभी कवर्ड हो रहे हैं जैसे कि मैं कॉमेंट्स में भी देख रही हूँ चलते हुए मार्किंग स्कीम हम देखते हैं ये जो मार्किंग स्कीम मैं आपको दिखा रही हूं ये एक तरह से हमने बेसिकली uh, एनालिसिस किया है जो पेपर पिछले साल आया था और जो पेपर सैंपल पेपर अपलोड हुआ था उस बेसिस पे ठीक है तो सीबीएसई का जो आपका 2023 का बेटा पेपर था ठीक है इसके अंदर क्या उसने दिया चैप्टर में से टोटल मार्क्स का आया ठीक है और यहां से आपको दो एमसीक्यूज देखने को मिले एक वेरी शॉर्ट आंसर देखने को मिला दूसरा एक शॉर्ट आंसर देखने को मिला अब एमसीक्यूज सी क्यूज जो भी होते हैं ना स्टूडेंट्स वो वन मार्क्स के होते हैं मैं आपको बता दू पहले वेरी शॉर्ट वाला भी वन मार्क्स का होता है शॉर्ट आंसर टाइप आपका या या है 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 ये 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 भी भी का का हो सकता वो मैं आपको दिखा हर पे बेटा लिखा होगा इतने आपसे पूछा जाता ठीक ठीक अब सुनना ने जो अपलोड किया था ये उसका मैं आपको बता रही हूँ सोल्यूशन चैप्टर में से वन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया था और एक लॉन्ग आंसर टाइप सीधा आ गया था अब ये एक मार्क अब ये टू मार्क्स का वेरी शॉर्ट वाला आया था ठीक है मैं रेंज आपको जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये वन या टू भी हो सकता है ये टू या थ्री मार्क्स का भी आ सकता है अगर मैं वन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का पूछू ये टू मार्क्स का था और लॉन्ग आंसर टाइप सीधा फाइव मार्क्स का तो ये सेवन मार्क्स का आपका सीधा बन गया ठीक है ठीक है क्लियर हो गया तो ये आपकी मार्किंग स्कीम अभी तक की जो हमें सीबीएसई के साइड से पता चली है वो मैंने हाँ पे आपको बता और अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो हर क्वेश्चन कैसे करना है वो भी करेंगे है ना? हम लोग वो भी चीज को नोट करेंगे ठीक है आई होप सो सभी को एक क्राइटेरिया पता चल गया है सभी को एक क्राइटेरिया क्लियर है, है ना? चलो क्या बात है बढ़िया अब देखिए कौन से टॉपिक बोर्ड्स में एक्सेल करवाएंगे मैम कुछ ऐसा बता दो भी लास्ट मिनट रिवीजन करें और भाई पेपर बहुत अच्छा चला जाए है ना होता है ना कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो भी ये तो कर ही ले और भाई हम तो फिर उसके बाद तो टॉप करके आना है

तो जब आप एंटो फैक्टर पढ़ते हो तो जो चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी ना वो उससे ही को रिलेटेड है ठीक है उससे ही वो को रिलेटेड है उसके बाद मैं बता रही हूं आपको वेपर प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए और आइडियल और नॉन आइडियल के तो ये तीन मेजर ऐसे सेगमेंट है जिसके बारे में आपको करना ही करना है बोर्ड्स के रिगार्ड में क्लियर है आपको डन है हाँ जी बिहार बोर्ड में देख रही हूँ कोई लिख रहा है ठीक है जितने भी बोर्ड्स आप लिख रहे हो बेटा ये मैं पूरा एनालिसिस जो है सभी के रिगार्ड में करके आई हूं पर मेजरली मैं फोकस सीबीएसई पे कर रही हूँ सभी बोर्ड्स को कवर कर रही हूँ बीच में कई टॉपिक ऐसे आएंगे जो कि सीबीएसई में नहीं है लेकिन किसी और में है तो मैं मैंशन ऊपर कर दूंगी ताकि आप लोगों का भी वो कवर हो जाए ठीक है चलो बढ़िया बात है ये तो बहुत अच्छी बात है अब ये चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है बोर्ड्स के एग्जाम में लिखना कैसे होता है मैम टॉपिक समझ आ गया है ठीक है क्वेश्चन हम लगा लेते हैं लिखना ही तो नहीं आता है नीट और जेई की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं ठीक है हो सकता है कई बच्चा नहीं भी कर रहा होगा ओनली बोर्ड्स का कर रहा होगा पर कई बच्चे कहते हैं नीट और जेई की तो मैम तैयारी कर ही रहे हैं पर हमें लिखना ही नहीं आता नीट और जेई में तो हम टाइम जितना सेव कर सकते हैं ना उतनी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो क्या चीजों का ध्यान रखना है पहली बात आज के सेशन में भी ना जो क्वेश्चन में करवाऊंगी आप इन चीजों को वहां पर नोट करोगे ये जो पॉइंटर यहां लिखे हैं ना ये वहां पर आप इसे नोट करोगे तो पहली चीज इसका आपको ध्यान रखना है भी मान लो आपके किसी क्वेश्चन में थियोरिटिकल क्वेश्चन आ जाता है भी डिफाइन व्हाट इज हेनरी लॉ है ना स्टेट व्हाट इज हेनरी लॉ तो आपको बेटा उसके अंदर डायरेक्टली उसका मीनिंग लिखना है इधर उधर की कहानियां नहीं लिखनी है जब भी आप पेपर लिखते हो क्वेश्चन पेपर का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो आपको डायरेक्ट पॉइंटर्स में जवाब देना होता है मीनिंग पूछा है मीनिंग लिखो रीजन पूछा है रीजन लिखो इधर उधर की बातें नहीं लिखनी होती है तो आपको स्पेसिफिक मीनिंग स्टेटमेंट या रीजन देना है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा दूसरी बात अगर कोई फॉर्मूला है जैसे आपने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज आप देखोगे कोई भी फॉर्मूला आता है आप उसको बॉक्स में डालेंगे इसका प्लीज आप लोग ध्यान रखना इसके बाद आपने जो हेडिंग्स है उसको बोल्ड लेटर्स में लिखना कैपिटल लेटर्स में लिखना बड़ा बड़ा लिखना हेडिंग को ठीक है इसके बाद ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स देन द दे पैराग्राफ पैराग्राफ में मत लिखेगा बेटा पॉइंटर्स में लिखेगा हां जी यूपी बोर्ड हरियाणा बोर्ड आईसीएसई सीबीएसई सभी बोर्ड्स के लिए मैं बोल रही हूँ ठीक है जम्मू कश्मीर बोर्ड ठीक है जिनके लिए भी मैं देख रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे जो टॉपिक एक्स्ट्रा होगा लेट यू नो बेटा टेंशन मत लो सारा सिलेबस सेम है एम पी बोर्ड हां जी मैं सब देख रही हूँ ओडिसा बोर्ड सब देख रही हूँ अब देखो अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस और हाइलाइट्स को अंडरलाइन करना जैसे आपको लगता है ना हेनरी लॉ आपने मेंशन कर दिया अब तुम उसे अंडरलाइन कर दो क्यों क्योंकि जब एग्जामिनर देखेगा कहेगा अरे क्या बात है तो सीधा सीधा लिखे सीधे नंबर ठीक है भाई तुम ऐसे गुचमुच गुचमुच कर ही जा रहे हो नंबर नहीं मिलेंगे ठीक है इसके बाद ऑलवेज एंड द क्वेश्चन विद लाइन जैसे मान लो तुमने एंड कर दिया तो उसमें ऐसे लाइन डाल के फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करिए छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको पता होना चाहिए जो हम नीट और जेई की तैयारी करते भूल जाते हैं है ना ठीक है डन है हाँ जी आसाम बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सभी बोर्ड को लेकर चल रही वेस्ट बंगाल बोर्ड ठीक है टेंशन मत लो ठीक है विश्वास करके बैठो अच्छे से सब अच्छा होगा ठीक है चलो अब अब आपको मैं कुछ दिखाती हूं जिसका आपको थोड़ा सा हिंट हो जाएगा भी आज के इस लेक्चर में बेटा हम क्या देखने वाले हैं सो लेट्स सी आप यहां पर क्या 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 देख रहे हो ये क्या हो हो ये रहा रहा है है देखिए कोई कोई बता सकते है? क्या हो रहा है? क्या कोई आंसर कर सकता है तो ये स्कूबा डाइवर्स हैं ठीक है जो स्कूबा डाइविंग करते हैं अब जब ये आप इनके देखो कि इन्होंने सिलेंडर अभी कैरी किया हुआ था अपने ऊपर है ना तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके जाते हैं मेरा क्वेश्चन छोटा सा है और इसका आंसर इसी लेक्चर में आपको मिलेगा क्या ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ओनली ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है या उसके साथ कुछ और भी भी होता होता है है क्या उसके साथ कुछ और भी होता है? और अगर होता है तो मैम क्यों होता है ओनली ऑक्सीजन क्यों नहीं होता है तो इस सबका जवाब आपको आज के सेशन में मिलेगा है ना आपको आज के सेशन में मिल जाएगा क्लियर है चलिए अब स्टूडेंट्स इस सेशन में मैं क्या देने वाली हूँ क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ मैं पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ ठीक है पहले ही आपको बता देती हूँ थ्योरी मिलेगी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको मतलब मैं समझाऊंगी कुछ चीजें लिखवाऊंगी थ्योरेटिकल चीजें भी होंगी और न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे बोर्ड के रिस्पेक्ट में ठीक है चाहे आप कोई सा भी बोर्ड कवर कर रहे हो दूसरी बात एनसीआरटी बैक एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नेक्स्ट एनसीआरटी टी इंटेक्स क्वेश्चन आपको देखने के मिल, देखने को मिलेगा मोर ओवर जो जो एनसीआरटी का क्वेश्चन होगा टॉप पर आपको राइट right साइड पर देखने को मिलेगा कौन सा तो क्वेश्चन भी, तो भी, भी, भी होगी ठीक है डन है इसके बाद एनसीआरपलर भी करवाई गई है इसका रीजन अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा एनसीआरटी एग्जाम्पलर भी बताई गई है cbsc का सैंपल पे पेपर के क्वेश्चन जो cbsc ने अपनी साइट पे सैंपल पेपर बेटा अपलोड किया है उसके क्वेश्चन भी मिलेंगे और एट लास्ट pqqs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और हर जगह पे हर क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पे टॉप मोस्ट पोजीशन पर आपको ईयर मेंशन होगा क्वेश्चन नंबर मेंशन होगा ताकि आप लोग को कुछ और करने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को पता हो भी मैंने हां ये ये चीजें कवर कर ली हैं ठीक है अच्छा आपको पूछ रहा है नोट साथ साथ बताना है बनाने हैं नहीं बनाने हैं बेटा जब मैं करवाऊंगी ना चीजें तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा जब मैं लिख रही हूँ और तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें थोड़ा सा समय दूंगी भी फटाफट इसको लिख लो फटाफट इसको लिख लो तो टाइमर मिलेगा लिखने के लिए भी ठीक है हर चीजों के लिए डन है तो पता चल गया आज हम क्या करने वाले हैं कैसे करने वाले हैं बोर्ड्स की कुछ बातें बता दी सोल्यूशन की आपको मार्किंग स्कीम बता दी आई होप सो मेरे प्यारे प्यारे चमकते सितारे सभी रेडी हैं रेडी हैं करें स्टार्ट ड्यूरेशन मैम अरे ऐसे आओगे तो फिर कैसे चलेगा ड्यूरेशन पे क्यों जाते हो ये सोच कर आइए कि चैप्टर जो है इसके बाद मुझे कभी दोबारा इसे करना ना पड़े आज के आज इसे हम खत्म कर देंगे है ना चलो रेडी एवरीबॉडी तो मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से आता है ठीक है सॉल्यूशन क्या है अब कई बच्चे कहेंगे मैम हमने ना कभी पढ़ा ही नहीं यार ये चैप्टर आप हमसे ही पूछ रहे हो मैं आपको सब जवाब दूंगी पर मैं एक बार आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहती हूं आपको क्या लगता है क्या होता है सोल्यूशन जी क्या होता है सोल्यूशन चाय तो सभी ने पी है चाय किस किस को पसंद है बताइए चाय किस किस को पसंद है भाई सोल्यूशन क्या होता है चाय किस किस को पसंद है अच्छा नींबू पानी किस किस को पसंद है या छोड़ दीजिए चलो सोल्ट सोल्यूशन किसी ने बनाया है तो क्या होता है ये सोल्यूशन क्या है ये शब्द सोल्यूशन सोचो पहली बात तो मैं आपको बता देती स्टूडेंट्स होता क्या है इन जनरल आपको ना छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए पहली बात तो अगर मैं मिक्सचर की बात करती हूँ ना मिक्सचर की मिक्सचर ना स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं एक आपका होता है होमोजीनियस मिक्सचर बेटा और एक आपका होता है हेट्रोजिनस मिक्सचर ठीक है होमोजेनस और हेट्रोजिनस होमोजेनस आप लोग शब्द लिख रहे हो चैट सेक्शन में तो मैं वही बता रही हूं मिक्सचर दो तरह का होता है थ्रू आउट क्या होती है एक समान कंसंट्रेशन यानी कि फिक्सड मैम आपको प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी तो फिक्स कंसेंट्रेशन आपका होमोजिनियस होगा एक समान मात्रा में आपको देखने को मिलेगा जबकि हेटेरोजेनस में ऐसा नहीं होता नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन ठीक है नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन नॉट फिक्स्ड कंसंट्रेशन क्लियर है क्लियर हुआ अच्छा अब अगर मैं सॉल्यूशन को डिफाइन करने पे आती हूं भी सॉल्यूशन क्या है तो सॉल्यूशन बेटा एक होमोजेनियस मिक्सचर है इट इज इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स टू और मोर कंपोनेंट्स मिक्सड टूगेदर टू क्रिएट वॉट अल्यूशन जब आप दो, दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करते हो ठीक है तो जो होमोजीनियस मिक्सचर हमको देखने को मिलता है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं सोल्यूशन क्या कहते हैं सोल्यूशन कहते हैं है ना अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ होमोजेनियस का मतलब तो समझ आ गया मैम ये कंपोनेंट क्या चीज है कौन से दो या तीन कंपोनेंट कह रहे हो और दो लेते हैं या तीन लेते हैं कैसे पता चलेगा कितने लेने चाहिए तो बेटा कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पे वर्ड आप सबके लिए यूज किया जो मैंने यहाँ कंपोनेंट वर्ड यूज किया इसका मतलब है या तो आप सोल्यूट की बात कर रहे हो या बेटा आप सोलवेंट की बात कर रहे हो या तो सोल्यूट की बात कर रहे हो या सोलवेंट की अब या तो मतलब कि देखो सोल्वेंट हमेशा एक होता है सोल्यूट बढ़ सकते हैं ठीक है ठीके? एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है चार भी हो सकता है या तो वर्ड ना यूज कीजिए सोल्यूट एंड सोलवेंट लीजिए क्योंकि इनको मिलाकर के सोल्यूशन बनता है तो प्लस का साइन लगा लीजिए दैट इज द बेटर वे इसको समझने का जो कंपोनेंट्स आप यहां पे लेंगे वो सोल्यूट और सोलवेंट होंगे क्या बात है वेरी गुड मतलब बच्चे तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है है ना पर मैं ये समझ के चल रही हूँ ना कुछ भी नहीं पढ़ा है है ना तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगी आती है तो रिवाइज हो जाएगा नहीं आती है तो समझ आ जाएगा है ना है ना क्या बात है चलो तो ये पता चल गया सोल्यूशन की डेफिनेशन भाई किसी ने लिखनी है तो लिख सकते हो सोल्यूशन की डेफिनेशन बेटा किसी ने लिखनी है तो आप लिख सकते हैं ठीक है ठीके? लिख सकते हैं मैं इधर हो जाती हूँ सॉरी ठीक है ठीक है जी ठीक है चलो जी चलो आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हाँ जी अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आप समझते हैं जो मैंने दो कंपोनेंट्स आपको बोले वो दो मेजर कंपोनेंट्स एक्चुअल में क्या है ठीक है ये देखिए सोल्यूट इज एडेड टू दोलवेंट इन ब्लू पार्टिकल्स को मैंने इसके अंदर येलो पार्टिकल्स में डाला है ना ठीक है अब देखो क्या हुआ इस ब्लू पार्टिकल्स को डाला तो जिसको डाला बेटा वो क्या होगा आपका सोल्यूट होगा जिसको डाल रही हूँ वो क्या है सोल्यूट है जिसमें डाल रही हूँ वो क्या है वो क्या है सोलवेंट है जिसको डाल रही हूँ वो सोल्यूट है जिसमें डाल रही हूं वो क्या है सॉल्वेंट है और डालने के बाद बन क्या रहा है सोल्यूशन बन रहा है बन क्या रहा है सोल्यूशन बन रहा है है ना सोल्यूशन बन रहा है तो यहां पर इस चीज को भी हम लिख देते हैं ठीक है भी सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है आइए देखते हैं सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्यूट वो होता है जिसको आप डिजोल्व करवा रहे हो मिक्स करवा रहे हो ठीक है तो सॉल्यूट क्या है समथिंग विच इज बींग डिजॉल्व विच इज बींग डिजोल्व इनटू सॉल्वेंट जिसको आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो सॉल्वेंट क्या है जिसमें डाल रहा। इसको ना एक्सप्लेन करने के लिए ना हम ना क्या बोलते हैं मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है ऑडियो नॉट क्लियर भाई क्या हो गया रुको 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 गिव मी अ मिनट प्लीज सर क्लियर है ठीक है ठीक है ठीक है अब क्लियर है आपको मेरी वॉइस आ रही है ना मतलब आवाज आ रही है ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब मैं आपको क्या बोल रही थी सॉरी ठीक है मैं आपको क्या बोल रही थी स्टूडेंट्स सोल्यूट क्या होता है जिसको हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करवा रहे हैं सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें सोल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, है ना तो सॉल्वेंट क्या होगा इनविच इनविच बेटा, है ना? ना अब ये तो मेरी ना पहली डेफिनेशन हो गई जो मैं बोल सकती हूँ दूसरी डेफिनेशन बता क्या बोलती हूँ उसकी अमाउंट में बोलती हूँ सोल्यूट ना हमेशा आपको कम मात्रा में देखने को मिलेगा जबकि सोल्ट आपको ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा ठीक है तो अब आप यहाँ पर देखिए अगर मैं सोल्यूट की बात करती हूँ सो इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट ये लेस अमाउंट में देखने को मिलती है और ये बेटा आपको मोर अमाउंट में देखने को मिलती है ठीक है बेटा सोल्यूट वो है जो जा करके पार्टिसिपेट कर रहा है ठीक है और सोल्यूट uh, वो है जो एक मीडियम उसको दे रहा है जिसके अंदर वो पार्टिसिपेशन हो सके ठीक है क्लियर है क्लियर है सॉल्वेंट की अगर मैं इन डिटेल और बात करती हूं ना तो सॉल्वेंट ना सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को भी डिटरमाइन करता है ठीक है यहां पे आप स्टार लगा के भी लिख सकते हो सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन 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 की फिजिकल स्टेट को ये डिटरमाइन करता है क्लियर है Clear है? चलो अब ना एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लिया Solute, solvent लिख लिया। जी आपको नोट्स मिलेंगे ऐप पर जरूर मिलेंगे क्लियर है ठीक है चले आगे बढ़िया लिख लिया होगा ठीक है पेन यूज नहीं करते हैं सॉरी अब रेड पेन यूज नहीं होगा अच्छा फटाफट से इस गाने में बताइए सोल्यूट क्या होगा और सोलवेंट क्या होगा गाना क्या है मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो है ना तो बताइए सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है बताओ क्या है सोल्यूट यहाँ पे और क्या है सोलवेंट यहाँ पे चलो बताओ फटाफट सोल्यूट <laughs> रंग इज सोलवेंट अच्छा ठीक है ठीक है वेरी गुड चलो तो देखो ध्यान से सुनिए क्या है मैं रंग शरबतों का शरबत तो पिया ही होगा हो ना अपने रू अफजा जैसे बोलते हैं इन अदर टर्म्स या मैं बोलू तो जो रोज शरबत आता है बेसिकली है ना ठीक है तो पानी के अंदर आप क्या डाल रहे हो अब यहाँ क्या तू मीठे घाट का पानी मतलब पानी की बात करें तो पानी यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट है और वो जो कलर ऐड करने की बात कर रहा है या जो जो शरबत का सिरप है उसको ऐड करने की बात कर रहा है वो क्या है सोल्यूट है सोल्यूट क्या होता है जो आप डालते हो सॉल्वेंट में तो वॉटर यहाँ पे क्या है सोलवेंट है क्लियर हुआ तो देख लो हमने गाने में केमिस्ट्री डाल दी है ना सही है ना है चलो क्या बात है क्या बात है तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम ना क्लासिफिकेशन करेंगे किसकी मैम सॉल्यूशन की अब हम क्या करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे सॉल्यूशन की अब हमने सॉल्यूशन पढ़ तो लिया क्या होता है सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है है ना अब अगर मैं वाटर के बेसिस पे अगर भी मैं वाटर को एक सॉल्वेंट लेकर के चल रही हूँ उस बेसिस पे मैं इसको क्लासिफाई करती हूँ स्टूडेंट्स तो मैं इसे टू टाइप्स में क्लासिफाई करती हूँ मैंने क्या किया अब मैंने वाटर को अगर मैं सॉल्वेंट लेकर के चल रही हूँ भी मेरे पास सॉल्वेंट है वाटर ठीक है तो वो सोल्यूशन कितने तरीके का हो सकता है तो वो दो तरीके का बेटा आपका हो सकता है फर्स्ट जो आपका होता है वो होता है एक्व सोल्यूशन क्या टाइप आती है पहली आपकी एक्वि सोल्यूशन आती है मैम और जो दूसरी टाइप आपकी आती है वो आती है नॉन एक्विस सोल्यूशन वो क्या आती है आपकी नॉन एक्विस सोल्यूशन आती है अब एक्वि सोल्यूशन में क्या होता है एक्विस सोल्यूशन में ये होता है भी आपने वॉटर को सॉल्वेंट लिया वेन यू आर कंसिडरिंग वॉटर एज अ सोल्वेंट जैसे कि शुगर इन वॉटर सॉल्ट इन वॉटर है ना तो ये क्या हुआ सोल्यूशन की कैटेगरी में बेटा क्या होगा जब आप वॉटर को एज अ सोलवेंट नहीं ले रहे हो ठीक है कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो कोई भी एक सोल्यूट ले सकते हो जैसे मान लो उसको अब इसमें आप सोलवेंट एल्कोहल ले लो कोई भी सोलवेंट ले लो बट आप वॉटर नहीं ले रहे हो तो वो आपका नॉन एक्विस्ट हो जाएगा जिसमें पानी नहीं है सीधी सी बात है है ना ठीक है हाँ जिसमें वॉटर एबसेंट है सीधी सी बात है समझ आ गई ना तो ये तो मुझे लगता है सभी को बहुत अच्छे से चीज समझ आ गई होगी वॉटर प्रेजेंट होगा और प्रेजेंट होगा तो आप उसको सोलवेंट की तरह ले रहे हो यहां पे क्या होगा बेटा यहां पे वॉटर एबसेंट होगा सीधी सी बात है क्लियर है टन है क्लियर है मैम आपका नेम क्या है मेरा नाम है शौर्य ग्रोवर और मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री विजेता बैच में करवा रही हूं ठीक है टड़ा चलो लिख लिया डन है बोलिए हो गया तो लिख लिया ना इतना दो चलो ये पहली बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करी है ना चलो अगला आता है बी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड कितना सॉल्वेंट उस में उसमें डाल रही हूं उस बेसिस पे ठीक है तो इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको एक इमेज दिखाती हूं जिससे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा ठीक है इस फोटो से आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा बेटा ठीक है तो ध्यान से देखो ध्यान से देखो अब ये ना क्या होता है बेसिकली ये एक रिलेटिव टर्म है जिसमें आप कंपैरिजन करके समझ सकते हो इसको तो आपके सामने पे तीन बीकर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे है ना तो जब आपको ये तीन बीकर्स देखने को मिल रहे हैं लेट्स से हमारा ये बीकर नंबर ए है ये बीकर बी है और ये बीकर क्या है सी है बेटा है ना सी है अब मैं आपको बताने जा रही हूं यहाँ पे लिखा है या अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो ये लिखा है लेस कंसनट्रेटेड और मोर डाइल्यूट ठीक है और यहाँ पे लिखा है मोर कंसेंट्रेटेड ये तो सभी को शायद दिख रहा है है ना अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैं यहाँ पे क्या समझा रही हूँ अगर मान लो मैं ए और बी को कंपेयर करती हूँ ए और बी को अभी मैं सिर्फ ए और बी को कंपेयर कर रही हूँ ए और बी को अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे छोटी सी चीज बताइए भी किसके अंदर आपको सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं

तो वही आपको समझा रहा है भी आप इधर सोल्यूट के रिगार्ड में अगर इसको समझोगे तो जहां पे सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है ठीक है और आप यहाँ कंपेयर कर रहे हो तो ये मोर कंसेंट्रेटेड अगर ये मोर कंसेंट्रेटेड है बेटा ठीक है तो ये लेस डाइल्यूट हो जाएगा ठीक है अब ऐसे इधर आओ ये लेस कंसेंट्रेटेड है बेटा तो ये मोर डायल्यूट हो जाएगा ठीक है वॉइस क्रैक वॉइस प्रॉब्लम पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है Sir, just give me a minute, students. <coughs> Voice problem. <coughs>

चलिए स्टूडेंट्स तो डाइल्यूट सोलूशन पे चलते हैं अगर मैं डाइल्यूट सोलूशन आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो डाइल्यूट सोल्यूशन क्या करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन करता है ये डाइल्यूट है ना ये कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन कर रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मतलब इसमें सोलवेंट ज्यादा है सोल्यूट क्या बेटा कम है है ना इसमें अगर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन मैं बोलूंगी तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन करता है जिसको स्मॉल अमाउंट ऑफ में डिजोल्व किया है, है ना मैम वॉइस क्लियर है ठीक है मुझे पता चल गया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है

बेसिस ऑफ सोल्यूटेड अब देखो यहाँ पे ना आपको मैं तीन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए one, बेटा, unsaturated solution. Unsaturated solution. और जो आपका लास्ट वाला आता है थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन सुपर सैच्यूशन आती है अब इसका मतलब ना बहुत आसान है अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो ठीक है सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है देखो मान लो मैं क्या कर रही हूँ एक मेरी लिमिट है भी मैं इतना ही सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड कर सकती हूँ एक लिमिट है और मैं उतना भी उसमें घुमा रही हूँ मतलब मैंने क्या किया कुछ सोल्यूट लिया मैंने उसको में मिक्स किया वो मिक्स हो गया अब इसके बाद वो मिक्स और नहीं होगा

अनसे मतलब कम डाला सैचुरेटेड मतलब जितना है उतना ही डाला सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा सुपर सैचुरेटेड समझो मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैंने क्या किया कुछ लेट्स से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डाल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने एक पर्टिकुलर एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट उसमें डाल दिया सॉल्वेंट में डाल दिया अब मान लो मैंने उसका टेम्परेचर जो है वो रेज कर दिया और टेम्परेचर बढ़ाने पर मैंने उसमें और डाल दिया वाई ग्राम और डाल दिया ठीक है और ऐड कर दिया solute, उतने उसी में सेम सोल्यूट और डाल दिया अब जब मैं क्या करती हूं टेम्परेचर को मैं ड्रॉप करवाऊंगी जब मैं टेम्परेचर को ड्रॉप करवाऊंगी तो ड्रॉप करवाने पे मुझे जो फाइनल सल्यूशन में की मात्रा मिली थी उतनी ही मिलती है उतनी ही मिलती है ठीक है यानी कि मैं सेम टेम्परेचर पे जब वापस आई तो मुझे मात्रा उतनी ही मिली तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा वो सुपर सेचुरेटेड हो जाएगा क्लियर है डन है क्या बात है प्लीज़ रिपीट मैम देखो तो यहां पे समझो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है

आगे देखते हुए बढ़ते हुए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन तो बताया था भी आपका सोलवेंट का नंबर जो है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वॉट बेटा वन है ना तो मान लो सोल्यूट अगर की सोल्यूट की मात्रा बढ़ा रहे हो तो हम यहां क्या लिखेंगे हम यहां लिखेंगे सोल्यूशन का नेम यहां पे लिखेंगे सोल्यूट यहां लिखेंगे सॉल्वेंट तो देखो अगर मैं सॉल्वेंट तो मुझे पता फिक्स वही होता है अगर मैं सोल्यूट भी एक ही ले लेती हूं जैसे कि सोल्ट एंड ले रही हूं तो एक सोल्ट ले वाटर मेरा सॉल्वेंट हो गया है ना तो दो सब्सटेंसेस हो गए दो कंपोनेंट्स हो गए दो कंपोनेंट्स हो गए तो ये मेरा बाइनरी सोल्यूशन कहलाता है ये मेरा कैसा सोल्यूशन कहलाता है लेकिन अब मैंने सोल्यूट दो ले लिए अब मैंने क्या किया शुगर और सोल्ट दोनों मिला दिए वॉटर के अंदर तो शुगर और सोल्ट जो मेरा सोल्ट है दोनों के सोल्यूट है जिसको मैं डाल रही हूँ तो दो कम्पोनेट जो तो सोलूट हो गए एक सोलवेंट हो तो गए तो टोटल तो कितने हो गए तीन कंपोनेंट तो ये मेरा कैसा सोल्यूशन है ये मेरा टर्नरी है कैसा सोल्यूशन है बेटा मेरा टर्नरी हो जाएगा क्या बात है ठीक है अब अगर मैं मान लो बोल देती हूँ सॉल्वेंट एक है लेकिन अब मेरे पास सोल्यूट कितने हैं तीन है तो सम क्या हो गया फोर हो गया टोटल तो सम फोर हो गया तो ये मेरा क्वार्टरनरी हो जाएगा क्वार्टरनरी सोल्यूशन कहलाएगा क्या कहलाएगा मैम ये हमारा क्वार्टरनरी सोल्यूशन कहलाएगा तो आई होप सो ये क्लियर है भी कितने सोल्यूट डाल रहे हो उस बेसिस पे हमने क्या किया क्लासिफिकेशन किया सॉर्टेड है क्लियर हुआ क्या बात है डन है लिख लिया किसी ने नहीं लिखा तो प्लीज लिख लो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना सॉल्वेंट हमेशा से एक होगा हमेशा से एक होगा ठीक है जी मैम क्लियर है मैम चले आगे चलिए आगे देखते हैं अच्छा अब लास्ट आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ़ ऑफ़ नेचर एंड सॉल्वेंट अब मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी जब मैं सोल्यूट और सोल्वेंट में आपको क्लासिफिकेशन करवा रही थी मैंने कहा था सोल्यूट की फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करती है सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बारे में ठीक है सॉरी सॉल्वेंट की बात कर रही हूं मैं सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करती है मान लो अगर आपने सॉल्वेंट जो लिया गैसीयस लिया है तो आपका सॉल्यूशन भी गैसीयस सॉल्यूशन होगा अगर आपने अपना सॉल्वेंट लिक्विड लिया है तो आपका सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन होगा अगर आपने अपना सॉल्वेंट सॉलिड लिया है तो सॉल्यूशन आपका सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा है ना क्लियर है चलो अब देखो यहां पे सबसे पहले तो आपको तीन सोल्यूशन बनते हैं आपका गैश सोल्यूशन होगा लिक्विड सोल्यूशन होगा और सॉलिड सोल्यूशन होगा है ना ठीक है अब देखो अच्छा प्रीवियस स्लाइड एक सेकेंड बेटा जिसका रह गया एक बार इसको लिख लो ये रिविजन क्लास नहीं है ये वन शॉर्ट सीरीज है जिसमें इन डिटेल आपको बेटा सब कुछ बताया जा रहा है ठीक है <coughs>

ठीक है तो वो मेरा क्या होगा गैशियसल होगा एग्जाम्पल क्या है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस दोनों ही ले लिए सोल्यूट भी सॉल्वेंट भी है ना ठीक है अब देखो अगला क्या आता है अगर मैं लिक्विड स्टेट लेती हूँ उसको गैस में कर रही हूँ सॉल्वेंट क्या गैस तो सोल्यूशन का नाम भी गैशियस होगा गैशियस होगा अब जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं ना बेटा जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी जवाब नहीं दिया तो देखना है ना चलो तो लिक्विड इन गैस करते हैं तो एग्जाम्पल उसने दे दिया क्लोरोफॉम मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस हो गया सॉलिड इन गैस करते हैं तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ठीक है चलो आगे देखिए अब अगर मान लो मेरा सॉल्वेंट क्या है लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन का नाम भी लिक्विड सॉल्यूशन होगा है ना तो अगर मैं बोलती हूँ गैस को आप लिक्विड में डिसॉल्व करवाते हो जैसे कि ऑक्सीजन को आपने वाटर में अब ऑक्सीजन इज गैस इन नेचर वाटर इज लिक्विड इन नेचर तो ये आपका क्या बनता है ये आपका बनता है लिक्विड सोल्यूशन अगर मान लो मैं लिक्विड को लिक्विड में करवाती हूँ जैसे कि इथेनोल को मैंने वॉटर में डिजोल्व करवाया सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन है ना ठीक है इसके बाद सॉलिड एंड लिक्विड जैसे कि ग्लूकोज को वाटर में ठीक है अगली बात आती है सॉलिड सोल्यूशन सॉलिड सोल्यूशन क्या होगा जब आपने अपना सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में लिया है है ना तो अब अगर आप गैस को सॉलिड में करवाते हो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पेलेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेर सारी रिएक्शन आपको देखने को मिलती है निकल प्लाटिनम पेलेडियम प्लाटिन, 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 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन को हम ऐड कराते हैं ऑर्गेनिक वाले बच्चे अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे है ना शुड वी नीड टू लर्न द टेबल नो नीड टू लर्न द टेबल आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना है आपके मुझे देख के बता नहीं सकते ऑक्सीजन गैस और वॉटर क्या है आपका लिक्विड है तो ये गैस एंड लिक्विड हो रहा है यानी कि ये लिक्विड सोल्यूशन है तो देख के समझने वाली बात है एक बार रीडिंग तो दो, दो बार रीडिंग तो खत्म है ना चलो आगे देखो लिक्विड को सॉलिड में कर रहे हो जैसे कि अमलगम ये वाला आता है भाई क्वेश्चन अभी दिखाऊंगी भी आएगा अमलगम ऑफ विद सोडियम है ना ये हो गया सॉलिड को सॉलिड में जैसे कि कॉपर को आप डिजोल्व करते हो गोल्ड में जो जिनमें टिक लगाया बेटा उसको तो कर ही लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है उसको तो कर ही लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ये टेबल ड्रॉ कर लो यहाँ से हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन खत्म होता है पहला टॉपिक हमारा खत्म होता है ट अंडरस्टूड सॉलिड पार्ट सॉलिड पार्ट में बेटा ऐसा है भी अगर आप देखो सॉलिड कब कहलाएगा जब आपने sol, आ, अपना सॉल्वेंट क्या कह लिया सॉल्वेंट अगर आपने सॉलिड फॉर्म में लिया तो सोल्यूशन भी सॉलिड ही कहलाएगा सॉलिड सोल्यूशन होगा अगर आपने सॉल्वेंट लिक्विड लिया तो लिक्विड सोल्यूशन कहलाएगा सिमिलरली के, के फेज में होता है ना तो अब यहाँ पे सॉलिड के केस में गैस को सॉलिड में डालोगे तो भी सॉलिड सोल्यूशन है लिक्विड को डालोगे तो भी है और सॉलिड को सॉलिड में डालोगे तो भी है बस आपको स्टेट्स देखने भी तीन फॉर्म्स आ सकती हैं भी अगर आपका सोल्यूट गैसेस फॉर्म में है सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड में है तो वो गैस इन सॉलिड हो जाएगा आई होप सब क्लियर है नोट नोटेड मैम नोटेड हो गया है क्या बात है वेरी गुड बढ़िया बात है अच्छा अब चलो अब इतनी देर से इंतजार कर ही रहे हो क्वेश्चन करा दो क्वेश्चन करा दो मैम प्लीज करा दो है ना चलो करें क्वेश्चन स्टार्ट करें अच्छा ये टेबल अगर किसी को लगता है मैम लिखा नहीं जा रहा है टाइम नहीं है एनसीआरटी खोल लीजिए प्लीज एनसीआरटी बुकलेट अपने साथ रखो एनसीआरटी खोलो उसमें मार्क कर लो टिक लगा लो खत्म कहानी खत्म कहानी ठीक है चलो क्वेश्चन आपके सामने है अब मैंने आपको जैसे कि पहले ही बोला था ये आपको एग्जाम्पलर में देखने को मिलेगा सोचने का समझने का फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कहता है ऑन शुगर इन वॉटर एट रूम टेम्परेचर सोल्यूशन फील्स कूल टू टच ठीक है अंडर विच ऑफ केस डिजोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड जब आप उसे मिक्स कर रहे हो डिजोल्व कर रहे हो तो किसमें वो रैपिड होगा जल्दी होगा ठीक है तो देखते हैं कौन से बच्चे जो हैं, कौन से स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली इसका सही जवाब मुझे दे पाते हैं दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीआर का क्वेश्चन नंबर टू है लेट्स देखते हैं किसका सही होता है क्या बात है अच्छा अगर किसी को नहीं पता ना पोल कैसे करते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ए बी सी या डी भर सकते हो अच्छा अब ये वन मार्क्स का क्वेश्चन के तौर पर आता है एमसीक्यूज वन मार्क्स का क्वेश्चन के तौर पर आते हैं तो मार्किंग स्कीम भी साथ में मेंशन है मार्किंग स्कीम भी साथ में मेंशन है ठीक है टाइमर खत्म होने वाला है देखे भाई देखते हैं किन स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे पॉप करता है किन का आंसर सही होता है है ना क्या बात है बहुत अच्छे बहुत बढ़िया चलिए टाइमर बेटा यहाँ पे खत्म होते हुए तो मैं बता दू इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका क्या आएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारी पोल ही रुक गई है पता नहीं इस पोल को क्या हो गया चलो ठीक है 83 परसेंटेज ऑफ द क्लास गोज विद ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड और ये हमारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है बेटा जब सेशन एंड हो जाएगा ना तब तो मैं आपका पूरे लीडर बोर्ड पे जो नेम्स होंगे ना उनका मैं नाम लूंगी ठीक है ठीक है चलो

इसको छोड़ती हूँ, अभी आगे चलते हैं ये भी क्वेश्चन अभी आपको करवाना है अम, ये क्वेश्चन अभी करवाना है तो चलिए थ्योरिटिकल क्वेश्चन पे आते हुए थ्योरिटिकल क्वेश्चन पे आते हुए वो क्वेश्चन अभी करवाना है अभी रेट ऑफ रेजोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन है ना तो स्टैब्लिश होता है अभी उस पर आने वाले हैं आने वाले आने वाले ठीक है शांति से तो थियोर क्वेश्चन पे आते हुए का क्वेश्चन है है नॉर्मली जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम बनाते रहते हैं उसमें से मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से सुनना क्वेश्चन कहता है भाई जब दो liquid mix नहीं होते हैं तो किस तरह का सोल्यूशन बनता है अब ये चीज मैं आपको कुछ सिखाने भी जा रही हूँ और नई चीज बताने भी जा रही हूँ जब आपकी दो चीजें एक दूसरे में मिक्स हो जाती है 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 बेटा उसे मिसिबल मिसिबल कहते हैं उसका नाम होता ठीक जब वो मिक्स हो जाती है ठीक है जैसे कि आप शुगर इन वाटर बोल दो सॉल्ट इन वाटर बोल दो वो मिक्स हो जाता है है ना अगर मैं बोलती हूँ भी अगर अब अब यहाँ पे मैं शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर जो बोल रही हूँ वो दो लिक्विड नहीं है पहली बात

तो कुछ इस तरीके से आंसर करते हो कुछ इस तरीके से उसको लिख कर आते हो तो लिखने का तरीका बता रही हूं अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है आपको मैंने समझा दिया जब जब दो लिक्विड को मिक्स मिक्स करते हो मिसिबल है जब नहीं मिक्स होते हैं तो वो हमारा इमिसिबल का एग्जाम्पल हो जाएगा अब यहां पे देखो वेदर टू लिक्विड डिजोल्व मिक्स टू फॉर्म सोल्यूशन दे आर कंसिडर मिसिबल अगर वो डिजोल्व हो जाए या वो मिक्स हो जाए जब सोल्यूशन बनाने के लिए तो बेटा वो मिसिबल होगा एग्जाम्पल एल्कोहल और वाटर है दोनों क्या है अब आपकी लिक्विड स्टेट है वो इमिसिबल होते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जब भी आप कोई चीज डिफाइन करते हो कुछ बताते हो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है ना तो उसको अंडरलाइन कर लो बेटा तो अंडरलाइन मैंने कर दिया एग्जांपल वो क्या दे रहा है ऑयल एंड वॉटर है बेटा जो कि इम्मिसिबल है। तो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था भी ऐसे कौन से मतलब उनको हम क्या बोलते हैं उसका नाम क्या होता है तो हमने नाम भी दिया हमने एग्जाम्पल भी दिया और हमने उसको कंपेयर भी करा दिया मिसिबल से तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए बोर्ड में बेटा तो इस तरीके से लिख कर आना है समझ आई कैसे बोर्ड में लिखना है ठीक है तुम्हें यह समझ के चलना है अभी जो चेक करने वाला उसको आता ही नहीं है तुम्हे उसे समझाना है सीधी सी बात है कर लेंगे ठीक है ना बोलो भाई डन है यस मैम क्रिस्टल क्लियर मैम क्या बात है अच्छा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन एक और करे थ्योरी वाला ही है ना क्वेश्चन कहता है गिवन एग्जांपल ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड टाइप सॉल्यूशन जब आप लिक्विड एंड सॉलिड ले रहे हो अब लिक्विड हम अगर ले रहे हैं लिक्विड इन सॉलिड मतलब इसको इसमें डाल रहे हो तो लिक्विड आपका क्या है सॉल्यूट है और सॉलिड आपका क्या है बेटा यहाँ पर सॉलिड आपका सॉल्वेंट है मैंने बोला था सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करती है सॉल्यूशन की क्या फिजिकल स्टेट होगी तो क्या होगी ये क्या बनेगा मैम सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा क्या बनेगा सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा तो एग्जांपल दो फटाफट से यस yes, अरे क्या बात है मैंने अभी जब तुम्हें टिक लगवा रही थी मैंने कहा था ना कहा था ना भी भाई आने वाला है ऐसा क्वेश्चन है ना क्या बात है बेटा वेरी गुड तो देखो इसको कैसे बोर्ड में रिप्रेजेंट करना है आइए इसको भी देखते हैं तो आपने लिखना है लिक्विड एंड सॉलिड मींस मींस सॉल्वेंट विल बी सॉलिड एंड द दोल्यूट विल बी लिक्विड पहले बता दो भी इसका मतलब क्या है यहाँ सोल्यूट किस फॉर्म में सॉल्वेंट किस फॉर्म में ठीक है उसके बाद एग्जाम्पल लिखो इन सोडियम यानी कि अमलगम है ना क्या बात है वेरी गुड क्लियर हुआ चलिए हां जी बोलो भाई फटाफट समझ आ रहा है बोर्ड्स में कैसे लिखना है ठीक है क्लियर हो गया वेरी गुड अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अब बेटा ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है अब यहां से हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन जिसको हम क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन बोलते हैं ठीक है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन टर्म्स को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है कंसंट्रेशन क्या होता है भी कितनी मात्रा में आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हो ताकि एक सॉल्यूशन बन जाए सीधी सी बात है, है ना सो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज वॉट इज कंसेंट्रेशन समझ गए इक्विलिब्रियम क्या है मैम इक्विलिब्रियम वाली बात पे आऊंगे अभी डिसोल्यूशन उस पर आऊंगी सॉल्युबिलिटी वाला जब हम पाठ पढ़ेंगे ना सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक तो जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था वो उसमें कवर हो जाएगा ठीक है ठीक है डायर अब देखो कंसेंट्रेशन की मैं बात करती हूं तो कंसेंट्रेशन मैंने बोला कितना सोल्यूट आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो भी सॉल्यूशन बन जाए बेटा ये होती है कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं जो उसे एक्सप्रेस करती है है ना उसे कंसेंट्रेशन टर्म्स कहते हैं ठीक है थीके? तो देखो क्या है इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन इट इज डिनोटेड बाई इधर सी और बाय एस कंसेंट्रेशन को आप कैपिटल सी या कैपिटल एस से भी लिख सकते हो क्लियर है डन है सॉर्टेड है भाई प्लीज रिपीट कितनी तुम सोल्यूट सॉल्वेंट में डाल रहे हो ताकि एक सोल्यूशन बन जाए उसे कंसेंट्रेशन कहते हैं जो उसे एक्सप्रेस करता है उसे क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं ठीक है सॉर्टेड है चलो भाई आगे चलते हैं अब बारी आती है इसी पे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझाऊंगी। समझाउंगी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर है है बेस्ड का मार्क में पूछा जाता है ठीक है क्या क्वेश्चन है किसपे डिपेंड नहीं करेगा ये है इसी से हम इस टॉपिक को भी समझेंगे मैं चाहती हूँ एक बार आप लोग ट्राई करके देखो एक बार आप लोग ट्राई करके देखो इसको है ना मैम एक बार दोबारा बता दो मैं बता देती हूँ कितना सोल्यूट आप सोल्वेंट में डाल रहे हो ताकि एक सोल्यूशन बन जाए वो उसकी कंसेंट्रेशन है भी कितना डाला वो कंसेंट्रेशन है उसको बताने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए बेटा कंसेंट्रेशन टर्म्स आती है, है ना अब ये क्वेश्चन देखो सोचो वो कहता है भी तुमने ना मैक्सिमम अमाउंट सॉलिड का डाल दिया लिक्विड के अंदर तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा थोड़ा सा दिमाग लगाना मतलब इसको प्रैक्टिकली सोचकर देखो भी किस पे डिपेंड नहीं करेगा चलो जी इसका ऑप्शन नंबर सी है भी वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा सेवेंटी फोर परसेंटेज ऑफ द क्लास का सही है आप लोग अपने नाम देख सकते हो मैं एंड ऑफ द सेशन सबका एक साथ नाम लूंगी ठीक है सॉर्टेड है भाई चलो बढ़िया बात है तो बिल्कुल सही भी मैम वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता ठीक है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है हीट करोगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे आप सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करवा रहे हो पार्टिकल्स को हीट करने से उनके उनके बॉन्ड ब्रेक होंगे है ना नेचर ऑफ सोल्यूट क्या ऐड करवा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है किसमें ऐड करा रहे हो उसके सोलवेंट के भी नेचर पर डिपेंड करते हैं लेकिन बेटा प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब क्वेश्चन नहीं है अब कंसेंट्रेशन टर्म्स का टॉपिक है मैंने बोला कंसेंट्रेशन का कितना सोल्यूट तुमने डाला अब उसको एक्सप्रेस करने के लिए कंसेंट्रेशन टर्म्स को हमने इंट्रोड्यूस किया अभी हम इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं हैं कैलकुलेट कैसे कर सकते अभी क्या डाला कितना डाला कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए कुछ टर्म्स है जिसको हमने कैलकुलेट करना है पहला आता है आपका दो तरह की कंसेंट्रेशन टर्म्स होती है एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एक होती है आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होती है आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ठीक है ठीक है अब समझो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो जो मास रिलेटेड कंसेंट्रेशन टर्म्स होती है ना मास रिलेटेड कंसेंट्रेशन टर्म्स वो स्टूडेंट्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है वो स्टूडेंट्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टर्म्स होती है इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होती है और जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसनट्रेशन टर्म्स होती है जो वॉल्यूम रिलेटेड होती हैं वो क्या होती हैं वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है इस पर क्वेश्चन आता है तभी करवा रही हूं इसपे क्वेश्चन आता है बेटा तभी करवा रही हूं ठीक है है ना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा वो सभी मास रिलेटेड आएंगे जिसके फॉर्मुला में मास 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 होगा वॉल्यूम होगा ही नहीं और जिस पे वॉल्यूम देखने को मिलता है वो टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म्स है कुछ एग्जांपल लिखे जाए बिल्कुल मैम लिखे जाए अगर मैं टेंपरेचर डिपेंडेंट की यानी कि वॉल्यूम रिलेटेड कंसेंट्रेशन टर्म्स की बात करती हूँ, अभी मैं सारी कंसेंट्रेशन टर्म बताऊंगी मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी और आगे जाकर आप इस चीज को खुद वेरीफाई करोगे कि हाँ, ऐसा ही था है ना ठीक है तो पहली है मोलारिटी मोलारिटी क्या होती है अब कई बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि अभी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं है ना तो मैं खुद से बता देती हूँ मोलारिटी होती है बेटा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम अभी आएगा आएगा ये टॉपिक टेंशन मत लो आएगा तो मोलारिटी हो जाएगी ठीक है मोलारिटी हो जाएगी ऐसे ही नॉर्मैलिटी आ जाएगी ये सब पढ़ेंगे अभी टेंशन मत लो पढ़ेंगे अभी इस पे क्वेश्चन आता है इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ आता है भाई ठीक है अब जैसे मैं ले लू मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ले लो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ले लो ये सारी क्या है वॉल्यूम रिलेटेड कंसेंट्रेशन सभी क्या होंगी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी ठीक है बढ़िया अब इंडिपेंडेंट के अगर मैं लेती हूं तो मोलैलिटी मोलैलिटी ये मोलालिटी है मोलैलिटी है भाई कंफ्यूज मत हो जाना उसमें यहाँ पे आर लिखा, लिखा है यहाँ पे एल लिखा है कंफ्यूज मत होना ठीक है ये मोलैलिटी आपका हो गया और क्या हो सकता है मैम और कौन सी ले सकते हो मोल फ्रैक्शन हो गया इसमें आपका ठीक है नंबर ऑफ मोल्स हो गया आपका ठीक है मास बाय मास हो गया मास बाय मास परसेंटेज हो गया तो ये सारी टेम्परेचर इनडिपेंडेंट टर्म्स है ठीक है डन है सॉर्टेड बेटा इतना हो जाएगा हो जाएगा चले आगे स्लो पढ़ाओ प्लीज स्लो मतलब मैं भाग रही हूं तुम्हें ऐसा लग रहा है या मेरी वॉइस को आप बोल रहे हो स्लो मतलब धीरे बढ़ाओ सभी को ऐसा लग रहा है कोई चीज नहीं समझ आई आप पूछ सकते हो दोबारा कोई दिक्कत नहीं है सौ बार पूछो पेपर में सही करके आना है बस बात खत्म है ना लिख लिया भाई लिख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिपीटिंग अगेन ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन आपको ऑब्जर्व होगा मिलेगा ठीक है हाँ जी ले लो ले लो स्क्रीन शॉट ले लो भाई चलो ले लो ले लो ले लो फटाफट आगे चलते हैं यस yes, एवरीबॉडी बेटा पोल क्वेश्चन वाइज आएगी ना जब क्वेश्चन आएगा तो पोल भी आ जाएगी है ना ठीक है सोटरडे चलो हाँ जी आगे देखते हैं तो अब हम कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करते, करते हैं पहली कंसंट्रेशन टर्म हम स्टार्ट करते हैं पहली कंसंट्रेशन टर्म जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूँ उसे मास परसेंटेज कहते हैं या मास बाय मास परसेंटेज भी कहते हैं या एम बाय एम परसेंटेज भी कहते हैं या वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं या डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज भी कहते हैं है ना ठीक है तो अब देखना बहुत सारे नाम बता दिए मैम आपने इसके यहाँ पे लिख भी दीजिए हाँ देखो या तो आप इसको W बाई डब्ल्यू परसेंटेज बोलोगे या M बाई एम परसेंटेज बोलोगे या मास बाय मास परसेंटेज भी बोल सकते हो, वेट, वेट परसेंटेज भी बोल सकते हो अब इसको समझना है तो ऐसे समझो मास बाय मास मतलब ऊपर भी मास नीचे भी मास समझना कैसे अब आपने मैथ्स में न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर के बारे में तो पढ़ा होगा है ना न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में सभी ने पढ़ा होगा बिल्कुल तो आप देखो न्यूमिनेटर क्या होते हैं तो अगर ऊपर भी मास ले रहे हो नीचे भी मास ले रहे हो तो वो मास 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 परसेंटेज हो जाएगा ठीक है ऊपर ले रहे हो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ले रहे हो वो मास वॉल्यूम बन जाएगा ऊपर वॉल्यूम ले रहे हो नीचे भी वॉल्यूम ले रहे हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा ठीक है डन है हां जी मैम अब देखो अब देखो समझो ये डेफिनेशन इसकी इस तरीके से है भी मास बाय मास में मैं ऐसे बोल सकती हूं मास ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू हंड्रेड हंड्रेड से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो मास परसेंटेज क्या होगा वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगा ये होगा मैम मास ऑफ सोल्यूट ठीक है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन बेटा इंटू हंड्रेड इन टू हंड्रेड मान लो अगर मैं कभी आपको ऐसे दे दू फाइव परसेंट मास बाय मास इसका इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? होगा फाइव ऑफ़ सोल्यूट फाइव लिखा है ना तो फाइव ग्राम्स ऊपर वाला मास ग्राम्स में ना ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अब डिनोमिनेटर में सोल्यूशन ले रहे हो ना तो प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सल्यूशन ये क्यों लिख रही हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन में आगे जाके अभी आप देखोगे मैं आपको करवाऊंगी कईयों में ट्वेंटी परसेंट मास बाय मास लिखा है कईयों में थर्टी परसेंट मास बाय मास लिखा है इसका मतलब क्या हुआ ट्वेंटी ग्राम सलूट प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सल्यूशन थर्टी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सल्यूशन बेटा ठीक है मैम राइट विद ब्लू पेन ब्लू पेन से तो लिख रहे हैं मैम पोल कहाँ आता है कहीं भी नहीं आता आपने चार्ट सेक्शन में ए बी सी डी लिखना होता है वो आ जाता है वो कैच कर लेता है ठीक है भाई पोल अभी कर ही नहीं रहे तो शो कहां से करेगा आप लोगों को ये क्लियर हो गया ना ठीक है ये भी क्लियर हो गया ना डन डन है दन है चलो आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं हाँ जी चलो अब एक क्वेश्चन है ये एनसीआरटी इंटेक्स क्वेश्चन वन पॉइंट वन है एक एनसीआरटी में एक्साम्पल दी होती है जो सॉल्व करके वो देता है और एक एनसीआरटी में होते है एक्साम्पल के नीचे देते हैं इन इंटेक्ट क्वेश्चन भी खुद से तुम ट्राई करके देखो तो एनसीआर इंटेक्स क्वेश्चन है देखो आपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो आई वॉन्ट आप करो हाथ से ठीक है तो मैं सारे एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन के क्वेश्चंस है सब लेकर के आई हूं तो मैं आपसे उतनी ही मेहनत चाहती हूँ जितनी भी यहाँ पे मैं कर रही हूँ ठीक है आप लोग इसे सॉल्व करेंगे आराम से बताइए क्या इसका जवाब होगा कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड

वॉट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा ये सॉलिड स्टेट चैप्टर में बेसिकली uh, सॉलिड की दो टाइप्स होती है क्रिस्टलाइन मॉर्फस क्रिस्टलाइन में एक फिक्सड जोमेट्री होती है मॉर्फस में नहीं होती है इरेगुलर अरेंजमेंट होती है क्रिस्टलाइन में एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स लेकिन अभी वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगी ठीक है क्या बात है मतलब इतनी स्पीड अरे बापरे क्या बात है वेरी गुड चलो चलो स्टार्ट करते हैं अब देखो जब आप कोई पेपर में बोर्ड्स के पेपर में जब ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए बेटा तो कैसे सॉल्व करना है इस पे ध्यान दो कर तुम लोगे लेकिन तुम ना रफ वर्क करने वाले बच्चे हो क्योंकि तुम्हें फटाफट जवाब देना होता है नीट और जेई में फटाफट जवाब देते हैं टाइम बचाते हैं बट तो बोर्ड्स में आए ना तो आप ना मैं बार बार हर क्वेश्चन में अभी नहीं लिखूंगी क्योंकि आप लोगों को पूरा चैप्टर करवाना है आपको ना ऐसे कॉलम बनाना है गिवन करके ठीक है गिवन में आप वो सब लिखोगे जो आपको उसने दिया है जो उसने आपको दिया है आप लोग उसे सब लिखोगे गिवन गिवन में ध्यान से। मास गिवन है बेंजीन का इतना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का इतना है देखा जाए तो ये क्या है ये क्या है ये गिवन मास है मैम ये क्या है मैम ये भी गिवन मास है मैम है ना दोनों के हमें गिवन मास दे रखे हैं ठीक है चलो अब आपने इसके बाद क्या करना है ये चीजें तो आप लिख लोगे मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है आप लोग अच्छे से लिख सकते हो है ना अब देखो यहाँ पे मुझे मास परसेंटेज निकालना है, वेट वेट परसेंटेज निकालना निकालना है है वेट वेट बाय और मुझे दोनों का निकालना है तो मुझे जिसका निकालना है उसका मैं न्यूमिरेटर में रखूंगी डिवाइडेड बाई टोटल मास करूंगी मैं इन टू हंड्रेड ठीक है तो मान लो मैंने वेट बाय वेट परसेंटेज किसका निकालना है स्टूडेंट का निकालना है तो इसका क्या होगा इसका होगा वेट या मास

चो इसको आप कैलकुलेट करेंगे इसका आएगा फिफ्टीन पॉइंट ट्वेंटी एट परसेंट क्या सभी का यही आ रहा है फिफ्टीन पॉइंट ट्वेंटी एट परसेंट सभी का यही आ रहा है ठीक है तो इसको कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा फिफ्टीन पॉइंट ट्वेंटी एट परसेंट ठीक है ये मैंने कैलकुलेट पहले से कर रखा हुआ है डिवाइड पहले से कर लिया ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए ठीक है क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं चलो आगे देखते हुए ये मैंने वेट वेट बेंजीन का आपको करवा दिया है ठीक है ऐसे ही अगर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है वेट बाय वेट तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास 122 गिवन है डिवाइडेड बाय टोटल कितना था 144 फोर्टी फौर हम क्या कर देंगे बेटा 100 कर देंगे और मैं चार्ट सेक्शन में भी देख रही हूँ सभी का आंसर आ रहा है एट्टी फोर पॉइंट क्या बात है तो निकाल लिया ना मास मास बाय परसेंटेज मैं पहले बता देती हूं ये आपको टू मार्क्स या थ्री मार्क्स में स्टूडेंट्स देखने को मिल सकता है, है। मास बाय मास परसेंटेज का एनसीआर इंटेक्स क्वेश्चन कर लिया बोलो भाई मैं साइड पे हो रही हूँ साइड पे हो रही हूँ है ना कैलकुलेट करके दिखाइए भाई यहाँ तक कर तो दिया कर तो दिया डिवाइड भी कर देते हैं कहते हो तो डिवाइड भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है डिवाइड करना डिवाइड भी कर देंगे है ना कोई दिक्कत नहीं है चलो चले आगे देखें डन है क्या बात है क्या बात है चलो बेटा डिवाइड मुझे ऐसा लगता है आपने सिक्स सेवंथ क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है ना है ना तो डिवाइड तो कर ही लोगे ठीक है बाकी कोई देखो अब इस चैप्टर में लॉग रिलेटेड कुछ है नहीं बट हाँ लॉग रिलेटेड कुछ भी होगा तो लास्ट तक आंसर निकाल के दूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉग भरा हुआ है वहां पे लास्ट तक आपको आंसर मिलेगा तो घबराओ मत कैलकुलेशन सारी मिलेगी यहीं पे ठीक है

नीट के लिए इनफ होगा क्या हाँ जी सारे मैंने नीट के टॉपिक्स भी इसमें कवर कर रही हूं तो आप कर सकते हो बेटा ठीक है डन है ठीक है जी समझ आ गया मुझे नहीं लगता मुझे भी इसको दोबारा लिखने की जरूरत है वी वी बाय से इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई लिख लिया डन है जी हन जी हो गया जी चलो जी चलो चलो आगे चले अगला आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आता है अब मैंने बता दिया है मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ व्यूम सल्यूशन एक चीज मैं आपको ना पीछे मेंशन कर इसको बताने से पहले एक चीज मेंशन कर जैसे मैंने आपको ना मास मास बाय में बोला था हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन अगर मान लो यहां पर तुम्हें वो दे देना 5 है, तो होगा, होगा। इन 100 ml of solution हो बच्चे गलती, कर आते। गलती हो जाती है न्यूमेरिकल सारा आता होता तो तो है यहाँ गलती हो जाती है और वो देगा डेंसिटी वाला क्वेश्चन दे देगा डेंसिटी डाल देगा और तुम्हें वो ऐसा ही कोई चीज दे देगा और तुम गलत कर लोगे, तुम वन लेके कर लोगे ठीक है ना बोलो जी जी चलो जी आगे देखिए जी अच्छा अब मास बाय वॉल्यूम की बात करती हूँ तो मास बाय वॉल्यूम हमारी सिंपल सी कहानी है मैम भी यहाँ पे क्या आएगा मास ऑफ सोल्यूट आएगा मैम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा लेकिन हंड्रेड से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं ना परसेंटेज भी निकाल रहे हैं ना तो ये डब्ल्यू बाई वी एम बाई वी कुछ भी लिख सकते हो अब जब मान लो इसका एन हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन मैम इन हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन मैम फाइव ग्राम ऑफ सोल्यूट इन हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन तो हंड्रेड लेना है भाई हंड्रेड लेना है समझ रहे हो हाँ जी हां जी बिहार बोर्ड के लिए भी ये बेटा कर सकते हो फॉर्मूला लिस्ट मिलेगी शीट शीट मैंने प्रॉमिस किया है मिलेगा टेंशन ना लो भाई सब करवाया जाएगा टेंशन मत लो मैंने क्या बोला बैठ जाओ क्लास में सब कवर हो जाएगा इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है पेपर के लिए डन देखो तो ये बेसिकली मेडिसिन और फार्मेसी में भी यूज करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए ठीक है ये जनरल नॉलेज के लिए लिखा था इट इज द मास दल्यूट डिजॉल्व एन हंड्रेड एम एल ऑफ सॉल्यूशन Done है, है ना भाई नींद चलो, 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 चलो। तो हो। हो आपको काम करवा रहे आप ऐसे करोगे ऐसे थोड़ी करना है कुछ बनना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा बेटा अब पूरे साल ऐश कर ली पूरे साल एंजॉय कर लिया अब जब पढ़ने की बारी है तो पढ़ो सीधी सी बात है ठीक है डन है

कहानी समझ आई कहानी वही है मास उतना ही लेना है मास ऑफ सोल्यूट ऑफ सॉल्यूशन ही लेना लेकिन अब हंड्रेड की जगह टेन की पावर सिक्स कर देनी है टेन की पावर सिक्स कर देनी है सिंपल है भाई तो यहाँ पे क्या है प्रेजेंट इन ठीक है जी traces में मिलते हैं इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस करने के लिए आप पीपीएम का इस्तेमाल करते हो ठीक है पीपीएम क्या होता है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट मान लो जितना उसका मास गिवन है जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है डिवाइडेड टोटल से इनटू क्या करोगे आप टेन की पावर सिक्स कर दोगे इनटू टेन की पावर सिक्स कर दोगे ठीक है बेटा क्लियर हो गया सॉर्टेड है चले आगे इसको लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो क्वेश्चन करवाओ अभी आ रहे भाई क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन है टेंशन ना लो बहुत क्वेश्चन है पहले टॉपिक तो समझ लो क्वेश्चन भी कर लेंगे चलो चले चलो हां जी मैम आगे देखते हैं चलो मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे एक मोल फ्रैक्शन देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है मान लो मैंने ना क्या किया मैंने एक बीकर ले लिया उसमें कुछ ए पार्टिकल्स डाल दिए कुछ बी पार्टिकल्स डाल दिए मैं पूछती तो हूँ मैंने कितने ए पार्टिकल्स डाले तो आप जब वो आइडेंटिफाई करके बताओगे इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसके अंदर तो आप मोल्स की टर्म में बताते हो यूजुअली भी इतनी मात्रा में है इतने आप फ्रैक्शन में भी, भी बोल सकते हो इन अदर वर्ड्स तो वो मोल्स की टर्म्स में हम बोलते हैं तो इसलिए मोल फ्रैक्शन आता है मोल फ्रैक्शन होता क्या है किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है ठीक है तो आप कैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हो मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए आपको मोल्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि क्लास इलेवेंथ का पहला चैप्टर सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में हर बच्चा वहां पे पढ़ता है एक छोटा छोटा सा सा फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स को आप एन से डिनोट करते हो पहली बात तो एन क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स है क्या है ये नंबर ऑफ मोल्स है ये बेटा किसके इक्वल होता है ये बेटा गिवन मास पढ़ते आ रहे हैं गिवन मास को मैं बार बार आगे जब भी लिखूंगी मैं जी एम करके लिखूंगी मोलिकुलर मास को आगे जब भी लिखूंगी मैं एमएम MM करके लिखूंगी तो कन्फ्यूज मत हो ना ठीक है ओके okay, जी चलो पे मोल फ्रैक्शन निकालने को कहा तो मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट ए और बी मैं कहती ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा मोल फ्रैक्शन को ऐसे से के, तो ये क्या होगा? के, by, पहले आप मोल्स इस फॉर्मूला से निकालोगे ठीक है जी ओके okay, मैम अब मोल फ्रैक्शन बी का निकालने को कह दू तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल मोल्स हो जाएगा ना ए प्लस बी के मोल्स हो जाएगा अच्छा मान लो आपको सिर्फ दो ही कंपोनेंट मिले हैं मान लो आपको वहां पे ठीक है मान लो आपको वहां पे दो ही कंपोनेंट गिवन है तो ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा वन के इक्वल होता है मतलब मान लो तुमने एक की वैल्यू निकाल लेना उसको वन में से माइनस कर दो दूसरे की वैल्यू भी आ जाएगी बेटा बेटा ये परसेंटेज नहीं है ये फ्रैक्शन है इसीलिए इंटू हंड्रेड नहीं किया इसीलिए इंटू हंड्रेड नहीं किया नहीं आएगा परसेंटेज थोड़ी फ्रैक्शन है ना फ्रैक्शन है बेटा परसेंटेज नहीं है फ्रैक्शन है ठीक है ठीक है समझ आई डन है लिख लो भाई इसको ये जो है मेजर इसके फॉर्मूलाज हैं इसे लिख लो मैम रिपीट अच्छा इधर बोल रहे हो इधर इंटू हंड्रेड हाँ मैंने ऊपर देखा नहीं मैं आपको मैं खुद ही समझा रही हूँ ये देखो यही फॉर्मूला दिया तो ऊपर कर लो करेक्ट भाई ऊपर देखो मैम तो ऐसे बोलो ना ठीक है स्लाइड पे लिखा है है मैम हम थोड़ी बोल रहे हैं है ना और देख लिया मैंने देख लिया पता चल गया मुझे मैंने ऊपर देखा ही नहीं ना मैं तो आपको नीचे देखो खुद से लिखवा रही हूँ अभी मैंने रीड ही नहीं किया नहीं तो यूजुअली मैं रीड करती हूँ अभी मैंने रीड ही नहीं किया बेटा वेट तो करो मैं कौन सा अगली शीट पे जा रही हूँ अभी रीड तो करने देते मुझे चलो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा ये ना ये चीज बहुत अच्छी लगी वैसे एक बात मैं बोलू मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग कितने कंसेंट्रेशन से बैठे हो भाई एक बार तालियां बजा दो क्या बात है वेरी गुड एवरीबडी हम बहुत सही मतलब अभी मैं वहाँ पहुंची नहीं बच्चों को इतना वो है ना जल्दी मैम जल्दी अगला क्वेश्चन लाओ है ना क्या बात है

कहा था ना ऐसा देगा परसेंटेज में कहा था ना कहा था ना ऐसा देगा लो आ गया भाई करो ट्राई करो खुद से ट्राई करो फिर कर सभी लोग करें चलो हां जी हान जी हान जी।, हान जी ट्वेल्थ क्लास में एक स्टूडेंट थी मेरी ठीक है उनका भी कमेंट आया वेरी गुड बेटा हाँ जी याद है मुझे अच्छे से याद है मुझे मेरे स्टूडेंट्स के नाम अच्छे से याद रहते हैं गुड्डू पांडे वेरी गुड आई रिमेंबर हाँ जी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नाम याद रहते हैं अभी आज की क्लास में भी जब मैं पोल बार बार देख रही हूँ तो कई नाम मुझे याद हो रहे हैं और अब जब आगे जा करके मैं देखूंगी तो आप लोग फिर जब लिखोगे तो मुझे मैं खुद से कहूंगी हाँ मुझे याद है ठीक है क्या बात है चलो 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 भाई चलो स्लो बोलो मैम ठीक है बेटा स्लो बोलेंगे ओके okay. ओके okay, जी चलो बताओ कर लिया क्या बात है आंसर आ रहा है मेरे पास कमेंट में जीरो पॉइंट नाइन थ्री टू एक आंसर कोई फोर में भी लिख रहा है शायद है ना देखते हैं भाई चलो इसको समझो पहले पहले इसको समझो इसका मतलब समझो इससे क्या कंक्लूड करते हो इसका मतलब समझो अच्छा अब में कैसे लिखना पता है ना पहले गिवन चीजें लिखनी है पहले गिवन चीजें लिखनी है कर लोगे ना गिवन चीजें लिख लोगे ना मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना बेटा छोटी चीजें तो तुम देख के जो तुमने लिखना है वो लिख लोगे ना चलो अब देखो ट्वेंटी परसेंट ऑफ सी टू मास का मतलब क्या हुआ मैम इट मीन ट्वेंटी ग्राम्स ऑफ सी टू एच सिक्स ओ टू इन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन इन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन सो हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं मैम हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं सोल्यूशन का ये क्या हो गया सोल्यूशन का हमें मास गिवन है हमें मास मिल गया ऑफ सोल्यूशन हमें मास मिल गया मैम ऑफ Solution. यही हुआ हमें यही हुआ हां जी बोलो भाई हंड्रेड ग्राम हो गया कि नहीं हो गया चलो अब देखो यहां पे क्या बोलता है कैलकुलेट मोर फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस है ना इथाइलिन ग्लाइकोल की बात की गई है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालते हैं तो ट्वेंटी बाय देखो गिवन मास मॉलिक्यूलर मास निकाल लो सी टू एच सिक्स टू का सी टू एच सिक्स ओ टू का निकाल लेते हैं टू इंटू कार्बन का मास होता है ट्वेल्थ देखो इसको ऐसे करना होता है कितने हाइड्रोजन है सिक्स है हाइड्रोजन का मास कितना होता है वन कितने ऑक्सीजन है टू है ऑक्सीजन का मास कितना होता है सिक्सटीन होता है है ना यहाँ पे क्या आएगा ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स प्लस कितना हो जाएगा ये आपका थर्टी टू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा थर्टी प्लस थर्टी टू हो जाएगा ये सिक्सटी टू हो जाएगा सिक्सटी टू ही आ रहा है ना सभी का सिक्सटी रहा है ना ट्वेंटी बाई सिक्सटी टू यही आ रहा है क्या बात है

तो सॉल्वेंट uh, का मास क्या होगा सोल्यूशन के मास में से माइनस कर दो हंड्रेड माइनस ट्वेंटी अरे वाह क्या बात है, क्या बात है? Very good. तो स्टूडेंट्स अब इसको आप सॉल्व करोगे अब आपने निकालना मोल फ्रैक्शन ग्लाइकोल का यानी कि C2H6O2 का तो नंबर ऑफ मोल्स इसके लोगे लोगे ऊपर 20 by 62, divided by, total moles लो 20 plus 62 यानी कि लोग एट्टी बाय एटीन लोगों का बताओ क्या आंसर है में लेना यहाँ पे वाटर ऑलरेडी तो लिख लेना नहीं गिवन तो आप वॉटर ले सकते हो ठीक है इसका आएगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो आंसर आएगा इसका स्टूडेंट्स और दूसरी बात वाटर का अगर आपसे मान लो वो मोल फ्रैक्शन पूछ लेता है वाटर का पूछ लेता तो वन में से सीधा माइनस कर दो मैंने आपको बोला था ना मैंने आपको बोला था ना बी ए का प्लस बी का मोल फ्रैक्शन का सम वन के इक्वल होता है है ना ठीक है तो उसको सब ट्रैक करोगे तो आपका वाटर का भी आ जाएगा बेटा वाटर का भी आ जाएगा हाँ जी मैम यही आया है मैम क्या बात है अरे बच्चे ही बहुत इंटेलिजेंट है तो ये तो आएगा ही है ना यही आ रहा है नहीं सॉरी यहाँ जीरो आएगा ठीक है जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन टू रुको एक सेकेंड फाइव कहाँ से आ गया इधर इसको ना ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो मैं इसको आपको ढंग से बता देती हूँ सीधा ऐसे कर रही हूँ ना तो दिक्कत आ सकती है करके लिख दो ठीक है उसके बाद आपके पास क्या है इसको आप ऐसे लिख लो जीरो लिख लो इससे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए तो यहाँ पे आपके पास टू आ जाएगा यहाँ पे आप जैसे वन करते हो तो यहाँ पे आपके पास वन आ जाएगा यहाँ थ्री आ जाएगा यहाँ नाइन आ जाएगा तो आपके पास जीरो पॉइंट नाइन थ्री टू आ जाएगा ठीक है नाइन थ्री टू आ जाएगा ऐसे लिख के करोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी ठीक है

पूरा ही सॉल्व किए एंड में आंसर बता तो दिया हंड्रेड क्यों लिया मैंने अभी तो डिफाइन दिफ, किया था मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है पर्टिकुलर ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इसीलिए हंड्रेड लिया बेटा व्हेन इट इज नॉट गिवन टू यू मोहम्मद रहान तो आप वॉटर सोलवेंट लेकर चलते हो ठीक है चलो अब ये एनसीआर इन टेक्सट क्वेश्चन है वन करिए करिए करो भाई करो करो मोल फ्रैक्शन निकालना है आपने बेंजीन का इन असोल्यूशन वे थर्टी परसेंट मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड किसी को नहीं पता कार्बन टेट्राक्लोराइड सी सी एल फोर को सी सिक्स एच सिक्स करके करो ठीक है किसी को नहीं पता तो अब यहाँ पर ना उसने आपको एक चीज दे दी है दैट इज थर्टी परसेंट मास इन इतना है ना इन दिस तो ये क्या होगा थर्टी ग्राम्स ऑफ बेंजीन होगा थर्टी ग्राम्स ऑफ बेनजीन होगा इन हंड्रेड ग्राम सोलूशन इन हंड्रेड ग्राम सोलूशन यही होगा यही होगा बोलो भाई yes, everybody. चलो अब देखो अब पहले हम इनके मॉलिकुलर मास निकाल ही लेते हैं तुम मॉलिकुलर मासवेंटी टू प्लस सिक्स यानी कि सेवेंटी एट ग्राम्स आ गया

हम्म ठीक है जीरो पॉइंट थ्री अप्रोक्स करीब इतना आएगा ठीक है अच्छा अब यहां पर अगर आप देखते हो इसका हम देखते हैं सीसीएल फोर का मोलिकुलर मास वन इंटू कार्बन का मास प्लस क्लोरीन का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव होता है टोटल चार क्लोरीन है सो ट्वेल्व प्लस यहां पर देखिए यह आएगा वन फोर्टी टू सो दिस गोइंग टू बी फोर वन फिफ्टी फोर ग्राम हो जाएगा बोलो हां जी यस मैम वन फिफ्टी फोर होगा गिवन मास कितना है अब देखो सोल्यूशन का हंड्रेड है बेंजीन का थर्टी है तो मैम सॉल्वेंट का कितना होगा हंड्रेड में से थर्टी माइनस कर दो मैम सेवेंटी होगा होगा तो यहाँ पे मैम इसका गिवन मास कितना है 70 है तो अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं CCl4 के कितना आएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 70 बाय 154 बेटा स्लो मैम लिखने का टाइम दो बेटा मैं सॉल्व कर रही थी ना अभी 0.445 एप्रोक्स आएगा इसका ठीक है डिवाइड करोगे आप लोग इतना लिख लो पहले अब मुझे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है बेंजीन का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं 0.3 बाय टोटल मोल्स है 0.3 0.4 तो इसको आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे डन है यस yes, मैम क्या जवाब आएगा एट द एंड 0.458 एप्रोक्स आ जाएगा क्या बात है सभी का यही आ रहा है ठीक है क्लियर हो गया क्या बात है भाई लिख लो जी इसे लिख लीजिए ये एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन 1.2 हो गया है इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या बात है वेरी गुड एवरीबडी चलो अगली हमारी कंसंट्रेशन टर्म आती है मोलैरिटी क्या आती है स्टूडेंट्स मोलैरिटी आती है क्या आती है मोलैरिटी आती है बहुत इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी के अगर हम बारे में देखते हैं तो मोलैरिटी को पहली बात तो कैपिटल एम से डिनोट करते हो इसकी यूनिट बेटा क्या होती है इम्पोर्टेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए इसकी यूनिट होती है मोलर ओ एल ए आर या फिर आप इसे बोलते हो मोल पर लीटर अब जब मोल को आप लिखते हो ना तो एमओ एल लिखते हो एमओ एल ई नहीं लिखते हो एमओ एल लिखते हो एमओ एल ई नहीं लिखते हो ठीक है पर लीटर, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है अब देखो होती क्या है मोलारिटी? मोलारिटी सिंपल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बेटा इन लीटर तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है ना आप मान लो अगर दे दे, तो, तो कैसे करेंगे अगर आपने एम एल में लिया बेटा तो आप इसको थाउजेंड से डिवाइड कर दोगे मतलब ऊपर चला जाएगा ठीक है क्लियर हो गया डन है अच्छा और इसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा वो आपको और क्या कर सकता है वो नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करके दे सकता है वो गिवन मास दे सकता है है ना है ना तो आप अगर गिवन मास की टर्म्स में देगा तो मोलैरिटी क्या होगा गिवन मास अब देखो मैं यहाँ सोल्यूट ले रही हूँ इसमें कंफ्यूज मत हो ना बा मास यही तो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय जो यहाँ वॉल्यूम ले रही हूँ ना बेटा ये सोल्यूशन का ले रही हूँ तो भूलना मत वॉल्यूम जो ले रही हूँ ना वो सोल्यूशन का ले रही हूँ मैं ठीक है लीटर्स में ले रहे हो एम में ले रहे हो तो थाउजेंड से वो जाएगा ज्यादा से ज्यादा यही होगा ठीक है क्लियर है मोलारिटी का बेसिक बेसिक पता चल गया तो बताओ हाँ जी चलो फिर एक क्वेश्चन हो जाए एनसीआर टी एग्जाम्पल वन पॉइंट टू आपके सामने है बताइए क्या जवाब होगा बताइए क्या जवाब होगा बोलो भाई क्या जवाब होगा जी क्या जवाब आएगा क्या लगता है आपको बोलो बोलो जल्दी करो बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई कैलकुलेट फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑफ इन क्या लगता है क्या होगा इसमें बताओ चलो अब इसमें भी जब आप इसको आंसर लिखोगे बेटा बोर्ड्स में गिवन चीजें लिख देना गिवन मास इसका ये है, वॉल्यूम ये गिवन है ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे ठीक है जी चलो अब मोलैरिटी मैम क्या होती है तो जब भी पेपर में बोर्ड्स में आपको ऐसे क्वेश्चन करते हो ना न्यूमेरिकल का बेटा उसको फॉर्मूला ना बॉक्स में डाल देना याद से बॉक्स में डाल देना आंसर जो आए ना उसको भी बॉक्स में डाल देना आंसर को बॉक्स में और फॉर्मूला को बॉक्स में जरूर डाल के आना ठीक है तो मोलैरिटी क्या होती है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब यहां पे मैम हमें ना एम में गिवन है तो भाई तुम इसको थाउजेंड से डिवाइड करोगे ऊपर चला जाएगा यही है अच्छा अब मोलारिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स हम पहले निकालेंगे मैम नंबर ऑफ मोल्स मैम मैम होता है गिवन गिवन मास 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 बाय हमें गिवन है लेकिन हमें मोलिकुलर मास नहीं पता तो मोलिकुलर मास मैम हमें एन का निकालना है कितने सोडियम है मैम एक सोडियम है कितने ऑक्सीजन है मैम एक ऑक्सीजन है कितने हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन है सोडियम का मास ट्वेंटी ऑक्सीजन का मास सिक्सटीन हाइड्रोजन का मास वन हो जाएगा फोर्टी ग्राम्स आपको यहां से देखने को मिल रहा है फोर्टी ग्राम्स आपको मोलिकुलर मास देखने को मिल रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स मूल्स मोलिकुलर मास कितना है फोर्टी ये कितना आ आ गया गया नंबर ऑफ मोल्स है ना ठीक है तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे वन बाय एट और वॉल्यूम कितना है भाई फोर फिफ्टी रिखा है एम में है तो भाई थाउजेंड भी आ जाएगा है ना जीरो से जीरो कैंसिल फाइव के टेबल पे अगर हम इसको कट करते हैं तो यहाँ नाइन आ जाएगा यहाँ ट्वेंटी ये टेन पे गया और मतलब तो तो के टेबल पे पे तो पे गया 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 तो तो ये ये फिर फिर हमारे पास है क्या बात है एवरीबॉडी वेरी गुड बहुत बढ़िया बात बहुत अच्छी बात है जवाब बिल्कुल सही है मैं कमेंट्स में देख रही हूँ जीरो पॉइंट टू सेवन वेरी गुड बिल्कुल सही जवाब है जीरो पॉइंट टू भी लिख सकते हो हाँ जीरो पॉइंट टू सेवन भी लिख सकते हो इट इज अप टू यू ठीक है मोलर यूनिट जरूर लगा देना ऐसे लिख देना या ऐसे लिख देना ठीक है है इट इज अप टू यू क्लियर पर ये मोल पर एम एल है ये वाला आंसर ठीक है अब सॉरी uh, ये मोल पर लीटर है क्योंकि आपने मिलीलीटर को लीटर में कर दिया था मोल पर लीटर है तो मोलर लिख देना ठीक yes, so, है यस मैम दिस इज द करेक्ट आंसर क्लियर है वेरी गुड क्या आप बात है कर पा रहे हो ना एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन थ्योरिटिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन ठीक है जी यस है करेक्ट है मैम गलत है मेरा मैम कोई बात नहीं बेटा चलो एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन 1.3 पे चलें हो गया डन है प्लीज नेक्स्ट करवाओ तो चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आओ अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है वो आपको बोलता है अच्छा सेकेंड टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ फर्स्ट पार्ट लिख लो आपका होमवर्क है एनसीआर इंटेक्स क्वेश्चन 1.3 जैसे ही लेक्चर हो जाएगा आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा ठीक है ठीक है मैं second, जो बी पार्ट है उससे आपको एक टॉपिक बताने जा रही हूँ डाइल्यूशन का डाइल्यूशन का ऑन डाइल्यूशन ठीक है हमारी मोलरिटी को क्या हो जाता है डाइल्यूशन का मतलब तुमने और पानी डाल दिया क्या हो जाता है समझना तुम्हारे पास एक बीकर था स्टूडेंट्स यू इनिशियली अ बीकर और इस बीकर में मान लो हमारे पास कुछ वॉल्यूम प्रेजेंट है ऑलरेडी जिसे मैं वी वन कह रही हूं और इस सॉल्यूशन की कोई ना कोई मोलैरिटी भी है जिसे मैंने m1 कह दिया क्या कह दिया m1 कह दिया अब मान लो मैं क्या कर रही हूं अब मान लो मैं डाइल्यूशन कर रही हूं मैंने ऊपर से क्या ऐड किया बेटा पानी ऐड किया मैंने क्या किया वाटर ऐड किया स्टूडेंट्स एग्जैक्ट uh, 7 पे आपको ब्रेक मिल जाएगा अभी नहीं अभी टॉपिक कर लो भाई अभी टॉपिक कर लो ऐसे मत करो ना प्लीज पेपर है समय बर्बाद मत कीजिए एग्जैक्ट सेवन पे ब्रेक दे दूंगी ठीक है चलो आ जाओ मैंने क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे कर दिया। क्या हो गया हो गया मैम डाइल्यूशन मतलब वाटर ऐड हो गया मैम क्या हो गया वाटर ऐड हो गया ना, है ना अब जब ये हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा अब चेंज हो जाएगा ना वॉल्यूम हो जाएगा वी टू और मोलैरिटी हो जाएगी एम टू तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी आपने एक चीज ऑब्जर्व करी यहाँ पे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो सल्यूट के मोल्स तो सेम रहेंगे सॉल्वेंट और पानी और ऐड कर दिया ना सॉल्वेंट ऐड कर दिया ना सोल्यूट के मोल सेम है अगर मान लो मैं बोलती हूँ दोनों में एन वन और एन टू की वैल्यू सेम है ठीक है तो आपको पता है मोलारिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम तो नंबर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा वॉल्यूम यानी कि अगर है, तो हम कह सकते हैं तो ये, ये आपका बेटा फॉर्मूला आ गया डायल्यूशन वाला क्लियर हुआ क्लियर हुआ कलर चेंज करते ना बोर हो गए हम कलर से सुंदर सा पर्पल कलर आएगा पर्पल के साथ साथ हम ये लाइट ग्रीन भी ले आते हैं <laughs> है ना ठीक है चलो तो डाइल्यूशन का सिंपल सी बात है अब वॉल्यूम भी चेंज होगा मोलारिटी भी चेंज होगा तो कैलकुलेट कैसे करना है एम वन वी इक्वल टू एम टू वी टू ठीक है चलो

M two की वैल्यू निकालेंगे, V two की वैल्यू है 500. वॉइस प्रॉब्लम है, गाना गाई जा रही हूँ, वॉइस प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, बताओ, है ना? ऐसे नहीं होता है, ये 0.5 जिसको मैं 5 by 10 भी लिख सकती हूँ, into 30 divided by 500, ये कट गया, 100 पे, इधर से जीरो तो यहाँ से आएगा 0.03 मोलर ठण्डा, हो गया हो गया हो अरे डाइल्यूशन मतलब पानी ऐड कर, कर दिया तुमने सॉल्वेंट और ऐड कर दिया सीधी सी बात है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो आ गई कहानी बोलो भाई कर लो भाई ए पार्ट होमवर्क था बी पार्ट मैंने करवा दिया चले आगे चलो चले चलो चले मितवा आगे चले चले बढ़े चलो चले टना 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 टन टना 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 चले आगे यस मैम चलो आगे चलो आगे अगला देखते हैं अच्छा एक चीज और आपको यहाँ पे बता देती हूँ अब है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर मोलारिटी ऑफ मिक्सचर एक टॉपिक है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इसका मतलब क्या देखो मान लो तुम्हारे पास ना एक बीकर था भाई इसके अंदर वी वन वॉल्यूम प्रेजेंट था और एम वन उसकी मोलैरिटी थी तुमने क्या किया एक और बीकर लिया जिसका वॉल्यूम वी टू था मोलैरिटी एम टू थी आपने क्या किया भाई जब तुमने ऐड कर दिया तो एक और नया आपके पास आ गया ना सोल्यूशन आ गया इनको ऐड करने पर तो इसकी मोलैरिटी एम हुई और इसका वॉल्यूम तो दोनों का ऑब्वियसली एडिशन होगा ना वॉल्यूम क्या होगा वी वन प्लस वी टू होगा वॉल्यूम क्या आएगा? V1 प्लस V2 आएगा। तो मैं पूछती हूँ नई मोलारिटी क्या होगी? सिंपल है भाई। M1 V1 प्लस M2 V2 इज़ इक्वल टू M इनटू V1 प्लस V2। तो V1 V2 को नीचे ले जाओ। न्यू मोलारिटी सॉल्यूशन की रिजल्टेंट की क्या आएगी? M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2। सीधा सिंपल। अरे भाई लो ठीक है इंडियन आइडल में चले जाओ मैम सोचते हैं देखते हैं <laughs> चलो बताओ हो गया भाई हो गया सबको क्लियर हो गया जी बताओ क्लियर हुआ यस yes, एवरीबडी क्या सभी को क्लियर हो गया हाँ जी क्या सभी को क्लियर हो गया जी चैट आई गेस कोई दिक्कत हो गई है चैट में पता नहीं चल रहा है कोई बात नहीं चलो आगे चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं ठीक है एक मिनट का समय दीजिए मैं पूछती हूँ क्या दिक्कत आ रही है सर चैट डिसेबल्ड जी स्टूडेंट सिर्फ दो मिनट का समय दीजिए है ना कोई दिक्कत नहीं है तब तक आप लोग इसको लिख लो ये है मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन है ना ये रिजल्टेंट सोल्यूशन की मोलैरिटी है बेटा कोई बात नहीं इतना लिख लो एक बारी <coughs> हाँ चलो हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए मैम समझ नहीं आया ये समझ नहीं आया चलो दोबारा रिपीट कर देते हैं देखो मैंने क्या बोला मान लो आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम प्रेजेंट है उसको आपने वी वन लेट कर लिया उसकी कुछ मोलरिटी एम वन है आपने ऐसे ही एक और आपके पास एक और पड़ा था ठीक है आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया

अब ठीक है रिपीट कर दिया है मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होना चाहिए अब तो चलो अब हमारी नेक्स्ट कंसनट्रेशन टर्म लास्ट कंसनट्रेशन टर्म आती है जिसे मोलालिटी कहते हैं है ना क्या बोलते हैं मोलालिटी बोलते हैं ठीक है देखो अगर किसी को आ, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है किसी चीज में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो आपको समय दिया जाएगा टेंशन ना लो ब्रेक लेने से पहले मैं आपसे पूछूंगी भी भाई कहाँ दिक्कत आ रही है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना डिस्कस कर सकते हो मेरे से ठीक है चलो अब आता है मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी को बेटा छोटे m से लिखते हैं मोलैरिटी को कैपिटल m से लिखते हैं ना इसको स्मॉल m से लिखते हैं ठीक है थीके? मैं अभी आप लोगों से बात करूंगी आप टेंशन ना लो अभी करूंगी एक बार मेरे को मोलैलिटी करा लेने दो सिर्फ मोलैलिटी करा लेने दो है ना फिर उसके बाद थोड़ी सी बातें करते हैं आपसे पूछते हैं है ना चलो अब देखो ये होता क्या ये कुछ डिफरेंट है मैंने आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में बताया था कंसंट्रेशन टर्म्स ना दो तरह की होती है एक आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म होती है ना स्टूडेंट्स वो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बेटा जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टर्म आपकी होती है ना स्टूडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट वो वॉल्यूम रिलेटेड होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो होती है वो कौन सी होती है मास रिलेटेड होती है यही चीज मैंने आपको बताई थी मैम cool, तो यहाँ पर आपको कोई वॉल्यूम देखने को मिल रहा है नहीं देखने को मिल रहा है तो ये क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टर्म है इस पे बेटा क्वेश्चन आता है मैम भूख लग रही है 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 जरूर से ब्रेक ब्रेक दे दो एक ये टॉपिक कर ले ले वाला उसके बाद लेना लेना थोड़ा सा ना खा ठीक चाय वगैरह ले ले, ले, ले लीजिएगा सभी लोग चलो अब देखो मोलालिटी को हम स्मॉल एम से लिखते हैं ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे आएगा आपका मास किसका सॉल्वेंट का आएगा वो भी किस में आएगा केजी में आएगा ध्यान रखना यहाँ पे किलोग्राम में मास आएगा सोल्यूशन का नहीं आएगा अभी तक हम जितना पढ़ते आ रहे थे ना न्यूमिनेटर में सोल्यूट लेते थे डिनोमिनेटर में हम क्या लेते थे सोल्यूशन बट बेटा यहाँ पर हमें क्या लेना है सोलवेंट लेना है सोलवेंट लेना है सोल्यूशन नहीं लेना है बार बार बोल रही हूं और किलोग्राम में लेना है किलोग्राम में लेना है याद रखना ठीक है ठीक है चलो डन है क्लियर है चलो भाई हो गया चलिए आगे देखते हैं अच्छा इसकी यूनिट होती है मोलल एमओ एल ए एल यूनिट होती है भाई इसकी मोलैरिटी की मोलैरिटी की सॉरी यूनिट होती है मोलल मोलैरिटी की होती है मोलर ठीक है इसको स्मॉल एम से लिखते हैं उसको कैपिटल एम से लिखते हैं डन है डन है मैम एन सी आर एग्जाम्पल वन पॉइंट थ्री आपके सामने है एनसीआरटी example वन पॉइंट थ्री आपके सामने है लेट्स डू दिस चलो फटाफट से अरे जोश देगा अरे भाई ब्रेक दे दो ब्रेक दे दो ब्रेक दे दो मिल रहा है भाई ब्रेक मिल रहा है अभी क्वेश्चन तो कर लो मिल जाएगा ब्रेक भी मिल जाएगा बताओ फटाफट 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 फटा, फटा, फटा। अच्छा लिखने का टाइम नहीं दिया मैम पिछले के लिए लो लिख लो लिख लो बेटा लिख लो सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी लिख लो अब लिख लो अच्छा ब्रेक के लिए बोल रहे हो भाई अपने पेरेंट्स को बोल दो किसी ने जो भी कुछ खाना है किसी ने मैगी खानी है किसी ने फ्रूट्स खाने हैं किसी ने चाय पीनी है उनको बोल दो बना लेंगे इतने में ब्रेक होने वाला है है ना अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बता दू प्लीज ये मैगी वगैरह मत खाओ है ना हेल्दी चीजें खाओ पेपर आ रहे हैं थोड़ा सा भी बीमार हो गए तो दिक्कत हो जाएगी है ना वो मैगी मेरे को ध्यान में आया एक बच्चा लिख रहा था मैम मैं मैगी खा रहा हूँ साथ साथ है ना चलो ये हो गया यस yes, मैम हो गया चलो आओ अब मोलालिटी देखते हैं देखो हमें मोलालिटी बेटा निकालनी है हमें इतना ग्राम इथेनू एसिड गिवन है इन सेवेंटी फाइव ग्राम ऑफ बेंजीन अब ये इसको अपने इसमें डिजोल्व किया तो सीधी सी बात है ये तो आपका सोल्यूट हुआ ना और ये आपका क्या हुआ सॉल्वेंट हुआ इतनी कहानी तो मैम हम समझ पा रहे हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं बेटा सॉल्यूट सोल्यूट के जो कि क्या होता है गिवन मास कितना है टू पॉइंट फाइव मास हम इसका निकाल सकते हैं किसका मैम सी एच थ्री सीओ एच का हांजी मैम तो कितना होगा ट्वेल्व इंटू वन प्लस कितने हाइड्रोजन है चार है? है ना एक सेकेंड कार्बन भी टोटल दो है तो ट्वेल्व इंटू टू सीधा ही कर लेते हैं चार हाइड्रोजन है कितना आएगा ट्वेंटी फोर प्लस फोर प्लस थर्टी टू हो जाएगा ट्वेंटी एट प्लस थर्टी टू हो जाएगा आपके पास सिक्सटी ग्राम्स यहाँ पे आ गया सिक्सटी ग्राम्स आ गया ये आ गया समझ पा रहे हो समझ रहे हो ना तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके ट्वेंटी फाइव

फाइव uh, के टेबल फाइव uh, के टेबल पे कट कर देते हैं तो ये फाइव बाई नाइन आ गया क्या सभी का यही आ रहा है ही हाँ, yes, ही आ five, 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 आ रहा रहा है है बोलो भाई सभी का यस मैम जीरो पॉइंट आपका ठीक है सॉर्टेड है भाई हो जाएगा हां जी ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा मैम यस मैम हो जाएगा मैम हो, हो जाएगा कर लेंगे ठीक है ना चलो यस yes, डन आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर ने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है क्वेश्चन तो फटाफट से बताइए क्या होगा क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द मास यूरिया मास निकालना है उसने मोलालिटी दे दी है और उसने आपको दे दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट टडा, बताओ बताइए चलो बता दो फटाफट से क्या जवाब होगा चलो मैं साथ साथ करती हूँ मॉलिकुलर फॉर्मूला दे दिया है सो लेट्स कैलकुलेट कितने नाइट्रोजन दो सो टू इंटू नाइट्रोजन का मास कितने हाइड्रोजन चार चार इंटू हाइड्रोजन का मास कितने कार्बन एक एक इंटू कार्बन का मास कितने ऑक्सीजन वन वन इंटू ऑक्सीजन का मास आप देखते हुए नाइट्रोजन का मास है मैम फोर्टीन फिर हाइड्रोजन का मास है मैम वन कार्बन का मास है ट्वेल्व ऑक्सीजन का मास है सिक्सटीन आगे बढ़ते हुए ट्वेंटी एट हो गया प्लस फोर हो गया प्लस ट्वेल्व हो गया प्लस सिक्सटीन हो गया देखा जाए तो इनको और इनको ऐड कर लेते हैं फटाफट फड़ हो जाएगा तो ये हो जाएगा मैम फोर्टी प्लस यानी कि सिक्सटी ग्राम्स मैडम टन वेरी गुड क्या बात है तालिया आते हुए हमें देखो आप क्या निकालनी है मोलालिटी ये होती है नंबर ऑफ 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 बाय मास में अब मोलालिटी कितनी गिवन है जीरो पॉइंट टू फाइव गिवन है नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता नहीं भाई गिवन मास पता ही पता ही नहीं पता है मोलिकुलर मास निकाल लिया सिक्सटी ये मास कितना है टू पॉइंट फाइव के जी क्रॉस मल्टीप्लाई लेट्स डू दिस 0.25 2.5 into, into 60 0.25 को 25/100 भी लिख सकते हैं को 2.5 को 25/10 भी लिख सकते हैं और यहाँ 60 आ गया 0 से 0 कैंसिल हो गया बताओ भाई क्या गिवन मास आ रहा है सबका 37.5 37.5 सभी का ये आ रहा है 37.5 क्या बात है बेटा 37.5 सेवन पॉइंट फाइव ग्राम आंसर आएगा ग्रामिट जरूर लगा के आना वेरी गुड चार्ट सेक्शन सॉरी 37.5 से भरा हुआ है क्या बात है क्या बात है वेरी गुड बहुत बहुत अच्छे ऐसे ही करते रहिए बहुत अच्छा लगा हमें अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलो अच्छा अगला क्वेश्चन और उसके बाद एक रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी मोलारिटी और उसके बाद ब्रेक ठीक है चलो इस क्वेश्चन को देखो कैलकुलेट मोलालिटी मोलारिटी मोल फ्रैक्शन तीन चीजेंटी परसेंट एक्वर्स के आई इज इतना mass mass है. ये लोग एनसीईआरटी से देख रहे हैं मैम हाय ऐसे मत करो यार प्लीज हाँ सॉल्व करो ना मैं भी तो कर रही हूं भाई ऐसे तो मत करो सॉरी <coughs> <coughs> <Sorry. coughs> देखो नॉर्मेलिटी सीबीएसई के अकॉर्डिंगली एनसीआरटी के सिलेबस में नहीं है एन सीआरटी की बुकलेट में नहीं है मैं नॉर्मालिटी आपको बता दूंगी ताकि अगर आप किसी और बोर्ड में कर रहे हो और वहां पे है तो आपका हो जाए सॉरी ठीक है ना हाँ सी बी एस ई में एज पर वो सिलेबस में बेटा नहीं है चलो चलो मोलारिटी मोलारिटी मोल फ्रैक्शन निकालना है के आई का करें रेडी हो भाई अरे बोलो भाई बोलो बोलो करते हैं आगे हम अच्छा किसी को के आई में इसका मास नहीं पता पोटेशियम और इसका तो थर्टी नाइन होता है भाई पोटेशियम का थर्टी नाइन होता है और उसका वन ट्वेंटी सेवन होता है किसी को नहीं पता तो लिख लो ठीक है वन ट्वेंटी सेवन इसका होता है ठीक है चलो तो पहले मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं बिकॉज हमें बार बार जरूरत होगी तो थर्टी नाइन प्लस वन ट्वेंटी सेवन कितना आएगा वन सिक्सटी सिक्स आएगा मैम ग्राम्स ठीक है ये हो गया अब हमें मोलालिटी निकालनी है तो मैम मोलैलिटी होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मूल्स के डिवाइडेड बाय मैम मास सॉल्वेंट का के जी में मैम हमें ना मास तो कि नहीं है अब कैसे निकालेंगे हमें मैम यहाँ पे ना एक हिंट दे दिया उसने क्या दे दिया ट्वेंटी परसेंट मास बाय मास दे दिया है ना ठीक है अब ट्वेंटी परसेंट मास बाय मास का मतलब क्या है ट्वेंटी ग्राम्स ऑफ आपका सोल्यूट यानी कि के आई इन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन ये हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है यही करते थे हम समझ गए ठीक है तो uh, मैम लिया गिवन मास हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स तो हो जाएगा मास इन के जी कैसे करें मैम कैसे करेंगे मैम के जी में मास कैसे करेंगे मैम थोड़ा बताओ कैसे वो हो पॉसिबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है आप ध्यान से देखिए ठीक है आप ध्यान से देखिए आपको यहाँ पेल्यूशन की गिवन है कितनी है 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 ये आपको क्या होता पता मास कितना है है मास कितना है कितना है भाई बताओ सोल्यूशन का मास लेना है हंड्रेड होगा बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा हंड्रेड बाय 1.202 ये वॉल्यूम किसका आ गया सॉल्यूशन का आ गया ये वॉल्यूम किसका निकाल लिया हमने सॉल्यूशन का निकाल लिया वॉल्यूम किसका निकाल लिया सॉल्यूशन का बताओ इसमें किसी को डाउट है बोलो भाई <coughs> तो मोलारिटी देखते हैं मोलारिटी मोलारिटी पहले मोलारिटी मोलारिटी निकाल लेते हैं इजी है नंबर ऑफ मोल्स कितना है ट्वेंटी बाई मॉलिकुलर मास है वन सिक्सटी सिक्स इन टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आया मैम ये आया मैम हंड्रेड बाय वन पॉइंट टू जीरो टू वॉल्यूम हमें मैम लीटर्स में लेना था पर आप यहाँ देखो ये डेंसिटी जब उसने ग्राम पर एम एल में दी है तो ये एम एल में हो गया ना तो आप इसको वन थाउजेंड से डिवाइड कर लोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे ठीक है इसको बेटा सॉल्व कर लोगे ना मोलर आ जाएगा, भी मोलर सोल्व आपके पास आंसर इसका आ जाएगा ये मोलारिटी का ये मैंने अप्रॉक्स आंसर आपको दिया, दियारोक्स आंसर दिया मोलारिटी का आ जाएगा मोलारिटी का आंसर आ गया है आ गया है अच्छा

होगी हो गई हो अब क्या बचता है मौल फ्राक्षन. मौल फ्राक्षन है मोल मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता नंबर ऑफ आएगा ट्वेंटी बाय सिक्सटी सिक्स अब आपके पास सॉल्वेंट देखो सॉल्वेंट का आपको मास यहाँ पे गिवन है एटी ठीक है सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है एटी गिवन है हां जी

मैं आपको क्या कहते हैं ब्रेक देने जा रही हूं आई 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 एम एम गोइंग गोइंग टू टू गिव यू यू ब्रेक ब्रेक देने से पहले आस्क पीपल आपको अभी तक क्या चीज नहीं समझ ठीक है किसी चीज में कोई दिक्कत आई तो बता दो ताकि ब्रेक के बाद वहीं से स्टार्ट करें अभी हमारे रिलेशन बिटवीन मोरलिटी मोलारिटी बाकी और नॉर्मैलिटी मैं उन बच्चों को करा दूंगी जो सीबीएसई के अलावा किसी बोर्ड में और उनके बोर्ड में वो आ रहा है ठीक है बताओ <laughs> मैम प्लीज थोड़ा स्लो चलिए ठीक है मैं स्लो चल लूंगी कोई बात नहीं क्वेश्चन uh, कौन सा ये है है किधर ये वाला बेटा इसमें क्या दिक्कत है बेटा वन पॉइंट फोर में क्या दिक्कत आ रही है आपको वन पॉइंट फोर में क्या दिक्कत आ रही है मैम प्रीवियस क्वेश्चन गलत हुआ है कहाँ पे बेटा क्या गलत हुआ है बताओ कहाँ पे गलती लग रही है आपको मास हमें के जी में गिवन है मैंने मास सीधा के जी में ले लिया है का बताओ मैं बहुत फास्ट कराया आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छा सुपर सैचुरेटेड और ये ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में नोट्स में भी लिखे ठीक है बोलो भाई अच्छा ये वाला रिपीट कर दूंगी चलो मैं ये रिपीट कर दूंगी नो प्रॉब्लम ये आपको अभी रिपीट कर देते हैं ब्रेक लेंगे ब्रेक में ब्रेक के बाद वन पॉइंट फोर फिर से रिपीट हो जाएगा ठीक है वन पॉइंट फोर हो जाएगा यहाँ तक हमने कर लिया और आपको सुपर सैचुरेटेड में दिक्कत है ठीक है वो भी देख लेते हैं रिपीट वन पॉइंट फाइव अच्छा क्वेश्चन रिपीट करना है 1.4 क्वेश्चन रिपीट करना है और कुछ हां जी कर देंगे ठीक है ठीक है डाइल्यूशन भी रिपीट करना है ठीक है डाइल्यूशन हो गया आपका सुपर सैचुरेटेड हो गया और ये दो क्वेश्चन हो गए है ना चलो ठीक है ब्रेक लेते हैं अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ब्रेक टाइम तो यहाँ पे ब्रेक चल चुका है आपको समय दिया जाता है मिनट्स का ब्रेक है बेटा आप लोगों के लिए अरे सॉरी एक सेकेंड इसमें हाँ ऐसे ही है ना रुको ठीक है हाँ तो फिफ्टीन मिनट्स का आपका हम ब्रेक स्टार्ट करेंगे hmm. चलो ठीक है पंद्रह मिनट का आपका ब्रेक है।, yeah. है तो इसके बाद हम लगातार बेटा क्लास चलेगी अपनी ठीक है तो छोटे छोटे ब्रेक मिलेंगे अभी आपको टी टाइम ब्रेक मिल रहा है दिस इज योर टी ब्रेक तो जाइए चाय पीजिए आराम कीजिए मिलते हैं और इसके बाद आपको बहुत कम मात्रा में मिलेगा अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ अगर आप लोग थक गए हो तो प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना क्योंकि जो ब्रेक के बाद वाला टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर सीबीएसई का क्वेश्चन आया हुआ है हेनरीज लॉ करेंगे हम तो प्लीज ब्रेक के बाद एग्जैक्ट पंद्रह मिनट बाद आ जाना वरना मैं बता रही हूं तुम्हारा वो क्वेश्चन मिस हो जाएगा जो बार बार पूछा जा रहा है बार बार पूछा जा रहा है ठीक है तो टाइमर तुम्हारा स्टार्ट हो गया है जाइए योर ब्रेक हैज बिन स्टार्टेड Thank you. स्टूडेंट्स ब्रेक इज ओवर एवरीबडी आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से हेलो हाई वेलकम बैक वेरी गुड इवनिंग क्या हाल चाल सभी का वेलकम 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 एवरीबडी हांजी ब्रेक टाइम ओवर हो चुका है आई होप सो आप सब ने, टी ब्रेक ले लिया होगा टी ब्रेक कॉफी ब्रेक मैगी ब्रेक जो आपको अच्छा लगे है ना करे स्टार्ट अच्छा पहले डाउट्स क्लियर कर लेते हैं 1.4 क्वेश्चन 1.5 क्वेश्चन था सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड और डाइल्यूशन में डाउट था है ना जितना पढ़ा है उसमें दिक्कत आ रही है तो एक बार से उसको देख लेते हैं ठीक है चलो पहले मैं आपको आ, करवा देती हूं जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसके बारे में बताती हूँ ठीक है तो आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है भी तुम कितना सल्यूट डाल सकते हो सॉल्वेंट के अंदर भी वो उसमें घुल जाए उसमें डिजोल्व हो जाए वो आपका बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है ठीक है

तो जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी भी इतनी घुल सकती है उतनी वो घुल गई तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है भी अब इसके बाद अगर आप और डालोगे बेटा इसके बाद अगर आप और डालोगे तो क्या हो जाएगा तो वो सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं कहलाएगा सैचुरेटेड इज मैक्सिमम कितना सोल्यूट आपने उसके अंदर डाल दिया है अब दूसरे स्टूडेंट की एक ये दिक्कत थी भी मैम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा क्या होता है भी मान लो तुमने डालना था 54 ग्राम कैपेसिटी कितनी है 54 आराम से डाल सकते हो है ना पर तुमने डाला सिर्फ 10 ग्राम तो बाकी का 44 ग्राम अभी भी बाकी है ना जो तुम डाल सकते थे लेकिन तुमने नहीं डाला तो वो अनसैचुरेटेड हो गया भी मतलब अभी भी तुम और डाल सकते हो सॉर्टेड है मैम अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है देखो अब ये तो सुपर मतलब बहुत ज्यादा है ना सुपर सैचुरेटेड का मतलब भी देखो तुमने जितना डाल सकते थे तुमने उतना डाल दिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अब जैसे तुमने टेम्परेचर और डाला ना बढ़ाया ना तुमने कुछ और सोल्यूट डाल दिया उसमें ठीक है मैम तो नॉर्मल टेम्परेचर पे मान लो मेरे पास 54 फोर था टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरे पास अब वो 84 ग्राम्स हो गया

तो उसमें 2.5 पॉइंट केजेस ऑफ सोल्यूशन लिखा था जबकि है। है तो और ठीक है, तो उसको अभी करेक्ट करते है। रिपीट आप लोग कह रहे थे तो, तो मैं रिपीट करती हूँ दोबारा से क्वेश्चन रीड करोगे तो वहां आकर सोल्यूशन लिखा है ना कि सोलवेंट लिखा है तो क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा है ना चलो आगे देखते हैं इसको देखते हैं अब है ना जो आपका

ध्यान से एक चीज सुनना क्या बोला उसने बेटा आपको आपको अगर पता है भी 60 ग्राम आपके पास है इट्स ओके इट्स फाइन एब्सोल्युटली ठीक है यहां उसने आपको दिया था 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन अब ये मोलालिटी गिवन है भाई मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स बाय मास यानी कि ये क्या हुआ 0.25 मोल्स इन 1 केजी ऑफ सॉल्यूशन अब 1 के जी ऑफ सोल्यूशन का मतलब कितना हुआ वन थाउजेंड ग्राम ऑफ सोल्यूशन है ना तो यहां से मैंने मोल्स निकाल लिए ये मोलिकुलर मास मेरे पास है क्या मैं गिवन मास निकाल सकती हूँ निकाल सकती हूँ बिल्कुल तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास सिक्सटी है गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जीरो पॉइंट टू फाइव है तो गिवन मास क्या आएगा जीरो पॉइंट टू फाइव जिसको ट्वेंटी तो ये फोर पे कट गया यहाँ से ये टू थर्टी और यहाँ से ये कितना आ गया फिफ्टीन ग्राम्स यानी कि गिवन मास कितना आ गया फिफ्टीन ग्राम्स आ गया है ना कितना आ गया फिफ्टीन ग्राम्स आ गया अब समझना बड़ी छोटी सी चीज है सोल्यूशन में मेरे को एक बात बता सोल्यूशन सॉल्यूशन की मैं बात करती हूँ किसकी बात कर रही हूँ सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ एक छोटी सी चीज यहाँ पे सही करो पहली बात तो आपको जो फॉर्मूला में गिवन है सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट कर लेना यहाँ पे गलती ना कर लो तो ये सॉल्वेंट गिवन है आपको है ना अब आपको पता है सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं तो ये वन थाउजेंड ग्राम सॉल्वेंट का हो गया ये पंद्रह ग्राम किसका हो गया सोल्यूट का तो फिफ्टीन प्लस वन थाउजेंड कितना हो गया भाई वन जीरो ग्राम्स हो गया सोल्यूशन का मास निकाल लिया सोल्यूशन का मास निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया बिल्कुल निकाल लिया मैम हो गया मैम अच्छा अब ये हमारे पास आ गया है अब देखो अगर मैं कहूँ भी मेरे को इसको ग्राम्स को केजी में करना है मैं तो थाउजेंड से इसको डिवाइड कर दूंगी मेरे पास कितना आ जाएगा वन पॉइंट वन जीरो जीरो के जी अब ध्यान समझना अगर मैं वन पॉइंट जीरो 15 ग्राम यूरिया कंटेन करता है तो एक कितना करेगा 15 बाय इतना करेगा मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर दूं यहां तक समझ आ गई ना यहां तक समझ आ गई ना यहां तक आ गई ना है ना अब देखो यहां पे मैं बोल रही हूं अगर 1.015 केजी ऑफ सॉल्यूशन 15 ग्राम कंटेन करता है यूरिया तो 1 केजी कितना करेगा 15 बाय 1 0 1.015 ग्राम करेगा अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल दिया उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया भाई भी 2.5 केजी फिर कितना करेगा 2.5 फिर कितना करेगा भाई 2.5 केजी कितना करेगा यूनिटरी मेथड लगा दिया तो मैम इसका आंसर एप्रोक्स 37 आ जाएगा ठीक है डन डन है? है समझ आ गया ना आप सभी को ठीक है बोलो भाई समझ आ गया आशीष पवार बोल रहे मैम समझ नहीं आ रहा है अरे बेटा क्यों समझ नहीं आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है आप लोग आराम से मुझसे डिस्कस कीजिए कहां दिक्कत आ रही है लेट्स डिस्कस अबाउट इट डाइल्यूशन का फॉर्मूला अब भी बताती हूँ अब भी बताती हूँ ठीक है डन है चलो वेरी गुड चलिए ये क्वेश्चन आई होप सब सबको क्लियर होगा आप चाहिए लिखना चाहते हो तो भाई लिख लो लिखना चाहते हो तो लिख लो टन 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 स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से किया है मोलिकुलर मास निकाल लिया था, mol, uh, था तो उसको एड करके सोल्यूशन का मास निकाला जो कि मेरे इतना के जी आया फिर यूनिटरी मेथड लगाया भी इतने के जी में अगर पंद्रह ग्राम है तो एक में कितना होगा और टू पॉइंट फाइव में कितना होगा खत्म कहानी खत्म टाटा बाय बाय इतना ईजी था इसमें है ना डन है चलो अब इस क्वेश्चन में भी कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी आई आई डोंट नो पे दिक्कत उनको आई है पर स्टिल कोई दिक्कत नहीं है मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूं आप लोग मुझे यहाँ पे पहले बता दो यहां पे किस चीज में आपको प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट 1.5 के अंदर बेटा आपको किस चीज में प्रॉब्लम आई है मोलालिटी में मोलारिटी में या मोल फ्रैक्शन में मोलालिटी में मोलारिटी में या मोल फ्रैक्शन में बोलो डाइल्यूशन बता रही हूँ भाई बता रही हूँ बता रही हैं बता रही हैं देखो अगर आप आंसर फ्रैक्शन में छोड़ देते हो और एंड में उसको उसमें नहीं लिखते हो तो बेटा हाफ मार्क्स कट होता है उसका आधा मार्क्स कट होता है तो ना इसीलिए आप सारा कर लो एंड में आकर के उसको डिवाइड करके आंसर लिख देना मोल फ्रैक्शन में दिक्कत आ रही है अरे बाप रे मोल फ्रैक्शन में कहा दिक्कत आ गई तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है के आई का तो क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे के आई के डिवाइडेड बाई तो टोटल मोल की के आई के मोल्स और वॉटर के मोल्स हो जाएंगे अब के आई के मोल्स कितना होगा इसका गिवन मास मोलिकुलर मास कितना था 166

जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्स थ्री आ जाएगा क्लियर हो गया आप लोगों को समझ आ गई भाई सबको चलो क्या बात है अच्छा आप डाइल्यूशन वाले में किसी को दिक्कत आ रही थी कोई दिक्कत नहीं है भाई डाइल्यूशन में देखो क्या किया हमने मैं आपको ना सिंपल वैसे तो सा, सारे डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते हो इट इज एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू यहां पर आपको जो वी वन है वो आपका इनिशियल वॉल्यूम है ये इनिशियल वॉल्यूम है ठीक है और एम वन जो होगा वो आपका इनिशियल मोलारिटी होगी इनिशियल बेटा मोलारिटी होगी ठीक है ऐसे ही अगर मैं एम टू की बात करती हूँ तो ये आपकी फाइनल मोलरिटी होगी ये आपकी फाइनल मोलारिटी होगी और अगर मैं वी टू की बात करती हूँ तो ये आपका फाइनल वॉल्यूम होगा आफ्टर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा और अच्छे से समझ आएगा अगर मान लो मैं बेटा आपको एक चीज यहाँ पे बोल देती हूँ आपके पास ना मान लो दो सो एम एल दो सो एम एल था जिसकी ना मोलर थी अब मैंने ना उसमें हंड्रेड एम एल डायल्यूट कर दिया तो मुझे न्यू मोलैरिटी बताओ क्या होगी उसमें मैंने हंड्रेड एम एल और डायल्यूट कर दिया तो मेरे को बताओ मोलारिटी क्या होगी बताओ क्या होगी मोलारिटी सोचो सोचो क्या होगी सोचो तो देखो आप बोलोगे भी मैम M1 मेरा अब यहाँ पे two मोलर है ठीक है मैम V1 मेरा यहाँ पे two hundred ml है ठीक है मैम M2 हमें नहीं पता है ना लेकिन मैम V2 क्या होगी मैंने hundred इसमें ऐड कर दिया तो final V2 अब मेरी क्या होगी two hundred plus hundred यानी कि मैम three hundred होगी बच्चे यहाँ गलती करते हैं थ्री हंड्रेड होगी ठीक है जी तो अब क्या करोगे आप एम वन है वन इज इक्वल टू एम टू वी टू लगा दोगे थ्री हंड्रेड तो एम टू कितनी आ जाएगी टू इंटू टू हंड्रेड बाई थ्री हंड्रेड करोगे ये आएगा फोर बाय थ्री यानी कि वन पॉइंट ठीक है इसके बाद आप ले लोगे थ्री समथिंग ठीक है स आ जाएगा मोलर क्लियर हो गया थ्री 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 ले लो वन पॉइंट थ्री ले लो समझ गए ना इस तरीके से कर लोगे समझ आ गया बोलो भाई सभी को क्लियर हो गया चले आगे ना बड़े आगे कर लेंगे वेरी गुड यही जोश रखिए ठीक है घबराना नहीं होता छोटी छोटी चीजों से भी अरे ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है इतना इजी लग रहा है देखो अब हो रहा है ना सब हो पा रहा है सब कर पा रहे है हैं हम है ना चलो अब ना मैं आपको स्टूडेंट्स मोलैरिटी और मोलैलिटी का एक रिलेशन करवा रही हूँ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी का ताकि आप लोग क्वेश्चन में उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का एक रिलेशन है बेटा सभी लोग लिखेंगे ध्यान से सबसे पहली बात ये आप कभी यूज कर सकते हो वेन डेंसिटी इज गिवन टू यू जब आपको क्वेश्चन में ना वो डेंसिटी दे देना When density is given to you, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो वेटी इज गिवन टू यू तो स्टूडेंट आप लोग इसका यूज कर सकते हो ठीक है हाँ ठीक है मैम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वलिंग टू सोल्यूशन हाँ जी बिल्कुल और किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं मैम जोश हाई है बहुत हाई है आप लोगों का कैसा है जोश बताओ चलो अब देखो मोलैलिटी क्या होती है small m से लिखते हैं ये होती है मोलैरिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी माइनस मोलैरिटी नीचे है मोलिकुलर मास स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है सॉरी ये स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो जब आपको डेंसिटी गिवन हो मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में पूछ सकते हैं है ना ठीक है क्लियर है हाय मैम यस वेरी गुड ये हुई ना बात बहुत अच्छे क्या बात है है ना चले ठीक है इसको लिख लीजिए भाई इसको लिख लीजिए इसकी डेरिवेशन इज इस नॉट इन सिलेबस तो टेंशन मत वो डेराइव करने को नहीं देता है वरना मैं खुद ही करवा देती जब मैं तुम्हें एनसीईआरटी के इंटेक्स एग्जाम्पल सब करा रही हूं तो डेरिवेशन क्यों छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी ना टेंशन लो नहीं आती है ठीक है चलो अब ना स्टूडेंट्स मैं नॉर्मैलिटी का बता रही हूं मैं फिर से रिपीट कर सिलेबस में इज नॉट इन सिलेबस बोर्ड्स के पेपर में नॉर्मैलिटी इज नॉट इन सिलेबस बट बैठा अगर आप किसी और बुक्स में से कर रहे हो तो आप कर सकते हो एक और चीज मैं आपको बता देती हूं इस फॉर्मूला को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो थाउजेंड को एलसीएम ले लोगे वो ऊपर चला जाएगा आपको मॉडिफाइड फॉर्म में भी कई बुक्स में मिल सकता है ठीक है हंड्रेड एलसीएम थाउजेंड एलसीएम लेके भी वो कर सकते हो ठीक है चलो

ठीक है चलो अब नॉर्मैलिटी का आपको एक आइडिया दे देती हूं मैं फिर से रिपीट कर रही हूं दिस इज नॉट इन सी बी एस ई वाला सिलेबस में नहीं गिवन नहीं है एन में गिवन नहीं है तो हम इसको नॉट इन सिलेबस कंसिडर कर रहे हैं ठीक है नॉर्मैलिटी को कैपिटल एन से आप डिनोट करते हो ये होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आपका डिवाइडेड बाई आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स तो ये स्टूडेंट्स आपका नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला होगा किसका फॉर्मूला होगा मैम नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला होगा ठीक है हां जी ठीक है अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं तो ये बेटा होता है गिवन मास गिवन गिवन मास 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 बाय बाय इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट आपका ठीक है और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं बेटा ये होता है मॉलिकुलर मास बाय एन फैक्टर तो बस ये ही फॉर्मूलाज है इन सबको आप रिलेट करके एक मेजर फॉर्मूला बना सकते हो इक्विलेंट मास को यहाँ पुट कर दो ठीक है और फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट को यहाँ पुट कर दो तो नॉर्मैलिटी का एक पूरा फॉर्मूला आ जाता है ठीक है अब मैं यहां पर आपको वो न्यू फॉर्मूला भी लिख देती हूँ नॉर्मैलिटी क्या होगा अच्छा अब अगर आप इसको यहाँ पे पुट करते हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट होता है बाई गिवन मास अपन इक्विवेलेंट मास क्या होता है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर डिवाइडेड बाई एन फैक्टर और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहां से देखो मैं क्या डिराइव कर रही हूं तो ये आप एक कंबाइंड फॉर्मूला भी बेटा यूज कर सकते हो जो मैंने इन तीनों को मिला करके बनाया इन तीनों को मिला करके बनाया अब ना एक बात देखो इससे मैं एक आपको बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दिखा रही हूँ जो बहुत ही इजी है बेटा बहुत इजी है कैसे है देखो आपको पता है गिवन मास में मोलिकुलर नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स में वॉल्यूम क्या होता है मोलरिटी होता है मैम क्या आ गया नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इन बेटा आपका एन फैक्टर इनटू बेटा आपका एन फैक्टर तो ये आपके एक और दो फॉर्मूला है ये तीन फॉर्मूला भी आप ऐसे याद कर सकते हो डायरेक्टली आप इसको भी यूज कर सकते हो क्लियर हो गया ना तो देखो समझा दिया ना मैंने खत्म कर दिया ना ये वाला टॉपिक आप सभी का कर दिया ना एन फैक्टर का मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ है ना किसी को नहीं पता तो भाई पता चल जाएगा ठीक है हाँ जी एन फैक्टर पे आते हैं भाई मेरा बर्थडे नहीं है आज लेकिन अगर बर्थडे पे विश कर रहे हो मुझे तो बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि अम्म मतलब बहुत जरूरी होती है है ना वैसे बर्थडे तो नहीं है बट हमारी केमिस्ट्री की पहली क्लास है तो उसका बर्थडे तो जरूर है है ना तो मेरा बर्थडे नहीं अभी आने में समय है ठीक है चलो एन फैक्टर देखते हैं, एन फैक्टर देखते हैं एन फैक्टर देखो आपको ना एन फैक्टर किस तरीके से समझना होता है कैसे समझेंगे मैम कैसे करेंगे मैम देखो तो सॉल्ट के केस में आप क्या करते हो एन फैक्टर कैसे देखते हो सॉल्ट के केस में देखते हो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज देखते हो आ, जैसे कि मान लो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगर एन फैक्टर की कोई भी हम बात कर लेते हैं मैं बोलती हूँ ए का थ्राइस है ठीक है आप इसको डिसोसिएट करवा दो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एलुमिनियम प्लस थ्री में डिसोसिएट हो जाएगा मैम और एसओ फोर माइनस टू में लेकिन एसओ फोर कितने हैं तीन है और एल्यूमिनियम कितने हैं दो इंटू थ्री इज सिक्स या फिर थ्री इंटू टू इज सिक्स तो या तो पॉजिटिव चार्ज देखो या नेगेटिव चार्ज देखो वैल्यू क्या है सिक्स है तो यहाँ एन फैक्टर क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा ऐसे कर सकते हो जैसे एन ए सी एल का ले लो मान लो एन ए सी एल आपको गिवन है ठीक है तो एन ए पॉजिटिव और नेगेटिव में हो रहा है ना स्प्लिट तो या तो पॉजिटिव देखो या नेगेटिव देखो ठीक ठीक है ये हो जाएगा अब इसके अलावा अगर आप एसिड के केस में देख रहे हो तो वो कितने वो उसका फैक्टर हो जाता है ठीक है जैसे है है ये कितने दे रहा दो एच पॉजिटिव दे रहा है ना तो इसका इन फैक्टर टू हो जाएगा बेस केस में कितना नेगेटिव दे रहा है बेटा वो उसका इनफैक्टर हो जाएगा कितना कितने OH नेगेटिव दे रहा है एक दे रहा है तो उसका इनफैक्टर वन हो जाएगा ऐसे है ये समझ गए ये लिख लिया ठीक है डन हो गया नॉर्मोलिटी मोलैरिटी का आपको कॉमन फॉर्मूला बता दिया है नॉर्मैलिटी किसके इक्वल होता है मोलैरिटी होता है यहां पे हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा डन है डन है कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा कंप्लीट होती है यहाँ पे बधाई हो आप लोगों को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट में चाहती हूँ किसी ने लिखना है तो लिख लो है ना

उनका फ्यूचर वो खुद डिसाइड कर रहे हैं हम तो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हो जो पढ़ रहा है अच्छी बात है जो नहीं पढ़ रहा क्या ही कह है सकते हैं है ना चलो कोई दिक्कत नहीं है सोलिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं सोलिबिलिटी का मतलब क्या होता है सॉल्युबल होने का मतलब क्या होता है घुलना मिक्स होना कितना सोल्यूट सोलवेंट में मिक्स होगा वो उसकी सोलिबिलिटी होती है क्या होती है उसकी सोलिबिलिटी होती है ठीक है बिल्कुल तो अब सोलिबिलिटी क्या होगा सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटांस मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अभी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में तुम ज्यादा से ज्यादा कितना सोल्यूट डाल लोगे वो उसकी सोल्यूबिलिटी होगी एट अ स्पेसिफाइड बेटा टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर बेटा टेम्परेचर अब ये किस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ सल्यूट एज सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर तो ये इन सब पे डिपेंड करता है इन सब पे ये चीज डिपेंड करेगी क्लियर हुई बेसिक्स ये समझ आई ना सोलिबिलिटी के बारे में घुलने के बारे में मिक्स होने के बारे में है. बेटा पीपीएम पे बहुत रेयर क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इसलिए आपको नहीं दिखाया अब एनसीआर के कुछ हाईलाइट पढ़ लेते हैं है ना तो जो जो प्रॉमिस किए पूरे तो करूंगी एनसीआर का हाईलाइट ध्यान से देखना एनसीआर का हाईलाइट बेटा ध्यान से देखिए क्या बोलती है एनसीआर वो कहती है जब आप कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स अब ये क्या टर्म एक्सप्लेन करिए क्रिस्टलाइजेशन समझना होता क्या मान लो तुमने क्या किया सोलवेंट लिया उसमें सोल्यूट डाल रहे हो डाल रहे हो मिक्स कर रहे हो घुल है घुल है घुल रहा, घुल घुल रहा है सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया एक ऐसे स्टेज आ गई वो और नहीं घुल सकता तुम तो फिर भी डाली जा रहे हो डाली जा रहे हो डाली जा रहे हो डाली जा रहे हो तो क्या हो जाएगा वो कट्ठा हो जाएगा ना नीचे क्योंकि अब और घुल नहीं रहा है अटेन हो गया, गया वो बन गया भाई, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो और डाल रहे हो डाल रहे, हो, डाल रहे, हो, डाल रहे हो। तो वो नीचे हो गया।, अब वो हो गया तो आप उसको तो ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक होती है देखो ध्यान से सम सोलूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन कोलाइड सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ दोल्यूशन वो सेपरेट हो जाते हैं इस प्रोसेस को बेटा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है बेटा सॉलिबिलिटी वाले टॉपिक में मिलेगा एनसीईआरटी में आप वहां पे देख सकते हो लाइंस लिखी हुई है ठीक है चल लो आ आओ अब वो कहता है एक ऐसी स्टेज आती है व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट क्वेश्चन आया था ना अब वो इसी से रिलेटेड है देखो वो कहते हैं कैसी स्टेज आती है जब दोनों प्रोसेसेस ना सेम रेट पर हो रहे होते हैं डाल रहे हो ऊपर से डाल रहे हो डाल रहे हो उतने ही नीचे सेपरेट हो रहे हैं कट्ठे हो रहे हैं कट्ठे हो रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है एक हो रहा है रेट ऑफ डिसोल्यूशन कितना डाल रहे हो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कितना वो सेपरेट हो रहा है उसके इक्वल हो रहा है तो वो क्या हुआ क्या हुआ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया क्या स्टैब्लिश हो गया बेटा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया समझ रहे हो ठीक है डन है बढ़िया क्रिस्टलाइजेशन रिपीट देखो आपने क्या किया एक आपके पास था अम, बीकर है

डन है दाने? चलो स्टार्ट करते हैं सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एन लिक्विड से स्टार्ट करते हैं सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड करें बोलो भाई करें स्टार्ट बैक, बैक स्लाइड कौन से वाली भाई ले लो लो करो भाई यूरिया वाला रिपीट कर दिया वन पॉइंट फोर क्वेश्चन रिपीट कर दिया है कर दिया है कर लो कर लो फटाफट से इसको कर लो <laughs> चलो अब देखना अब देखो क्या होता है आपने किसको सॉल्यूवल कराना है आपने सॉलिड को लिक्विड में करना है मतलब इस बार जब सॉलिड ले रहे हो ना स्टूडेंट्स वो आपका सोल्यूट है और लिक्विड जो आप ले रहे हो ना वो आपका सॉल्वेंट है वो आपका बेटा सॉल्वेंट है क्या है सॉल्वेंट है ठीक है चलो अब देखो क्या हो रहा है आपने क्या करना है आपने क्या करना है आपके पास मान लो एक बीकर है आपके पास ये लिक्विड फॉर्म में अब आपने सॉलिड फॉर्म में कोई चीज ले रहे हो उसको सॉलिबिल कराना है शुगर इन वाटर ले रहे हो सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो शुगर वाटर एक लिक्विड फॉर्म है आपने इसको इसमें डिजोल्व कराना है बेटा है ना तो क्या फैक्टर्स होते हैं जो सॉलिबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं आइए इसकी बात करते हैं क्या लगता है पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट सोल्यूट का नेचर कैसा होगा ध्यान से समझना पोलर सोल्यूट जो होगा ना आपका पोलर सोल्यूट जो है ना वो डिजोल्व करता है बेटा पोलर सोलवेंट में डिजोल्व इन पोलर सोलवेंट पोलर सोल्यूट क्या करता है आपका पोलर सोलवेंट के अंदर मिक्स होता है अब ये मैम पोलर शब्द का मतलब बताओ पहले तो इस पोलर शब्द का मतलब बताओ पहले क्या होता है पोलर का मतलब होता है जिसपे पोल्स बनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बनते हैं वो पोलर होता है है ना तो पोलर सोल्यूट ही पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा जैसे एन ए सी एल वाटर में घुलेगा तो एन ए सी एल में एन ए पॉजिटिव सीएल नेगेटिव बन रहा है और वाटर क्या है एच टू ओ है हाँ बिल्कुल सही बोला ठीक है लाइक डिजोल्व लाइक वाला केस है नॉन पोलर सोल्यूट जो होगा ना स्टूडेंट्स जिसपे पोल्स नहीं बनेंगे जिसपे चार्जेस डेवलप नहीं होंगे तो नॉन पोलर वाला किस में घुल सकता है भाई वो नॉन पोलर सोलवेंट में ही घुल सकता है ऐसा नहीं होगा भी वो पोलर में घुल जाए भाई ऐसा पॉसिबल नहीं होगा मैम ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है है ना इसके बाद वो कहता है जो ऑर्गेनिक सोल्यूट होते हैं जितने भी ऑर्गेनिक सोल्यूट हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं वो पोलर या नॉन पोलर में नहीं होंगे जबकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं तो ये सबसे पहला फैक्टर होता है बेटा जो सॉल्युबिलिटी को उसकी मिक्सिंग को अफेक्ट कर सकता है सबसे पहला फैक्टर ये होता है ठीक है इसको लिख लो भाई इसको लिख लो सेकेंड फैक्टर की बात करने जा रही हूँ जो टेम्परेचर है हाँ जी हाँ जी श, आ, शालीजा आप बोल रही है आपसे नहीं सॉल्व हुआ क्लास में तो बाद में करें हाँ बिल्कुल करो बेटा करो अच्छा अब देखना सेकंड फैक्टर आता है बेटा टेम्परेचर टेम्परेचर के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर केस में बहुत सिंपल है अगर आपकी ये ना मैं ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अगर आप ली चाटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली चलते हो तो आप क्या देखते हो भी अगर आपकी कोई भी रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक है अगर आपकी कोई भी रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक है सो इट इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर ये हाई टेम्परेचर से स्टूडेंट्स फेवर्ड होती है अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो वो हाई हाई टेम्परेचर से बेटा फेवर्ड होती है अगर वो एक्सोथर्मिक है अगर वो एक्सोथर्मिक है तो इट इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर तो वो लो टेम्परेचर से फेवर्ड है मान लो ना तो वो एंडो है ना वो एक्सो है ना तो वो एंडो है ना वो एक्सो है, एंडोथर्मिक, नॉर एक्सोथर्मिक, तो क्या होगा तो पहले एक ट्रांजिशन टेम्परेचर स्टेट आएगी जो टेम्परेचर यहाँ पे स्टेब्लिश होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा उसके बाद देन क्या होगा टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा इसके बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा इसके बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा ठीक है ठीक है भाई आफ्टर द ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर कब आता है ट्रांजिशन टेम्परेचर जब ना तो एंडोथर्मिक है ना ही एक्सोथर्मिक है मतलब वो उसे की जाती है उसके थ्रू वो रिएक्शन पॉसिबल होती है तो वो इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा ठीक है ये टेम्परेचर का फैक्टर मैंने आपको बता दिया अब इसमें एक और फैक्टर भी होता है प्रेशर बट इसमें प्रेशर इतना हम नहीं इन डेप्थ पढ़ते सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में पढ़ते हैं जहां पर हम हेनरीज लॉ पे आएंगे ठीक है तो प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं होता बट हाँ ठीक है इफेक्ट होता है इतना नहीं होता है तो कमिंग टू सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यहां से बेटा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है जहां पर आपको हेनरीज लॉ से भी मैं वाकिफ करवाने जा रही हूं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बिल्कुल छोटा सा पोर्शन था जो डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता था वो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है ठीक है प्रेशर इफेक्ट होता है पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है ज्यादा वो नहीं होता प्रेशर का उस पर इफेक्ट ठीक है थीके? यहां पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये बेटा हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इसको समझने के लिए समझो आप जो अब बीकर ले रहे हो वो ऊपर से पहली बात तो बंद करोगे यू हैव टू टेक बेटा क्लोज कंटेनर क्या मुझे कोई बता सकता है मैं क्लोज कंटेनर क्यों ले रही हूँ इसको सोलिबल करवाने के लिए क्या कोई बता सकता है भी मैं क्यों ले रही हूं एक कंटेनर छोटा सा सवाल है मेरा क्या कोई सोच सकता है इस बारे में बताओ भाई क्या लगता है क्या लगता है देखो अगर मैं कंटेनर ले रही हूँ मुझे गैस को सोल्यूबल करवाना है लिक्विड में ओपन कंटेनर होगा तो गैस तो बाहर चला जाएगा क्या बात है ये हुई ना बात कॉमन सेंस लगाओ गैस को मैं मिक्स करवा रही हूँ भाई लिक्विड में ओपन कंटेनर लूंगी तो गैस तो बाहर चली जाएगी आउट कर जाएगी, इसीलिए मुझे क्लोज्ड कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती स्टूडेंट्स समझ आई बात अच्छा अब यहां पर भी वही बात है यहां पर भी वही बात है नेचर तो नेचर का यहाँ पे सेम है सोल्यूट का भी पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में मिक्स होगा नॉन नॉन पोलर पोलर में होगा पोलर का एक एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको बोला पोलर सल्यूट ही डिजोल्व होगा पोलर पोलर ही होगा सॉल्वेंट में है ना जैसे कि एच सी एल इन वॉटर आप ले सकते हो एच सी एल बेटा क्या होती है गैस होती है इन वॉटर ले सकते हो तो बेटा ये क्या होता है आपका लिक्विड फॉर्म होता है तो अपने गैस के पार्टिकल्स को इसके अंदर वॉटर में मिक्स कराना है। मतलब आपने लिक्विड में मिक्स कराना है ना ठीक है ना क्लियर हुआ तो ये हो सकता है नॉन पोलर डिजोल्व होता है नॉन पोलर में ऑर्गेनिक होता है ऑर्गेनिक में दूसरी बात आती है प्रेशर और प्रेशर को समझने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक लॉ जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कौन सा लॉ है हेनरीज लॉ जो प्रेशर को स्टूडेंट्स इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करेगा ये प्रेशर के इफेक्ट को समझाता है तुमने गैस को इस पर डिजोल्व कराना है सोचो तुम गैस को अंदर डाल रहे हो तो तुम प्रेशर लगाओगे ना ताकि वो मिक्स हो जाए भाई मिक्स हो जाए भाई मिक्स हो जाए है।, है ना मिक्स हो जाए है।, है ना तो वो हेनरीज़ लॉ एक्सप्लेन करता है बढ़िया आइए हेनरीज लॉ जी क्या कहते हैं हेनरीज लॉ क्या बोलते हैं क्या एक्सप्लेन करते हैं आइए इसके बारे में देखते हैं तो हेनरीज लॉ स्टूडेंट्स आपको ना बोलता है जो तुम प्रेशर ऊपर से लगा रहे हो द प्रेशर एक्सर्टेड ठीक है जी द प्रेशर या ऐसे बोल सकते हो उसको सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है ध्यान से देखना टॉप जो तुम प्रेशर ऊपर से लगाते हो कितना डिपेंड कर रहा है सॉलिबिलिटी का मतलब घुलना कितना घुलेगा जितना तुम प्रेशर लगा रहे हो सीधी भाषा में ठीक है तो सॉलिबिलिटी गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस

देखो पार्शल प्रेशर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी सोलिबिलिटी बढ़ेगी अगर सॉलिबिलिटी बढ़ेगी तो हेनरी कॉन्स्टेंट घटेगा घटेगा क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में है समझे क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में है समझ आई कहानी क्लियर हुआ भाई, भाई 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 क्लियर हो गया सॉर्टेड है देखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब ब्रेक लिया था तो आपकी वो डिस्कशन के जो टॉपिक में आपको डाउट था वैसे ही अब जो टॉपिक नेक्स्ट ब्रेक के बाद लिया है इसके टॉपिक्स नेक्स्ट ब्रेक के बाद फिर से डिस्कस कर लेंगे है ना तो घबराओ मत सब होगा यार ऐसे अगर मैं एक टॉपिक पे बैठी रहूंगी ना तो फिर उस पर बैठे रहेंगे ऐसे तो होगा नहीं ना है ना चलो रिपीट मैम रिपीट अच्छा सोचो दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल तो सबने ले होगी पी भी होगी क्या होता है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के अंदर तो गैस भरी होती है ना लिक्विड में गैस कैसे भरी हुई है ऊपर से प्रेशर लगाया होगा तभी वो उसके अंदर घुली होगी ना है ना तो जितना तुम प्रेशर लगाओगे उतना ही वो उसके अंदर घुलेगा तो जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ही सॉलिबिलिटी बढ़ेगी है ना है ना बेटा

तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैंने आप किस बता दिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारा बाकी है टेम्परेचर से क्या होगा आप सोचो सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ये देखो ये तुम्हारी क्या है लिक्विड है ये ये तुमने गैस ली थी जो तुम चाहते थे इसके अंदर मिक्स हो जाए ये बंद है ऊपर से क्या कर रहे हैं हम हीट कर रहे हैं टेम्परेचर दे रहे हैं भाई जब हमने टेम्परेचर दिया जब हमने मैम क्या किया मैम हमने टेम्परेचर दिया अब टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया तो क्या होगा अब जो मोलिक्यूल अंदर उससे घुलने वाले थे घुलने वाले थे अब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इधर उधर घूमेंगे इधर उधर घूमेंगे ना पहले वैसे घुल रहे थे अब तुमने एनर्जी दे दी हीट करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा इधर उधर घूमेंगे ठीक है टेम्परेचर बढ़ाने से मैम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी डिस्टर्बेंस हो जाएगी मॉलिक्यूल्स में इधर उधर घूमेंगे बोलो भाई हाँ बोलो समझ आ रही है कल एग्जाम है मैम कोई बात नहीं अब क्या ये इसके अंदर मिक्स हो सकता है पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा ना मिक्स हो सकता है नहीं हो सकता है मैम नहीं हो सकता है मैम तो सोलिबिलिटी क्या करेगी भाई सोलिबिलिटी घट जाएगी कैसे घुलेगा जब वो इधर उधर ही घूम रहा है नहीं घुल सकता ना तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी घट जाएगी क्लियर हो गया हाँ बढ़ गई इधर उधर ऐसे घूम रहा है कैसे उसको तुम सेटल करा दोगे मिक्स करा दोगे मिक्स ही नहीं हो सकता भाई वो नहीं हो सकता मिक्स है ना मिक्स ही नहीं हो सकता चलो अब इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं कर लिया एप्लीकेशंस पे चलते हैं पहली एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रही हूं एप्लीकेशन <coughs> एप्लीकेशंस केशंस, एप्लीकेशंस चलो ध्यान से देखना चलो ये देखो क्या हो रहा है ये देखो क्या हो रहा है देखो 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 क्या हुआ ये देखो क्या हुआ प्रेशर लगाया गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर सॉलेबल कराए दिख रहा है सभी को दिख रहा है सभी को दिख रहा है तुम्हारा देखें मैम दोबारा बता दो, दोबारा दिखा दो चलो भैया दोबारा चलाओ चलो लो ये देखो आपको ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर देखने को मिलते हैं प्रेशर लगा रहे हो देखो ये ऊपर से प्रेशर लगेगा लगा गैस के मॉलिक्यूल्स सोलेबल अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा है ना है ना ठीक है समझ आ गया सभी को यस मैम आ गया चलो आ गया सभी को तो ध्यान से देखो एप्लीकेशंस में क्या कहता है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बेसिकली जो कोका कोला पीते हैं या जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या होता है बेटा उसमें जो उसमें गैस होती है वो CO2 गैस होती है ठीक है CO2 गैस होती है तो जब हम पीतेम कहते हैं ना कई बार ओपन करके छोड़ देते तो गैस स्केप हो जाती है तो भाई खराब हो गई उसकी तो गैस निकल गई है खराब हो गई अभी है अभी है टेस्ट नहीं अच्छा आ रहा है है ना तो एक सेंसेशन वो कॉज करती टंग पे जब रखते हैं तो सीयू टू गैस की वजह से होती है ठीक है ठीक है तो ये क्या है सोलिबिलिटी बढ़ाने के लिए सीयू टू की सॉफ्ट ड्रिंक्स में या सोडा वाटर में बॉटल को सील करते हैं हाई प्रेशर में जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा घुलेगा तो पहली एप्लीकेशन समझ आई के नहीं आई आई के नहीं आई आ गई मैम आ गई ना पहली एप्लीकेशन समझ आई के नहीं आ गई तो भाई लिख लो पहली एप्लीकेशन पहली एप्लीकेशन लिख लो थ्योरिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरीज लॉ से थ्योरिटिकल क्वेश्चन बेटा आता है इससे ठीक है ठीक है डन है चलो अगली एप्लीकेशन चले ओ भाई ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम कोई मूवी चलने वाली है चलो मूवी देख लेते हैं फिर है ना लेट्स सी अ मूवी चलो चलो भाई मूवी चलाई जाए चलो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हुआ जाए देखते हैं देखो कितना अच्छा व्यू है ना ये कौन है हमारे स्कूबा डाइवर्स है कौन है स्कूबा डाइवर्स देखो कितना बढ़िया व्यू दिखाते हैं भाई है ना डीप सी डाइविंग करते हैं तो आपने देखा होगा ना वाव मैम है ना कोरल रीफ्स दिखा रहे हैं एक्वेटिक प्लांट कितने है है ना तो देखो वाह क्लोज व्यू लिया गया ना उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था अपने ऊपर तो भाई नीचे गए वो डीप सी डाइविंग करने गए इतना ब्यूटीफुल व्यू दिया तो ये ये जो डाइवर जो स्कूबा मैंने अभी आपको दिखाए है, है ना ये क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं मतलब पानी के नीचे जाओगे ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं कैसे इतना अच्छा व्यू हमें देखने को मिल रहा है बताओ सोचो भाई किसी ने किया है कभी स्कूबा डाइविंग टाइप अच्छा किया नहीं है तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी उसके अंदर वो जो तीन दोस्त होते हैं वो स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं देखो ये क्या कैरी कर रहा है ये देखो क्या कैरी कर रहा है ये ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी च्छल कर रहा है क्या कैरी कर रहा है बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहा है बस करो भाई हमने ज्यादा देख लिया मूवी चलते हैं आगे है ना क्या कैरी कर रहा है ये ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहा है तो यहीं से हमारी अगली जो है अगली जो है एप्लीकेशन आती है अगली जो है एप्लीकेशन आती है अब नीचे पानी के जा रहे हो भाई है सांस नहीं ले पा रहे हो तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए ना नीचे जा रहे हो ठीक है तो ऑब्वियसली चाहिए है ना प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो चाहिए ऑक्सीजन क्या करेंगे अब हम देखना ध्यान से सभी लोग यहाँ देखिए नीचे जाता टाइम तक तो ठीक है जब हम नीचे जाते हो तो हाई प्रेशर होता है बेटा नीचे जा रहे हो ना हाई प्रेशर हो गया प्रेशर बहुत बढ़ गया है प्रेशर बहुत बढ़ गया है बहुत बढ़ गया है बहुत बढ़ गया है अब जब ऊपर आ रहे हो देखो ऊपर आ रहे हो देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले रीजन पर पहुंचने वाले हो तो क्या होगा जब प्रेशर हाई हो जाता है तो सोलिबल सोलिबिलिटी बढ़ती है हीलियम तो टू अवॉइड जी आ रही है उसी बात पे आ रही हूँ उसी बात पर आ रही हूँ उसी टॉपिक पे आ रही हूँ तो ध्यान से देखना प्रेशर ड्रॉप हो जाता है सोल्यूबिलिटी ड्रॉप हो जाती है जब तुम नीचे जा रहे थे ना तो प्रेशर बढ़ रहा था तो आपकी ऑक्सीजन गैस सॉलिबल हो रही थी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी आप ऑक्सीजन बढ़िया आसानी से ले रहे थे आप ऊपर आ रहे हो भाई ऊपर आ रहे हो क्या हो क्या रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन पे आ रहे हो आ रहे हो तो क्या हो रहा है प्रेशर रिड्यूस प्रेशर रिड्यूस तो सोलिबिलिटी रिड्यूस तो ऑक्सीजन जो आप ले रहे थे वो सोलबल नहीं हो रही भाई अंदर सोलिबल नहीं हो रही है तो क्या होगा आपकी नसें फटने लग जाएंगी इसको प्रिवेंट करने के लिए हीलियम जो है डाली जाती है ऑक्सीजन के साथ ठीक है देखो ध्यान से स्कूबा डाइवर्स स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप अप विद हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज वाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर जब वो अंडर वाटर होते हैं तो क्या होता है भाई उन पे जब प्रेशर डलता है तो सॉलिबल हो जाती कोई दिक्कत नहीं है इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज इज दॉलिबिलिटी इन द ब्लड ब्लड के अंदर उसकी सॉलिबिलिटी एटमोस्फेरिक गैसेस की बढ़ा देता ठीक है सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज जैसे ही सर्फेस पे वापिस आते हैं दोबारा देखते हैं इसे देखो ये ऊपर जा रहा है सर्फेस पे जा रहा है प्रेशर डिक्रीज सॉलिबिलिटी डिक्रीज क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉलिबिलिटी के भाई प्रेशर डायरेक्टली सॉलिबिलिटी के अरे सॉलिबिलिटी ही घट गई अब क्या करेंगे दिस रिलीज द डिजॉल्ड गैसेज एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड ब्लड के अंदर नाइट्रोजन के बबल्स जैसे डेवलप होने लग जाते हैं ठीक है ठीक है, है जी इसको क्या बोलते हैं ये कैपिलरीज ब्लॉक कर देता है न फटने को हो जाती है ठीक है क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन जैसे क्या बोलते हैं बेंड्स बोलते हैं जो कि लाइफ के लिए डेंजरस है आपके लिए डेंजरस है ये बेंड्स वाला टॉपिक है बिल्कुल ठीक है समझ आगे कहानी ये देखिए ऊपर जा रहा है ये स्टेटराइज कर जाती है जब ये सरफेस पे वापस जा, जा रहे होते हैं सरफेस पे जब ये वापस जा रहे होते हैं तब ये स्टेट देखने को मिलती है ये बेटा आपकी सेकंड जो है एप्लीकेशन हो जाएगी ये सेकंड एप्लीकेशन हो जाएगी देखो यहां पर क्लियर हो गया सभी को चलो ठीक है इसे प्लीज नोट कर लेना सेकेंड एप्लीकेशन है ठीक है चलो आगे अब देखो अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है बेंड्स को अवॉइड करने के लिए क्या करना है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन जो ब्लड में हो जाता है क्या करते हैं जो टैक्स स्कूबा डाइवर्स यूज करते हैं जो एयर से फिल्ड होती है उसमें वो हीलियम डालते हैं 11.7% ठीक है 11 और 56.2% नाइट्रोजन होती है और 32.1% ऑक्सीजन होती है ताकि ये कंडीशन ना आ सके ठीक है ये कंडीशन ना आ सके चलो भाई क्लियर है मैं बोल रही हूं नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है ऑक्सीजन अच्छे से डिजोल्व हो रही है अच्छे से डिजोल्व हो रही है अच्छे से डिजोल्व हो रही है भाई ऊपर आ रहा है लो प्रेशर वाले एरिया पे आ रहा है प्रेशर ड्रॉप हो रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर प्रेशर गिर गया तो सॉलिबिलिटी भी गिरेगी एनरीज लॉ के अकॉर्डिंग सॉलिबिलिटी गिर जाएगी घुलेगा नहीं तो क्या होगा अंदर बबल्स बनने लग जाएंगे क्योंकि इतना प्रेशर है इतना प्रेशर है भी वो अब इतना प्रेशर से लो प्रेशर में आ रहा है एकदम से डिक्रीज हुआ ड्रॉप हुआ तो वो क्या होगा जैसे कि अगर आप सी यू टू में देखोगे आप खोल देते हो तो गैस स्केप हो जाती है ना इन द सेम वे यहाँ पे बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के बबल्स बनने लग जाएंगे ब्लड के अंदर कैप्लरीज फटने लग जाएंगे उसे बेंड बोलेंगे इसीलिए उसके अंदर क्या करते हैं हीलियम डाल देते हैं ठीक है हीलियम डबल ही लिखा अरे गलती से लिखा गया होगा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो पूरा उसका वो लिया मिक्सचर लिया इतना हीलियम इतना वो इतना वो ठीक है चलो अगली सिचुएशन देखते हैं आइए फिर से चलते हैं एनिमेशन की दुनिया में आइए चलो ये देखो ये क्या कर रहा है ये इंसान क्या कर रहा है ये इंसान क्या कर रहा है बेटा वो प्रेशर मेंटेन करके रखेगा इस वजह से अब ये देखो ये देखो ये क्या कर रहा है ये देखो ये ऊपर चढ़ रहा है जब ऊपर चढ़ रहा है तो सांस फूलने लग जाती है सांस फूलने लग जाती है भाई ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है जब आप माउंटेन पे क्लाइंबिंग करते हो होती है ना हाँ हिल क्लाइंबिंग हिल क्लाइंबिंग बिल्कुल तो क्या होता है क्या होता है जब आप ऐसे करते हो तो बताइए हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है सफोकेशन होने लग जाती है घबराहट होने लग जाती है देखा है ना कई लोग जो ट्रैवल करते हैं उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है जब वो माउंटेन एरियाज पे जाते हैं हायर अगर वो चढ़ाई भी कर रहे हैं हिल क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो सफोकेशन कारण जाती है है ना क्या हो रहा है फिर से बताओ भाई क्या हो रहा है भाई ओवर द सरफेस जब आप ऊपर पहुंच रहे हो फिर से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है प्रेशर ड्रॉप हो रहा है सॉलिबिलिटी घट रही है अंदर ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है है ना है ना तो यही चीज है देखो एट हाई एल्टीट्यूड्स इधर ही देख लेते हैं आइए एट हाई एल्टीट्यूड्स ठीक है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द ग्राउंड लेवल मैंने ये बोला ना ऊपर जा रहे हो प्रेशर फिर ड्रॉप हो गया देखो जब तुम स्कूबा डाइविंग कर रहे थे नीचे से ऊपर आ रहे थे प्रेशर ड्रॉप हुआ गया यहाँ पे भी नीचे से ऊपर जा रहे हो प्रेशर ड्रॉप हो गया प्रेशर भाई ड्रॉप हो गया जिससे क्या होगा लो कंसनट्रेशन हो जाएगी ऑक्सीजन की ब्लड और टिश्यूज में फिर से फिर से वही हो जाएगी हाई एल्टीट्यूड में तो लो ब्लड ऑक्सीजन क्या करता है क्लाइंबर को वीक बना देता है नहीं चल पाता है थक जाता है बेचारा सफोकेशन होती है उसको अच्छे से दिखना बंद हो जाता है सिम्टम्स एक ऐसी कंडीशन के आते हैं जिसको हम एनोक्सिया कहते हैं तो जब आप क्लाइंबिंग करते हो तो एनोक्सिया की सिचुएशन फेस करते हो जब आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो तो वहां पर बेंड्स की कंडीशन आपको फेस करने को मिलती है है ना डन है ठीक है क्लियर है बढ़िया ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन हो गई भाई लिख लो हेनरीज लॉ की थर्ड एप्लीकेशन लिख लो फटाफट से फटाफट से लिख ली लिख ली यस एवरीबॉडी यस एवरीवन डन 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 अच्छा ये एनसीईआरटी हाईलाइट ली हुई है तो एनसीईआरटी की लाइंस ही है डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से ले सकते हो बेटा जी ओके जी चलो मैम आगे करवा दो चलो अब लिमिटेशंस क्या है हेनरीज लॉ की क्या लिमिटेशन रह गई लिमिटेशन कहती है भी हेनरी लॉ ना सिर्फ इन कंडीशंस पर ही वैलिड होता है भाई सिर्फ इन कंडीशंस पर ही वैलिड होता है सिर्फ इन कंडीशंस पर ही वैलिड होता है क्या व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई जब गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता है ठीक है उसके बाद द बादचर इज नॉट टू लो जब बहुत कम नहीं होता है सॉल्वेंट उसको सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करनी है तभी एप्लीकेबल होगी तभी वैलिड होगी लास्ट गैस शुड नो अंडरगो डिसोसिएशन या एसोसिएशन टूटना नहीं चाहिए या कोई और मॉलिक्यूल से वो कंबाइन नहीं करना चाहिए क्लियर है डन है बेटा हो गया ये लिमिटेशन रहेंगी भी इन इन कंडीशन पे ही वो वैलिड होगा इन इन कंडीशन पे ही वो वैलिड होगा क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए मैम बाद में लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हो आपको नोट्स भी मिलेंगे हाँ जी नोट्स अपलोड होंगे ऐप पर बेटा ऐप पर अपलोड होंगे ठीक है आप वहां से ले लेना ठीक है डन है चले आ गई यस मैडम चलो मैम

चलो जवाब देते हैं देखते हैं कौन सा स्टूडेंट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब देता है लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू क्या होता है वहां पर जिसके कारण ये देखने को मिलता है देख लो भाई दो जगह आया हुआ है वन मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है एनसीआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर में आया हुआ है

क्या बात है वेरी गुड एवरीबडी टाइमर एंड हो चुका है तो बेटा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है एटी फोर परसेंटेज ऑफ द क्लास का सही है और ये नेम्स है मैंने आपको पहले बोला था एट द एंड ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू टेक ऑल द नेम्स ऑल टुगेदर ओके यस मैम तो यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है हाई से लो पे जाता है तभी तो सिचुएशन होती है प्रेशर ड्रॉप कर जाता है भाई प्रेशर ड्रॉप कर गया सॉलिबिलिटी घट गई तो लो कंसेंट्रेशन कब होती है हाई एल्टीट्यूड पे ड्यू टू लो एटमोस्फेरिक प्रेशर चलो दैट्स रियली ग्रेट अगला क्वेश्चन आता है अब ये सीबीएसई पेपर 2023 में क्वेश्चन आया था दो मार्क्स में बेटा टू मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था टू मार्क्स में बेटा ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई पेपर 2023 में आया था क्वेश्चन क्या है व्हाट इज हेनरीज लॉ और एक एप्लीकेशन कोई भी उसकी दे दो देखो कितना इजी क्वेश्चन है समझ रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है हेनरी लॉ क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है दे दो वो ये कह रहा है तो देखो बहुत सिंपल सी बात है पहले ना आपने आंसर किस वे में लिखना मैंने उसी वे में आपको यहाँ पर दिया है लिखकर उसी वे में दिया है एक, लिखना है।, एक पूछी है तो एक ही लिखनी है समझ रहे हो ना कहानी है, है ना चलो आओ देखो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंगली मैम पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन

टू मार्क्स में क्वेश्चन देखा गया था लिख लो जिसने लिखना है लिखने का तरीका देख रहे हो मैंने पहले ही बोला था और मैंने आपको कहा था कोई फॉर्मूला आता है तो उसको बॉक्स में डाल के जरूर आना कोई चीज लगती है उसको अंडरलाइन करना तो इसको अंडरलाइन कर देना ठीक है समझो भी एग्जामिनर चेक कर उसको नहीं आता तुमने ही उसे बताना है है ना धन है ओके मैम चलो हो गया हो गया चलो अब अगला क्वेश्चन आता है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट केएच जो वैल्यू हेनरीज कांस्टेंट केएच की है उस पे क्या फर्क पड़ता है बता दो भाई क्या लगता है क्या होगा वैल्यू ऑफ हेनरीज कॉन्स्टेंट के पे क्या लगता है बहुत इजी है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इस सवाल का बहुत इजीली जवाब दे सकते हो वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच क्या होगा भाई इसके साथ क्या होगा बताइए क्या लगता है टाइमर एंड होने जा रहा है आप लोगों का स्टूडेंट्स लेट सी क्या जवाब आएगा तो बेटा इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होगा क्यों क्यों नहीं अभी मैं आपको रीजन देती हूँ आप समझोगे लो देखो ये जवाब है ये बच्चों के नेम्स है देखो मैंने आपको ना एक चीज बताई थी छोटी सी बात आपको मैंने बताई भी भाई तुम टेम्परेचर बढ़ा दिया तुमने टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया तो गैस क्या होंगे अगर सॉलिबिलिटी कम है तो, तो के एच क्या होगा बढ़ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो, तो हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी क्लियर हुआ तो इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्लियर है Sorted है ना बोलो भाई ठीक है ठीक है डन डन बोलो बोलो चले अगले क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यस मैम इट मैम बढ़िया मैम चलो अगला क्वेश्चन एनसीआर टी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर एटीन है क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट के एच इज वॉट बताओ भाई क्या आएगा बताओ क्या जवाब आएगा पोल कहाँ आता है तो आपने चार्ट सेक्शन में ए बी सी डी लिखना है वहीं से ही आपके जो है आंसर्स पिकअप होते हैं <coughs> टाइमर इज अबाउट टू एंड एवरी वन ठीक है तो इसका जवाब स्टूडेंट्स आपका आता है ऑप्शन नंबर बी हमारे पोल महाराज अभी रुकी नहीं रहे हैं पोल को क्या हुआ क्या हुआ पोल को पता नहीं क्या हो गया रुक गया शुक्र है बी इसका जवाब होगा सिक्सटी फाइव परसेंटेज ऑफ द क्लास का सही है तो ये स्टूडेंट्स है जिनका सही है ठीक है जी आइए हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट की सोलिबिलिटी के साथ अभी हमने बताया है भाई अगर सॉलिबिलिटी बढ़ रही है तो हेनरीज लॉ सॉरी ये हेनरीज कांस्टेंट घटेगा सॉलिबिलिटी कम है तो हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा तो वो कहता है इज ग्रेटर फॉर हायर सॉलिबिलिटी नहीं अगर हायर सॉलिबिलिटी है तो कम होगा ग्रेटर फॉर गैसेज विद लोअर सॉलिबिलिटी लोअर सॉलिबिलिटी सॉरी लोअर सॉलिबिलिटी ग्रेटर यस तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सॉर्टेड है सॉर्टेड है भाई बोलो 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 हम्म चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं एनसीआरटी एग्जाम्पल वन पॉइंट फोर एनसीआरटी एग्जाम्पल वन पॉइंट फोर क्वेश्चन को सभी लोग रीड करेंगे बेटा

चलो देखते हैं किसका सही होता है पहली बात तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू के एच इन टू मोल फ्रैक्शन है ना अब प्रेशर पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन गिवन है के एच की वैल्यू सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर्टी एट गिवन है इन टू हमारे पास हैंनरीज कांस्टेंट आता है क्या आता है बेटा हेनरीज कांस्टेंट आता है जब आप इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग ध्यान दें तो ये 1.29 पॉइंट टू नाइन इंटू की पावर कुछ आएगा 1.29 पॉइंट टू नाइन इंटू की पावर माइनस फाइव आएगा याद रखना वो किलो बार में था और वो ओनली बार में था तो आप एक यूनिट ही लेकर के चल रहे हो एक यूनिट ही लेकर के चल रहे हो एग्जैक्टली सभी का यही आ रहा है आप एक यूनिट ही लेकर के चल रहे हो अब आपने आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल है ठीक है एन वन प्लस एन टू है तो इसकी वैल्यू आपको नहीं पता लेकिन आपको यह पता है भी वो वाटर की बात कर रहा और उसने आपको दे दिया वन लीटर वाटर में वन लीटर ऑफ वाटर में दे दिया तो मोल्स निकाल सकते हो मोल्स निकाल सकते हो बताओ कितने मोल्स आएंगे वाटर के भाई बताओ क्या बात है सभी ने तो जवाब भी कर लिया कितने मोल्स आएंगे वाटर के क्या लगता है आप लोगों को फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव जी बिल्कुल सही किसने लिखा है नाम चला गया सॉरी आदित्य यादव ने लिखा है शिवानी कुंतल ने लिखा है वेरी गुड फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव कैसे आया चलिए बताइए बहुत सही आंसर बिल्कुल सही है बताइए आया कैसे वाटर के मोल्स कैसे निकाले आपने बेटा कैसे निकाले बताइए कौन बताएगा एग्जैक्टली वन थाउजेंड 18 एटीन हो जाएगा एटीन हुआ ठीक है तो यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है 1.29 10 की पावर माइनस फाइव बेटा जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 7.16 पॉइंट 10 की पावर माइनस वन सेवन पॉइंट वन सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस वन यानी कि जीरो पॉइंट सेवन वन सिक्स देखो मिली मोल्स में आपने इसको कन्वर्ट करना है मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मोल्स को निकाल करके थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो आपका ये जवाब आ जाएगा क्लियर है हाँ जी सभी का यही आ रहा है वेरी गुड श्रेया दुबे का यही आ रहा है साक्षी का यही आ रहा है वेरी गुड हां जी वेरी गुड एवरीबडी ठीक है तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है अब एक आपको क्वेश्चन गिवन है एनसीआरपल फोर्टी के अंदर क्वेश्चन फोर्टी है वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट तो आपने ये इसमें सारा एक्सप्लेन करना है भी किस तरीके से आपने हेनरीज लो कांस्टेंट को डिराइव किया उसके बाद आपने टेम्परेचर का इफेक्ट और uh, आपने बताना है सोलिबिलिटी का उस पर क्या फर्क पड़ता है सोलिबिलिटी बढ़ाओगे तो हेनरीज लो कांस्टेंट कम हो जाएगा तो आपने इस चीज की यहाँ पर बात करनी है ठीक है

देखो तीनों एप्लीकेशन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिला है और ये फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आया है फाइव मार्क्स का क्वेश्चन की फॉर्म में आता है ठीक है थ्योरिटिकल है आपने तीनों एप्लीकेशन इसमें बता देनी है अब बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज वेपर प्रेशर नाउ अब हम वेपर प्रेशर स्टार्ट करने जा रहे हैं हाँ ये जेई वाले भी वॉच कर सकते हैं करे ठीक है जो हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको करवा दिया है ठीक है चलो अब देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है वेपर प्रेशर समझाने से पहले मैं आपको दो तरह के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताना चाहूंगी ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग आपका ना ये होता है सरफेस मान लो ये लिक्विड इतना इसके अंदर घुला हुआ है ये इतना लिक्विड है ठीक है मान लो ये आपका बेटा इतना लिक्विड है तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे आपको यहाँ सरफेस पे देखने को मिलते हैं कुछ पार्टिकल्स ऐसे आपको ऊपर सरफेस पे देखने को, देखने को मिलते हैं और कुछ पार्टिकल्स ना आपको ऐसे अंदर देखने को मिलते हैं ठीक है कुछ पार्टिकल सरफेस पे होते हैं स्टूडेंट्स और कुछ पार्टिकल्स अंदर होते हैं अब जो पार्टिकल स्टूडेंट्स ऊपर सरफेस पे देखने को मिलते हैं उसको हम सरफेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं उसको हम सरफेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं जो पार्टिकल्स हमें अंदर देखने को मिलते हैं उसको बेटा हम बल्क मॉलिक्यूल्स कहते हैं उसको बेटा हम बल्क मॉलिक्यूल्स कहते हैं है ना ये हमारे सरफेस पार्टिकल्स है ये हमारे बल्क पार्टिकल्स है बेटा ब्रेक ब्रेक अभी तो ब्रेक दिया था कितनी ही देर हुई है ब्रेक में है ना नाइन थर्टी भी मैं आपको ब्रेक दूंगी अभी पढ़ लो नाइन थर्टी भी ब्रेक मिलेगा तब अपना आप जो है डिनर कर सकते हो नाइन थर्टी पे आप लोग ब्रेक लीजिएगा तब अपना अपना डिनर कर लीजिएगा ठीक है नाइन या नाइन थर्टी पे आपको मैं ब्रेक दे दूंगी नाइन या नाइन थर्टी पे ब्रेक दे दूंगी आप डिनर कराना ठीक है अभी नहीं अभी तो ब्रेक लिया ही था चलो आ जाओ सरफेस मॉलिक्यूल्स है ये हमारे बल्क मॉलिक्यूल्स है अब क्वेश्चन ये अराइज करता है वेपर प्रेशर कौन एग्जर्ट करेगा वेपर प्रेशर कौन एक्जर्ट करेगा पहली बात समझो होता क्या मान लो इस सरफेस मॉलिक्यूल की बात करती हूँ तो ये सरफेस मॉलिक्यूल ना इधर से भी मतलब फोर्स लगती है इधर से भी और नीचे से भी लगती है जबकि बल्क के मॉलिक्यूल की बात करती हूँ तो इधर से भी फोर्स है इधर से भी फोर्स है नीचे से भी फोर्स है ऊपर से भी फोर्स है चारों तरफ मॉलिक्यूल है मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ मैं सर्फेस पे हूँ तो मुझे इधर से कोई खींच रहा है इधर से कोई खींच रहा और ऐसे मैं ऐसे बस इधर उधर जा सकती हूँ लेकिन अगर मैं कोई बल्क पार्टिकल हूँ अंदर प्रेजेंट हूँ तो मेरे को हर तरफ से जगह से खींच रहे हैं मतलब कि मैं अपनी मूवमेंट नहीं शो कर सकती लेकिन सर्फेस वाले ऊपर से कोई नहीं खींच रहा तो वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं ठीक है अब जब सरफेस के मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं अब देखो क्या हो रहा है ये लिक्विड फॉर्म अपने आप को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करती है हीट होने पर तभी तो वेपर्स बनते हैं है ना तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर जब प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जब तुम इसे हीट करोगे ये मॉलिक्यूल मोलिक्यूल ऊपर ऊपर जाएंगे ये कुछ 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 क्या प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वॉल्स पे एग्जर्ट करेंगे एग्जर्ट करेंगे सरफेस पे एग्जर्ट करेंगे तो उसको बेटा वेपर प्रेशर कहा जाता है और अगर मान लो ये मेरे ए पार्टिकल्स हैं जो कर रहे हैं तो ये सिर्फ ए पार्टिकल्स ही कर रहे हैं तो इसका प्रेशर होता है पी नॉट ए पी नॉट ए क्या होता है प्योर वेपर प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर होता है ऑफ ए ए का प्योर प्रेशर होता है ठीक है अभी सिर्फ ए पार्टिकल्स थे तो इसका प्योर प्रेशर ये होगा क्या होता है वेपर वेपर प्रेशर प्रेशर द ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर ओवर द लिक्विड सरफेस ठीक है ये जो इसके वेपर्स में जब ये कन्वर्ट होता है तो जो वेपर्स एग्जर्ट करते हैं प्रेशर ओवर द सरफेस बेटा उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर यहाँ पे लिक्विड और वेपर फेस दोनों क्या होते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं ठीक है लिक्विड स्टेट जब वेपर्स में कन्वर्ट होती है गैश फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वो क्या करती है प्रेशर एक्सर्ट करती है ओवर सरफेस उसे वेपर प्रेशर कहा जाता है क्लियर हो गया क्लियर हो गया अच्छा भी बंद होती है ना तभी एस्केप नहीं कर रहा तभी अंदर ही अंदर वेपर अपने अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर लगा रहा है ठीक है भाई इसे लिख लो इसे लिख लो एवरीबडी फटाफट से इसे सभी लोग लिखेंगे सभी लोग फटाफट से इसे लिख लेंगे चलो अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स देखते हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर भाई अगर तुम खुद सोच के देखो तुम्हारे पास एक ऐसे तो इसमें बीकर में लिक्विड है ये जो है ये कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में और ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जितना बढ़ाओ शुरू करेंगे जितना उतना प्रेशर होगा। मतलब की मतलब की टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैम वेपर प्रेशर के टेम्परेचर क्या होगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के क्लियर हो गया सभी को समझ आई ना कहानी अच्छे से बहुत बढ़िया अब समझो अब बॉइलिंग पॉइंट समझाने से पहले ना मैं आपको पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बताऊंगी ये समझ आ गया ना तो ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा ठीक है अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कुछ समझना समझना हो क्या रहा है तुम्हारे पास ये ऐसे बीकर था इसमें पार्टिकल्स हैं ठीक है पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तुमने क्या किया तुमने क्या किया खुद सोचो तुमने क्या किया टेम्परेचर यहाँ पे इसको अगर दिया लेट्स से तुमने क्या किया टेम्परेचर इसको दिया ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे भाई इसकी बॉन्डिंग टूट गई है ना अब एक छोटी सी स्टेट समझो कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा बॉन्ड है और कुछ पार्टिकल है जिसमें इतना बॉन्ड नहीं है थोड़ी थोड़ी दूर दूर पे जिस पे ज़्यादा बॉन्ड है तुम्हें उसको बॉइल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा मतलब कि तो और ये इनमें बॉन्ड भी स्ट्रांग है स्ट्रांग जहां पे बॉन्ड होता है स्ट्रांग जहां पे बॉन्ड होता है उसको टाइम लगेगा ना वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है जबकि बॉन्डिंग अगर लूज है वीक है वीक है तो जल्दी से वो खुद को कन्वर्ट कर लेगा वेपर्स में तो यहाँ वेपर जितनी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उतना कम वेपर प्रेशर लगेगा क्यों क्योंकि वो जल्दी एस्केप ही नहीं कर पा रहा ना टाइम की बात होगी ठीक है अब जो ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनको बहुत समय लग रहा है ना भाई स्केप करने के लिए समझ रहे हो ना क्योंकि उनमें अट्रैक्शन बहुत है ठीक है अब यहां से इसी चीज को समझो इसको तुम्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट देना पड़ेगा इसका वेपर प्रेशर क्या होता है कम होता है तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट भी वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डन है Sorted है भाई मैम साउंड थोड़ा कम आ रहा है मैं तो बहुत चीख चीखे बोल रही हूँ अभी भी कम आ रहा है तो बता दो भाई कोई बात नहीं मैं पूछ लेती हूँ बढ़िया अब ना इस टॉपिक को समझाने के लिए आइए अगले पेज पे चलते हैं फोर्थ फैक्टर को समझाने के लिए आइए अगले पेज पे चलते हैं अगले पेज पे चलते हैं अगला आता है हमारे पास ये क्या आ गया मैम ये क्या चीज है आइए देखते हैं समझते हैं, ये मेरा है सॉल्वेंट, इधर मैं ले रही हूँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जिसको मैं ए से लिख रही हूं यहां मैं ले रही हूँ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जिसको मैं बी से लिख रही हूं इन दोनों को ऐड करने से मैंने बना दिया सॉल्यूशन जो कि किसके मिलने से बनता है मैम जो कि बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो कि बनता है मैम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से मिलने से बनता है होता है ना अब देखो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में ए ले रही हूं मैं सिर्फ सरफेस पार्टिकल्स लिखूंगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है पहले ही मैं आपको ये चीज बता चुकी हूं भी सरफेस वाले ही वेपर प्रेशर बेटा एग्जर्ट कर सकते हैं है ना सरफेस वाले ही बेटा वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं चलो ये मैं बी ले लेती हूँ ये क्या ले लिया मैंने बी पार्टिकल्स ये सॉल्यूट के मैंने बी पार्टिकल्स ले लिए जब मैं इन्हें मिक्स कर रही थी तो क्या बना ए बी बन गया ए बी बन गया यस जोश कम नहीं होना चाहिए एवरीबॉडी इन चैट सेक्शन है ना चलो अब ए बी अगर देखो जुड़ गए तो ये क्या होगा ए पार्टिकल बी पार्टिकल ए पार्टिकल बी पार्टिकल ए पार्टिकल अब समझना यहाँ क्या कंडीशन है फोर्थ फैक्टर क्या है फोर्थ बेटा फैक्टर क्या है नॉन वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ये फैक्टर है अब ये शब्द क्या आ गया भाई नॉन वॉलेटाइल क्या होता है मैम नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल वो सब्सटेंस होती है जो प्रेशर को एग्जर्ट करती है नॉन वॉलेटाइल वो सब्सटेंस होती है जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करती है है ना नहीं करती है अच्छी बात है ठीक है अब सॉल्वेंट तो क्या है हमारा वॉलेटाइल है मतलब कि ये एग्जर्ट करेगा प्रेशर को ठीक है सोल्यूट क्या ले रहे हैं इस बार हम नॉन वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल लिया अब नॉन वॉलेटाइल जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा है ना इट वॉन्ट बी एग्जर्टिंग भैया नहीं करोगे आप ठीक है नहीं करते हैं। आप समझो मैंने क्या बोला जो प्रेशर अब जब प्योर फॉर्म है अभी तुमने मिक्स नहीं किया प्योर फॉर्म है नहीं मिक्स किया तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा क्या होगा वो पी नॉट ए होगा दिस इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए है ना ये प्योर वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट ए का बेटा और ये तो कुछ भी एग्जर्ट नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा ये नॉन वॉलेटाइल है क्यों नहीं करेगा बेटा ये नॉन वॉलिटाइल इन नेचर में इसलिए नहीं करेगा अच्छा सोल्यूशन में क्या होगा आप देखो सोल्यूशन में क्या होगा मैम सोल्यूशन में ए तो कर रहा है ए तो कर रहा है ए तो कर रहा है पर बी नहीं करेगा नहीं करेगा तो अब ये क्या कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ये टोटल प्रेशर इसका पीएस होगा जो सिर्फ ए ही कर रहा है टोटल प्रेशर दोनों के प्रेशर के सम के इक्वल होगा सिर्फ ए कर रहा है तो ये तो नहीं होगा तो यानी कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल है PA के इक्वल है ये क्या था A. P नॉट A PA क्या है PA बेटा क्या होता है यहां लिख लेते हैं PA क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट सॉल्व सॉरी सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन PB क्या है वेपर प्रेशर है ये मिक्स होने के बाद वाला है मिक्स होने के बाद वाला है अब देखना हो क्या रहा है मैम आपने बोल दिया अभी भाई ये तो एक्सर्ट ही नहीं कर रहा पहले कितने मॉलिकल प्रेशर लगा रहे थे एक दो तीन चार पांच अब कितने लगा रहे हैं एक दो तीन ही लगा रहे हैं तो मतलब जो फाइनल प्रेशर आया वो क्या हुआ कम हो गया मतलब मैम जो पी नॉट ए था वो ज्यादा था सोल्यूशन के प्रेशर से हां जी तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सोल्यूशन का लेस हो जाएगा ठीक है ये फोर्थ फैक्टर हो गया ठीक है फोर्थ फैक्टर ठीक है फोर्थ फैक्टर ठीक है बोलो भाई बोलो 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 अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो राउट्स लॉ और आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पर हमें लेकर के जा रहा है जो राउट्स लॉ और आइडल और नॉन आइडल सोल्यूशन पर हमें लेकर जा रहा है रिपीट द फोर फैक्टर

तो क्या देखोगे भी पहले पांच मॉलिक्यूल अगर प्रेशर लगा रहे थे तो भाई अब सिर्फ तीन मॉलिक्यूल लगा रहे प्रेशर तो घट गया ना तो वही तो बोला है वही तो बोला है और क्या स्लाइड को लिख लो जाती हूं पहले को लिख लो डन है जाती हूँ पहले इस को लिख लो जल्दी से इस स्लाइड को लिख लो सभी लोग जल्दी से इस स्लाइड को लिख लो सभी लोग हो गया, चलो एक चीज यहां लिख लेना शेप एंड साइज शेप एंड साइज डज नॉट अफेक्ट डेक्ट वेपर प्रेशर शेप और साइज बेटा प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेगी नहीं करेगी है? दाने? क्लास चलेगी? ब्रेक दे दो ब्रेक, ब्रेक 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 नहीं मिलेगा गलत बात है ब्रेक नहीं मिलेगा अभी रुक जाओ पढ़ लो चुपचाप पढ़ लो गलत बात है नो 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 नॉट अलाउड चलो स्टार्ट करते है, दो पढ़ेंगे हैं दो केसेस पड़ेंगे आप वेपर प्रेशर के अंदर स्टार्ट करते हैं दो केसेस पढ़ेंगे अभी जो अभी मैंने पढ़ाया है ना वो दोबारा रिपीट भी होगा सेकेंड केस वही है भाई सेकेंड केस वही है टेंशन मत लो दोबारा रिपीट भी होगा ओके ठीक है चलो आ जाओ अब अब इसको करते हैं यहां पे कह देते हैं ये फिर से हमारा क्या केस वन में क्या ले रहे हैं सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों वॉलेटाइल है भाई सोल्यूट और सोलवेंट दोनों क्या है ठीक है चलो तो ये क्या है हमारा सॉल्वेंट है ये क्या है हमारा सॉल्यूट है इन दोनों को जोड़ने से बनता है सॉल्यूशन है ना चलो अब सॉल्वेंट क्या है मैम वॉलेटाइल है अच्छा सॉल्यूट क्या है मैम वॉलेटाइल है ओके okay. चलो मतलब दोनों प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अच्छा सॉल्वेंट को ए ले लेते हैं स्टूडेंट सोल्यूट को बी ले लेते हैं चलेगा चलेगा हमेशा से सॉल्वेंट को ही लेंगे, ठीक है? ठीक है जी ओके जी सोल्यूट को बी लेंगे मेरी मम्मी बोल रही है टीचर है या सिंगर हम सब कुछ है आपको बस पढ़ाने के लिए है ना टीचर बनना पड़े सिंगर बनना पड़े दर ऐसा पढ़ाएंगे भी दिमाग में फिट हो जाए कहानी खत्म है ना अपनी मम्मी को मेरी तरफ से नमस्ते बोलेगा जी चलो 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 भाई थोड़ा दूर ठीक है सॉरी चलो सॉल्वेंट को मैंने ए लिया है ए लिया है तो ए पार्टिकल्स ऐसे ए हैं ये सरफेस वाले ए पार्टिकल्स हैं ए पार्टिकल्स हैं ए पार्टिकल्स हैं ए पार्टिकल्स हैं सोल्यूट वाले बी पार्टिकल्स हैं ठीक है जी ओके जी बी पार्टिकल्स हैं बी पार्टिकल्स हैं बी पार्टिकल्स हैं बी 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 पार्टिकल्स चलो सोल्यूशन में क्या होगा मैम दोनों मिक्स हो जाएंगे ए ए ए पार्टिकल 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 बी 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 है ना चलो अब देखो क्या होगा समझना कहानी थोड़ी सी अब ट्विस्ट लेकर आएगी क्या होगा यहां यहाँ पर ए <laughs> पार्टिकल्स कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे जो पी नॉट ए होगा जो बेटा प्योर वेपर प्रेशर होगा ऑफ योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट का स्टूडेंट ये प्योर वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का ये आपका प्योर वेपर प्रेशर होगा समझे इतने अब बी भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो ये पी नॉट बी होंगे ये क्या होगा वेपर प्रेशर होगा ऑफ प्योर सॉल्वेंट अभी प्योर क्यों बोल रही हूं क्योंकि अभी सॉरी सोल्यूट बी का अभी मैंने इनको मिक्स नहीं किया है मैंने मिक्स नहीं किया है ठीक है डन अब देखो मिक्स करने के बाद क्या होगा मिक्स करने के बाद क्या होगा ठीक है ये क्या देगा ये ए प्रेशर पी ए प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये पी बी करेगा तो जो टोटल प्रेशर है पी है वो दोनों के सम के इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी हो जाएगा क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी हो जाएगा अब मैं ठीक है अब मैं आपको लॉ से इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूं लॉ क्या कहता है ध्यान से सुनना लॉ क्या कहता है बेटा ध्यान से सुनना राउल लॉ बोलता है भी जो प्रेशर आप लगा रहे हो पार्शल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक सेकेंड पार्शल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस पीए का जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब आप इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हो यहाँ पे पी नॉट ए आ जाता है क्या आ जाता है स्टूडेंट्स पी नॉट ए आ जाता है समझ रहे हो ऐसे ही अगर मैं आपको पीबी के केस के लिए बोलूं जो पार्शल प्रेशर बी का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के तो इसको हटाओगे तो यहाँ पे पी नॉट बी आ जाएगा एक्स बी यहाँ पे अगर कुछ बच्चे मेंशन करना चाहते हैं तो लिख सकते हो भाई पी ए आपका वेपर प्रेशर है ठीक है ऑफ ए एक्सर्टेड बाय ए इन सॉल्यूशन पी नॉट ए आपका प्योर वेपर प्रेशर है मिक्सचर से पहले का ऐसे ही पीबी के साथ है ऐसे ही पी बी के साथ है ठीक है ना अब देखो क्या होगा अगर इन चीजों को अगर इन चीजों को जो अभी हमने यहाँ पे ये यह फॉर्मूला लिखा है ना ये पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी वाला इसमें अगर मैं लिख देती हूँ पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है और मुझे पता है पी ए क्या है पी ए है पी नॉट एक्स ए पी बी क्या है PB है नॉट B, B. तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं भाई टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए या जीटा ए कह लो प्लस पी नॉट बी जीटा बी ये आपकी इक्वेशन हो जाती है सबसे पहले केस के लिए जब आपने सोल्यूट और सोलवेंट दोनों वॉलेटाइल लिए आपकी राउल की भी इक्वेशन बन जाएगी और ये जो है राउल्स लॉ की इक्वेशन बन जाएगी तो इसको लिख लेना टोटल प्रेशर को यहाँ पीटी भी लिख ले सकते हो ठीक है राउल्स लॉ की इक्वेशन है फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है जिसमें आप दोनों ही वॉलेटाइल लेते हो मतलब दोनों ही प्रेशर लगा सकते हैं पार्शियल प्रेशर जो एक पर्टिकुलर गैस एक्सर्ट करती है किसी सोल्यूशन के अंदर उसको कहते हैं नहीं नहीं हेनरीज लॉ में अलग चीज थी सोलिबिलिटी की बात की गई थी बेटा ठीक है चलो अब चलते हैं राउट्स लॉ की डेफिनेशन पे किसी की रह गई है तो वो लिख सकते हैं राउट्स लॉ कहते हैं इट स्टेट्स दैट फॉर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड पार्शल वेपर प्रेशर ऑफ इच कंपोनेट ऑफ द सोलूशन सोल्यूशन के अंदर जो प्रेशर लगा रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोशल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रपोजल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोलूशन क्लियर हो गया सभी को क्लियर हो गया केस टू देखे बोलो भाई केस टू देखे डन है डन है लिख, लिख लिया अच्छा अब पहले इसका एक ग्राफ बना लेते हैं पहले इसका एक ग्राफ बना लेते हैं एवरी वन देखना ध्यान से यहां पर स्टूडेंट्स मैं ले रही हूं वेपर प्रेशर यहां मैं ले रही हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सीधी सी बात है यहां मोल मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन लेने लेने वाली हूं। लेने वाली हूं हूं मैम अब समझना जब आप शुरू में सिचुएशन लेते हो तो सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है ना तो हम कह देते हैं शुरू में ना मोल फ्रैक्शन अपन ने ले लिया एक है ए का सॉल्वेंट का तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली क्यों मैम ऐसा क्यों होगा मैंने आपको बताया था ना मोल फ्रैक्शन Uh, एक का प्लस दूसरे का अगर हम ऐड करते हैं दो कंपोनेंट में तो वो वन के इक्वल होता है तो यहाँ पर अगर मैं एक का सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन वन ले लेती हूँ तो सोल्यूट का जीरो हो जाएगा ठीक है मैम अब देखना अब देखना राउल यहाँ मैं दोबारा रिपीट भी कर रही हूँ किसी अगर रह गया तो हमें पता है पी एस किसकी इक्वल है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के ये आपकी राउट्स लॉ से इक्वेशन आ गई ठीक है अब यहाँ एक्स ए की वैल्यू वन है और एक्स बी की वैल्यू जीरो पुट हो एक्स पुट करो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ से कहेगा टोटल प्रेशर कहेगा पी नॉट ए इं वन प्लस ज़ीरो मैम यहाँ पर प्रेशर हमारा आ गया पी नॉट ए किस स्टेट में आया जब हमने एक्स ए की वैल्यू वन ली और एक्स बी की वैल्यू क्या ली जीरो ली क्या आ गया प्रेशर पी नॉटे आ गया मतलब इस सिचुएशन पे मेरा प्रेशर कितना आ जाता है यहाँ पे पी नॉटे आ जाता है मैं ये बोल रही हूँ जो पी नॉट ए प्रेशर है ना वो पी बी से ज्यादा है इसीलिए इसको मैंने थोड़ा ऊपर बनाया है ठीक है मतलब ए मैं बोल रही हूँ ज्यादा वॉलेटाइल है ए जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल है अब देखना अब देखना एक ऐसी स्टेज आती है जब सारा मेरा सॉल्वेंट जो है डिसॉल्व हो जाता है रिजोल्व हो जाता है अब मैं बोल रही हूँ कितना आ जाएगा पी नॉट बी इंटू वन पी नॉट बी आ गया मैंने आपको एक सिचुएशन दे दी पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से क्या है ज्यादा इसकी कम है तो इसको यहां लिख दिया अब आपने क्या करना इनको ज्वाइन कर देना बेटा जब आप इसको इससे सॉरी जब आप इसको इससे ज्वाइन करते हो तो ये कर्व किसके पीबी की है पीबी इज इक्वल एन टू एक्स बी इन टू पी नॉट बी की जब आप इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये आपकी कर्व आएगी पी ए की पी ए इज इक्वल एन टू पी नॉट ए एक्सए की और जब आप इन दोनों को स्टूडेंट्स ज्वाइन कर दोगे इन दोनों को बेटा ज्वाइन कर दोगे सॉरी इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका टोटल प्रेशर है जो कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल है तो ये आपका राउल्ट्स लॉ का ग्राफ आ गया ये आपका राउल्ट्स लॉ का ग्राफ आ गया और यही ग्राफ यही ग्राफ आपका आइडियल सॉल्यूशन का भी है यही ग्राफ आपका आइडियल सॉल्यूशन का भी है आइडियल सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है आइडियल सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है ठीक है डन है भाई कर लो करो भाई अभी आइडल ऑन आइडल पे आऊंगी पहले इतना कर लो ये जो ग्राफ बनाया है ये मैंने p नॉट a जब p नॉट b से ज्यादा है जब मैं बोल रही हूँ भी ए ज्यादा वोलेटाइल है अगर मान लो मैं बोलती हूँ भी ये ज्यादा है तो इसको ऊपर करोगे उसको नीचे करोगे दैट्स इट ठीक है क्लियर है डन है मैंने आपको बोल दिया था ना 9 बजे ब्रेक मिलेगा अब उससे पहले कोई ब्रेक ब्रेक मत करो 9 बजे तो मतलब 9 बजे 9 बजे का मतलब 9 बजे ही मिलेगा बेटा केस नंबर 2 पे चले अब केस नंबर टू तुमने कर लिया है केस नंबर टू तुमने कर लिया है तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा टेंशन भाई अरे कर चुके हो देख लो ये देखो ये तुम्हारा ए है और ये आप सॉल्वेंट ले रहे हो जो कि ए है और जो कि वॉलेटाइल है जो कि क्या है वॉलेटाइल है ए है ए है ए है ए है, ए है, ए है. ये क्या कर रहा है ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जो पी नॉट ए है यहां पे क्या है बी पार्टिकल है जो क्या है सोल्यूट है क्या है सोल्यूट है बी पार्टिकल है ये आपके नॉन वॉलेटाइल है ये प्रेशर ही एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं ये प्रेशर ही एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं सोल्यूशन बन गया सोल्यूशन बन गया सोल्यूशन बना तो ए भी दोनों तरह के पार्टिकल है ए बी दोनों तरह के पार्टिकल है अब बी तो प्रेशर ही एग्जर्ट नहीं कर रहा ओनली ए कर रहा है जो क्या है पीए है तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है बी पीएस क्या होता था पीएस होता था मैम पीए प्लस पीबी पीबी यह नहीं होगा तो पीएस पीए के इक्वल है और पीए क्या होता है पी नॉट ए एक्स से होता है पी नॉट ए एक्स से होता है तो ये आपका सेकंड केस आ जाता है ये आपका बेटा सेकंड केस आ जाता है क्लियर हो गया यानी कि जो वेपर प्रेशर हमें सोल्यूशन का ऑप्टेन हुआ वो लेस है किससे जो आपका प्योर प्रेशर था पी नॉट ए जो है वो ज्यादा है पीएस से या ये भी कह सकती हूँ पी नॉट ए जो है पी ए से ज्यादा क्योंकि वॉलेटाइल बेटा है। है? वो होता है जो क्या करता है प्रेशर एक्जर्ट करता है नॉन वॉलेटाइल वो सब्सटेंस होता है जो प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता है नहीं करता है कुछ क्वेश्चन करें एक बारी फिर आइडल नॉन आइडल पे चलेंगे आइडल नॉन आइडल में चलेंगे।, चलेंगे चलो पहले एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं ये एनसीआरटी एग्जाम्पलर का आपका क्वेश्चन है एनसीआरटी एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन है बेटा वन मार्क्स का Which of of the following unit is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure? With its its pressure? pressure, ठीक है तो ये बताइए क्या जवाब आएगा इस क्वेश्चन का क्या लगता है स्टूडेंट्स? क्या आंसर होना चाहिए इसका सोच समझकर जवाब दीजिएगा है ना सोच समझकर स्टूडेंट्स जवाब देना सोचो क्या होगा विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज सक्सेसफुल इन रिलेटिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। इजी है ना? देख लो वन मार्क्स का क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलड ऐसे हो जाएगा क्या बात है जोश देखो क्या बात है वेरी गुड तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा दैट इज बेटा मोल फ्रैक्शन 96 ऑफ द क्लास का सही है है क्या बात मतलब ये गलत होता तो मुझे खुद को फील होता भी अरे ऐसा क्यों किया है ना चलो बढ़िया बात है तो अभी हमने देखा वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अभी तुम्हें लिखवा भी दी थी मैंने ये इक्वेशन है ना जी यस yes, मैम आगे चलते हैं मैम आगे बढ़ते हैं मैम चलो आगे देखते हैं अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन से स्टार्ट करें आइडियल आइडियल एंड नॉन से स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। हाँ हैं जी सारे आइडियल सोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ भी, भी लिया है चलो करें ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद चलिए ठीक है ओके स्टूडेंट्स लेट्स टेक अ ब्रेक एक ब्रेक लेते हैं आप लोग जाइए खाना वगैरह खाइए आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में थोड़े ग्राफ्स बनाएंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ आगे क्या होने वाला है आपको आइडिया लग जाएगा बेटा आइडिया लग जाएगा मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस बता देती हूँ हम पहले इस करेंगे आइडियल नॉन आइडियल आइडल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन राउुल्स लॉ से रिलेटेड है बेटा तो वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो डेविएशन पढ़ते हैं फिर एज मिक्सचर है फिर चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी ठीक है खाना खा लो उसके बाद तो कोई ब्रेक नहीं मिलेगा ना भी हमें ये खाना है वो खाना है फलाना ढिमका है ना तो अभी खा लो भाई ठीक है और उसके बाद आपको कोई थर्टी ब्रेक, नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो ब्रेक। पर ब्रेक दे देना ठीक है नाइन थर्टी पर ब्रेक कर लेते हैं सॉरी है नाइन थर्टी पर कर लेते हैं सही है नाइन थर्टी पर ब्रेक कर ले पढ़ ले अभी आइडल नॉन आइडल और कवर कर लेते हैं बोलो चलो ठीक है अभी नहीं करते हैं ब्रेक अभी नहीं लेते हैं ब्रेक लेट्स डू दिस नो ब्रेक नो ब्रेक चल रहा है तो नो ब्रेक ठीक है चलो तो आइडियल नॉन आइडल से स्टार्ट करते हैं लेट्स डू विद आइडियल एंड नॉन आइडियल ओनली है ना तो अब देखिए आइडियल एंड नॉन आइडियल मैम की आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा आइडियल सोल्यूशन वो है जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है मतलब वही फॉर्मूला जो राउट लॉ का फॉलो करेगा वो हमारा आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा इन अदर टर्म्स है ना वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा सो द सॉल्यूशन विच ओबेइज राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं अभी खाना नहीं बना इसलिए नो ब्रेक ठीक है आपने 9 बजे बोला था तो हमने पेरेंट्स को 9 बजे बोल दिया ठीक है समझ गई समझ गई चलो आ जाओ मैंने क्या बोला जो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है बेटा ठीक है जो राउल्स लोगों को फॉलो करता है वही आइडल सोल्यूशन को जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडल कहलाएगा ठीक है ना अब एग्जाम्पल देख लो एग्जाम्पल में क्या है बेंजीन प्लस टॉलीन है एन हेगिन एन हेप्टेन है इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन है ये जो एग्जाम्पल्स है ना स्टूडेंट्स ठीक है इसको आप लोगों ने याद करना है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्पल वो पूछ लेता है अभी आप देखोगे जब और हमारा सारा हो जाएगा ना बिल्कुल लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे मैं मैं आपको आपको मैच द फॉलोइंग दिखाऊंगी या ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगी जहां पे से पूछता कहता करो। करो है कौन सा नॉन आइडियल है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ऐसे ठीक है ठीक है ना बेटा तो ये हमारा आइडियल सोल्यूशन के बारे में बताता है आइडल सोल्यूशन में ना और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लेट्स डिस्कस अबाउट दैट आइडियल सोल्यूशन की और भी बातें देखते हैं तो आइडल सोल्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर ध्यान देना यहाँ पे कैसी इंटरक्शन है ए ए मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ए इंटरक्शन होती है ना इसमें आपने क्या किया सोल्यूट एड किया बी बी वाले है ना तो इसमें कैसी इंट्रेक्शन होती है बी इंटर बाद में बेटा जब सोल्यूशन बनता है तो कैसी इंट्रैक्शन आ जाते हैं बी पहले ए ए मॉलिक्यूल थी फिर बीबी मॉलिक्यूल थी जब तुमने उसको जोड़ दिया, तो क्या इंट्रैक्शन गया? गया? है जो बीबी इंट्रैक्शन होती है और जो ए बी इंट्रैक्शन होती है यानी कि जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन है जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन है जो सोल्यूट सोल्यूट की इंट्रैक्शन है और जो सोल्यूट सोलवेंट की इंट्रैक्शन है ये क्या है दीज इंट्रैक्शन सेम है ये बेटा क्या है सेम है दूसरी चीज वो हमें यहां ये बोलता है जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है वो जीरो होती है जीरो होती है ना एड्सॉर्ब हो रहा है ना ही रिलीज हो रही है एनर्जी जीरो आ जाता है डेल्टा एच मतलब आफ्टर मिक्सिंग इट ठीक है अब इसके बाद एक क्वेश्चन डेल्टा वी मिक्सिंग पे आता है जो चेंज इन वॉल्यूम आता है वो भी कितना है जीरो है अब सुनो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपको ध्यान देनी है डेल्टा एस डेल्टा एस क्या होता है एंट्रोपी होता है अगर किसी को नहीं पता और बेटा एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस रैंडमनेस मतलब इधर उधर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स का घूमना फिरना है ना तो अब खुद सोचो पहले कुछ पार्टिकल्स थे फिर कुछ पार्टिकल्स आए उनको मिक्स कर दिया तो मॉलिक्यूल्स बढ़ गए मतलब रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो एंट्रोपी डेल्टा एस पॉजिटिव होगी दूसरी बात डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगी डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगी डेल्टा जी बेटा हमेशा आपकी क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है ध्यान रखना क्यों क्योंकि स्पॉन्टेनियस रियक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव रहती है तो डेल्टा एस और डेल्टा जी तो कोई भी केस आए ना यही रहेगा चाहे वो नॉन चाहे वो आपका आइडियल है चाहे वो नॉन आइडियल है ठीक है ना डन है ठीक है सॉर्टेड है जी होता है गिप्स फ्री फ्री एनर्जी एनर्जी चेंज इन ठीक है ये आइडियल सोल्यूशन के बारे में था उट द आइडियल सोल्यूशन अब मैं नॉन आइडल सोल्यूशन पे प्रोसीड करने जा रही हूं आइडियल सोल्यूशन का वही ग्राफ है जो आपने राउट लॉ का ग्राफ बनाया है सेम केस वन वाला ग्राफ बनेगा ठीक है लिख लो इसको आप नॉन आइडल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं नॉन आइडल सोल्यूशन बेटा स्टार्ट करते हैं Let's start solution. Solution और solution में पहली बात तो क्या फर्क आता है कहां पे अंतर है आइए इसको देखते हैं तो आइडल सोल्यूशन के केस में क्या होता है जो टोटल प्रेशर होता है वो इक्विवेलेंट होता है पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी बेटा एक्स बी के इक्वल होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन की बेटा अगर मैं बात करती हूं तो नॉन आइडल सोल्यूशन में टोटल प्रेशर इक्वल नहीं होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल नहीं होगा पहली बात पहली बात ठीक है इसके बाद यहाँ पे जो डेल्टा एच आपका होता है वो जीरो के इक्वल होता है जबकि नॉन आइडल केस में बेटा डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो या तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी या डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे मिसिंग है पी, इसको दिख लेना ठीक है तीसरा डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पे जीरो होता है बट यहाँ पे भी स्टूडेंट्स या तो डेल्टा वी आपका पॉजिटिव हो जाता है यानी कि जीरो से ज्यादा हो जाता है नहीं तो वो नेगेटिव हो जाएगा ठीक है क्लियर है ठीक है यहां पे डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होगा यहां पे भी ये चीज सेम रहेगी रैंडमनेस तो भाई दोनों केसेस में बढ़ती ही है क्योंकि सोल्यूट में तुमने सॉल्वेंट को सॉल्वेंट uh, में तुमने सोल्यूट को डाला है उसके बाद डेल्टा जी दोनों केसेस में ही नेगेटिव रहता है क्योंकि रिएक्शन क्या होती है बेटा यहाँ जो इंटरक्शन होती है ए ए की बीबी की या एबी की वो सेम रहती है जबकि यहां पे जो बेटा इंटरक्शन होती है ए ए की बीबी और एबी की वो डिफरेंट होती है ठीक है तो यहाँ पे ए बी बी ए बी इंटरेक्शंस आर सेम इंटरेक्शंस आर सेम ये सेम इंट्रैक्शन होती हैं जबकि यहां मैं बोलती हूँ तो ए बी और बीबी की इंट्रैक्शंस आर डिफरेंट या तो स्ट्रोंगर इंट्रैक्शन होती हैं दैन बिफोर या वीकर हो जाती हैं या वो वीकर हो जाती है ए ए क्या है ए ए सोल्यूट सोलून एक ए मॉलिक्यूल की दूसरे A molecule की, ठीक है, में, uh, तो और ए बी मतलब जब तुमने दोनों को जोड़ दिया तो ए बी की तो ए बी की ठीक है क्लियर है ये आइडियल और नॉन आइडियल के बीच का बेसिक सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है बेसिक सा डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है अब बेटा यहां से नॉन आइडल के बारे में इनडेप्थ पढ़ते हैं तो नॉन आइडल सोल्यूशन क्या होते हैं ऐसे सोल्यूशन जो राउल्स लो को अबे नहीं करते हैं उन्हें हम स्टूडेंट्स नॉन आइडल सोल्यूशन कहते हैं द वन दैट डू नॉट फॉलो द राउल लॉ उसे नॉन आइडल सोल्यूशन कहा जाएगा अब नॉन आइडल सोल्यूशन में जब आप पढ़ते हो तो यहां हम पढ़ते हैं डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर मतलब ये आइडियल क्यों नहीं है कहां डेविएट कर गया कहां गलती रह गई क्या हो गया अभी इसमें डेविएशन आ गई तो यहां पे आप दो टाइप्स पढ़ते हो एक आता है पॉजिटिव डेविएशन बेटा एक आता है बेटा पॉजिटिव डेविएशन और एक बेटा आता है नेगेटिव डेविएशन अच्छा यहां पे एक बच्चा बोल रहे दो बार एस लिख दिया ये जी कर लेना डेल्टा जी नेगेटिव है ठीक है थैंक यू चलो एक आता है पॉजिटिव डेविएशन एक आता है नेगेटिव डेविएशन एक आता है पॉजिटिव डेविएशन एक आता है नेगेटिव डेविएशन डन है क्लियर है चलो हो गया ठीक है चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेविएशंस को इन डिटेल भी पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है क्या होता है, क्या होता है? चलो इट्स ब्रेक टाइम एवरीबॉडी है ना तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ्स ब्रेक के बाद करेंगे इसके बाद पढ़ेंगे तो चलो इट्स ब्रेक टाइम एवरी वन खाना खा के प्लीज आ जाइएगा आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स का ब्रेक आई एम गोइंग टू स्टार्ट और एक और बात मैं बता दूं इसके बाद जो ब्रेक होगा वो मुश्किल से पांच मिनट का ही होगा उससे ज्यादा मैं ब्रेक नहीं दूंगी क्योंकि खाने के लिए आपको ऑलरेडी ब्रेक मिल रहा है खाने के लिए आपको ऑलरेडी ब्रेक मिल रहा है नो ब्रेक आफ्टर इट इसके बाद सिर्फ मुश्किल से पांच मिनट का जो ब्रेक मिलेगा सो मिलेगा खाना खा के आ जाइए सभी लोग आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स हम करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स एंड आफ्टर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब पांच मार्क्स का क्वेश्चन पक्का करना है तो बेटा प्लीज टाइम से आ जाना वरना मैं बता रही हूँ तुम सिर्फ एमसीक्यूज एमसीक्यूज तो छोटे क्वेश्चन ही कर पाओगे पांच मार्क्स का क्वेश्चन करना है तो बेटा प्लीज आ जाना ठीक है ट्वेंटी मिनट्स बाद ज्यादा टाइम मत लगाना कोई ना कोई चीज स्किप हो जाएगी ट्वेंटी मिनट्स के बाद प्लीज मिल जाना ठीक है नहीं नहीं इससे ज्यादा समय नहीं इससे ज्यादा समय नहीं ओनली ट्वेंटी मिनट्स चलो भाई पूरा चैप्टर अभी कॉलीगेटिव चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने एक तो तुम्हारी केस नंबर टू में कवर हो जाएगी बट तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है ठीक है तो इसीलिए चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स ट्वेंटी मिनट्स के ब्रेक के बाद चलो पार पार। देखना हेलो एवरीवन आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज एक बार इसे चैट सेक्शन में यस लिख दीजिए सो दैट आई कैन हैव एन आइडिया है ना आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार इसे चैट सेक्शन में यस लिख दीजिए भी यस मैम आवाज आ रही है ताकि हम क्लास को आगे प्रोसीड कर सकें है ना यस 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 मैम 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है चलो स्टार्ट करें रेडी हो भाई जी हाउ इज द जोश एवरी वन उतना ही हाई होना चाहिए जितना स्टार्टिंग में था खाना खा लिया है एनर्जी आ गई है वापस से आ जाइए अपने सेशन में है ना यस मैम यस मैम हाय वेरी गुड रेडी रेडी क्या बात है नींद आ रही है मैम जाके ना छीटे मार लो पानी की अपनी आंखों पे है ना लेकिन मेरे को जोश उतना ही हाई चाहिए जितना शुरू में था भाई है ना क्या बात है चलो स्टार्ट करने से पहले फिर से ब्रेक के बाद स्टार्ट करने से पहले कई बच्चे थक गए ना बहुत है ना थक गए है ना है ना कोई बात नहीं मैं समझ सकती हूँ बहुत मेहनत कर रहे हो पर इस मेहनत का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा जानते हो ना तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स आपके लिए ना कुछ प्यारी सी लाइंस है थकना नहीं थकना नहीं रुकना नहीं चलना अभी जरूरी है थकना नहीं रुकना नहीं चलना अभी जरूरी है। गिरकर 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 उठ, 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 उठकर उठकर चल, चल, संभलना अभी जरूरी है संभलना अभी जरूरी है नष्ट होकर भी कभी कभी नष्ट होकर भी कभी कभी होता निर्माण है कष्ट सह कर भी कभी कभी कष्ट सह कर भी कभी, कभी कभी अच्छा मिलता परिणाम है अच्छा मिलता परिणाम है जुड़ने के लिए कभी-कभी टूटना कभी भी जरूरी है चलना अभी जरूरी है चलना अभी जरूरी है थकना नहीं रुकना नहीं चलना अभी जरूरी है है ना चलो क्या बात है वेरी गुड वाह वाह क्या बात है 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 ना चलो करे स्टार्ट रेडी क्या बात वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड की पेट चलो जी अब देखो स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रही थी पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बेटा और नेगेटिव डेविएशन के बारे में है ना ज्यादा नहीं है थोड़ा बहुत ही रह गया टेंशन मत लो इंटरेस्टिंग पार्ट रह गया बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रह गया ठीक है <laughs> मामा भाई ना बोला करो ठीक है ओके जी हम नहीं बोलेंगे जी <laughs> चलो तो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी स्टूडेंट्स पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बारे में ठीक है मैंने आपको बोला था या तो वो आइडियल सोलूशन होगा या वो नॉन आइडियल होगा मतलब या तो वो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा बेटा या फिर वो नहीं करेगा अगर वो नहीं करेगा ना स्टूडेंट्स तो वो क्या कर सकता है तो वो या तो पॉजिटिवली डेविएट कर सकता है नहीं तो वो नेगेटिवली डेविएट कर सकता है अब पॉजिटिवली नेगेटिवली डेविएट मतलब कैसे कर सकता है मैम समझाओ थोड़ा सा है ना

इनिशियली इंट्रैक्शन होती है ना सोल्यूट सोल्यूट की या सोलवेंट सोल्वेंट की उनके कंपेरेटिवली ना बेटा बाद वाली इंट्रैक्शन वीकर हो जाएंगी तो वो आपका पॉजिटिव डेविएशन बना देगा क्या बना देगा मैम पॉजिटिव डेविएशन बना देगा है ना क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा नेगेटिव में क्या होगा आपकी जो ए बी इंट्रैक्शन होती है ना जो पाद में बनती है जो को मिला करके बन रही है, उनके बीच की है का मतलब यहां पर फोर्सेज है जी है ना तो अगर आप उनको मिला देते हो तो उनकी इंट्रैक्शन स्ट्रोंगर हो जाती है इंडिविजुअल वालों की समझ क्या समझ आई कहानी समझ आई अब वो सेम नहीं है है ना ठीक है सेम नहीं है तो या तो ज्यादा होगी या वीक होगी मतलब या तो स्ट्रॉन्ग होगी या वो वीक होगी ठीक है तो मैं वही बोल रही हूं भी अगर आपका सोल्यूट सॉल्वेंट की जो फाइनल इंटरेक्शन आती है बच्चों वो वीकर हो जाती है देन द दे इंडिविजुअल वाली तो पॉजिटिव है स्ट्रॉगर हो जाती है तो वो नेगेटिव है एग्जाम्पल याद करके जाना सीधा क्वेश्चन आएगा भाई एग्जाम्पल करके जाना करके जाना मतलब करके जाना हाँ छोटे मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं सब ठीक है तभी मैं बोल देती हूँ हाँ भाई बोलो ठीक है चलो 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 इधर आ जाओ मैंने क्या बोला समझ आ गई ना कहानी एग्जाम्पल्स देख लो भाई भाई बोलती मैं भाई 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 जो लेना आप ले सकते हो ठीक है तो एग्जाम्पल्स में देख लो कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का एग्जाम्पल बेटा पॉजिटिव डेविएशन आपको देगा और देखिए ध्यान से कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का मैंने इसमें स्टार लगवा देती जो बहुत बार ना पूछा गया है, देखा गया है है देखा पेपर्स में ताकि ना आपके दिमाग में रह जाए ठीक है कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी बताती आएगा भी एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड का अब ये इंपॉर्टेंट है एसीटोन बेंजीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड ये तीनों इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ये सब पॉजिटिव दिखाते हैं नेगेटिव कौन दिखाता है भाई क्लोरोफॉर्म एसिटोन क्लोरोफॉमी एच सी एल प्लस वाटर ये इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन और HNO3 और वाटर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है है ना मैम आज मेरा बर्थडे है हैप्पी बर्थडे मनीष गॉड ब्लेस यू बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहिए है ना चलो बेटा नोट्स आपको मिलेंगे है ना तो आप नोट्स सीधा वहां से देख सकते हो पीडीएफ से चलो अपना मैं समझाती हूँ पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ आपने अगर है पहले ना स्टूडेंट्स आपने बनाने बना बना लेना है सॉरी आपने बना लेना है पहले आइडियल वाले ग्राफ्स पहले आप लोग बनाएंगे मैम आइडियल वाले ग्राफ चलो आइडियल वाले ग्राफ फटफट -फट बनाएंगे यहां आता है वेपर प्रेशर यहाँ आता है मोल फ्रैक्शन यहां आता है वेपर प्रेशर यहां आता है मोल फ्रैक्शन पहले केस में मैंने आपको बोला था अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन वन बोलेंगे तो सोल्यूट का क्या होगा जीरो होगा क्यों बोला था मैंने ऐसा इसीलिए बोला था क्योंकि मोल मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंस प्लस अनदर इज टू बेटा है ना ये बोला था ठीक है इस स्टेट में मैंने बोला था मोल फ्रैक्शन ए का आप जीरो ले लेंगे ले ले और बी का क्या ले लेंगे वन ले लेंगे ले. ठीक है सेम सिचुएशन यहां लिख लेते हैं ए का वन मोल फ्रैक्शन बी का जीरो मोल फ्रैक्शन ए का जीरो और बी का स्टूडेंट्स वन हो जाएगा ध्यान से सुनना हो क्या रहा है एग्जैक्टली exactly करना क्या है यहाँ पे इस केस में अगर आप ध्यान दोगे तो मेरा कुछ ग्राफ ऐसे था पी नॉट ए यहाँ पे था पी नॉट बी सेम ग्राफ है मैं पहले बता चुकी हूँ इसीलिए रिपीट नहीं कर रही हूँ ये क्योंकि भाई पहले बता दिया है ठीक है ऐसे यहाँ पे अभी मैं सिर्फ आइडल का बना रही हूँ दोनों मैंने आइडियल के ही बना दिए अरे यार खराब लाइन से लो ठीक है ऐसे है, है ना और ये टोटल का हो गया ये आपके टोटल का हो गया ठीक है ये आइडियल का ग्राफ था ये आइडियल का ग्राफ था था मैम अब देखना पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन में ऐसे डेविएट कर जाएगा ये टोटल का ठीक है ऐसे इंडिविजुअल का ऐसे नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा ज्यादा तो ये पॉजिटिव डेविएशन में हो जाएगा ठीक है नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा भाई डिक्रीज हो जाएगा समझे कहानी समझे सभी लोग कहानी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की कहानी समझ आ गई सभी को समझ आ गई ना सभी को पॉजिटिव नेगेटिव कितना इजी है भाई बस पता है क्या करते हैं वो दोनों ग्राफ दे देंगे एग्जाम्पल दे देंगे कहेंगे इनको मैच करो इनके बारे में बताओ ठीक है चलो बढ़िया अच्छी बात है डन है हो गया मैम बहुत इजी था अच्छा अब, students, अब चलते हैं स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन पे इतनी देर से इंतजार हो रहा था जिस क्वेश्चन का वो आपके सामने है एनसीआर का बेटा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका रीड कर रही हूँ क्वेश्चन आप सभी के लिए कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द फॉलोइंग विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल भाई पॉजिटिव डेविएशन इनमें से कौन दिखाएगा राउल्स लॉ में से सोचिए जवाब दीजिए देखते हैं किसका सही होता है सोचिए जवाब दीजिए बताइए भाई किसका सही होगा ये जवाब किसका सही होगा ये क्वेश्चन देखते हैं पोल्स में तो सही सही जवाब सीधा सीधा हमें मिल ही गया है देख लेते हैं भाई आप लोग गलत कर रहे हो सोच समझ के जवाब दो पॉजिटिव डेविएशन बोला है अरे भाई पॉजिटिव डेविएशन बोला गया है जो आप लोग जवाब दे रहे हो ना मैं उसको एक हिंट आपको देती पर अभी पोल हिल होगी ना जो आप लोग जवाब दे रहे हो ना बेटा ये रहा देखो वो किसके अंदर है देख लो तुम लोग जो जवाब दे रहे हो वापस आती हूँ क्वेश्चन पे हाँ जी तो आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए ए आंसर हो जाएगा जो आपको पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है थर्टी परसेंट मैंने बोला ना तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो एग्जाम्पल तो भाई लिखवाए थे अभी अभी लिखवाए थे है ना ठीक है क्लियर हो गया चलो तो फर्स्ट और एसिटिव हो जाएंगे ठीक है क्लियर है सीधा मैंने बोला था एग्जाम्पल बेस जिस पे पूछा जाता है इससे ज्यादा वो आपको कंफ्यूज करेगा ही नहीं अब हम पढ़ने जा रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में किसके बारे में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में अब ये ना तुमने अगर पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लिया तो वही है ऑलमोस्ट बस उसे रिलेट करना है कैसे देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझना ये बाइनरी कंपोनेंट होता है अब बाइनरी कंपोनेंट क्या था बाइनरी क्या था जब आपका सोल्यूट भी एक है सोलवेंट भी एक है जब आपका क्या था मैम बाइनरी मिक्सचर है तो हम कह देते हैं भी सोल्यूट और सॉल्वेंट कितने हैं सोलूट और सॉल्वेंट मैम हमारे वन है तो दोनों को ऐड करेंगे तो टू बन जाएगा है ना बस यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है भी ये दोनों ना सेम टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं

पॉजिटिव डेविएशन वाले बनाते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियो मिनिमम बॉइलिंग एस बनाते हैं पॉजिटिव वाले अगर आपको एक छोटी सी चीज मैं याद कराऊं तो पॉजिटिव डेविएशन में मैंने बोला था एबी के जो बॉन्ड्स हैं वो वीक है बेटा एबी के जो बॉन्ड्स है वो वीक है वीक है तो आप इसको कम बॉइलिंग पॉइंट भी दोगे कम बॉइलिंग पॉइंट भी दोगे है ना तो भी ये क्या क्या करेगा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो यानी कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ पॉजिटिव डेविएशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ अब देखो यहां ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा यानी कि स्ट्रॉगर इंट्रेक्शन के लिए आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप चाहिए तो वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे इसको इस तरीके से समझना है जहां ज्यादा बॉन्डिंग है बेटा वहां ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है मतलब कि ज्यादा बॉन्डिंग ज्यादा किसमें थी नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रॉगर इंट्रैक्शन थी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए इसीलिए नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वाले होंगे वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन बनाएंगे डन है ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो हो जाएगा अब जितने एग्जाम्पल तुमने पॉजिटिव डेविएशन के पढ़े हैं वो मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप ड्रॉप में डालोगे जितने एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन के पढ़े हैं वो तो मैक्सिमम बॉइलिंग एसजीओ ड्रॉप में डालोगे ठीक है चलो इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है रेक्टिफाइड जो कि इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर होता है ठीक है लिख लो इसको लिख लो इसको अब आता है हमारा हाँ, अब आता है हमारा एजट्रॉपिक मिक्सचर विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा सीधी सी बात है वो नेगेटिव डिवीशन दिखाएगा क्यों नेगेटिव डिवीशन में स्ट्रॉगर इंट्रेक्शन थी अरे भाई स्ट्रॉन्गर इंट्रेक्शन है तो, तो तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देना पड़ेगा ना मैक्सिमम देना पड़ेगा ना सीधी सी बात है समझ नहीं आया समझ नहीं आया समझोगे तो समझ आएगा ना मैं बोल रही हूँ ज्यादा इंट्रेक्शन है बॉन्ड स्ट्रॉग है ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा तभी टूटेगा ना वो ज्यादा दोगे तभी टूटेगा ना वो तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज्यू ट्रॉप किस में होगा जिसमें बॉन्ड्स का होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे स्ट्रॉन्ग में सिंपल सी बात है ठीक है

देखते हैं भाई किसका सही होता है किसका गलत होता है लेट्स फोर्टी फाइव सेकेंड्स का टाइम स्टूडेंट्स खत्म होने जा रहा है पोल को क्या हुआ पोल जी चलो जी पोल जी रुक गए हैं पोल जी को पता नहीं क्या हो जाता है सॉरी फॉर द डिले कॉज एवरीबडी पोल को पता नहीं क्या हो गया है पोल हो गई है रुक गई है पोल का आंसर बी है और सेवेंटी नाइन परसेंट क्या बात है तालियां हो जाए भाई एक एक बारी आप सभी के लिए है ना तो ये स्टूडेंट्स है आइए तो आंसर होगा भी जो पहला वाला है वो राउट स्लो को फॉलो करता है कैसे फॉलो करता है अगर आप देखोगे ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन दोनों के केसेस में जो इनिशियल इनकी इंट्रैक्शन थी और जो बाद में सोल्यूशन बनने के बाद इंट्रेक्शन थी वो सेम थी तो वो राउट स्लो को फॉलो करता है इसलिए सीधा सीधा आंसर हमारा ये करेक्ट होगा पहली बात तो सेकेंड और थर्ड राउट स्लो को फॉलो ही नहीं करते क्योंकि वो स्ट्रांगर और वीकर इंट्रेक्शन की बात कर रहे हैं तो डेविएशन ही है अब उसके बाद सेकंड कहता है नेगेटिव डेविएशन दिखाता है अरे नहीं भाई सेकंड नेगेटिव थोड़ी दिखाता है इथेन और एसीटोन तो पॉजिटिव दिखाएंगे थर्ड वाली अभी आपने देखा था ये नेगेटिव दिखाती है जब आपको बता रही थी तो इसने लिखा पॉजिटिव दिखा दिया तो गलत हो गया तो बी ऑप्शन आपका सीधा सीधा सही हो जाएगा ठीक है डन है

मिनिमम बॉइलिंग की बात की है मिनिमम की भाई मिनिमम की बात की है बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए बताइए क्या आंसर आएगा बताइए बताइए क्या लगता है क्या जवाब होगा मिनिमम बॉइल अच्छा जिसने जवाब दे दिया वो मुझे बताओ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है वो कौन दिखाते हैं जिसने जवाब दे दिया बताओ बताओ फटाफट टाइम नहीं लगाना बताओ भाई बताओ बताओ बताओ, बताओ. पॉजिटिव दिखाते हैं अच्छा तो मुझे बताओ पॉजिटिव में बॉन्ड कैसा होता है ए बी का पॉजिटिव में बॉन्ड कैसा होता है ए बी का ए बी का बॉन्ड बताओ भाई ए बी का बॉन्ड वीक होता है मैम वीक होता है वीक होता है वीक होता है वीकर बॉन्ड है वीकर बॉन्ड है वीक है वीक है वीकर है weak है वीक क्या बात है तो वीकर होता है तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं हो जाएगा सीधी सी बात है फिफ्टी नाइन परसेंटेज क्लास का सही है ठीक है तो ये स्टूडेंट है जिनका सही है आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हुए एनसीआरटी का ही अगला क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है

अब हम शुरू करने जा रहे हैं द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज एवरी रेडी फॉर द टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या सब लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए रेडी हैं बोलिए तैयार है यस मैम यस मैम रेडी हैं रेडी हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहली बात तो समझते हैं होती क्या है

रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दोल्यूशन इन प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं हैं अब कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैम हमने पढ़नी है तो देखो ध्यान से भाई चार प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पढ़नी है पहली आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो तुमने पढ़ लिया है बस इक्वेशन बनानी बाकी है जो तो तुमने केस नंबर टू नहीं किया था वही वाला है ठीक है तो पहली आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर relative लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आती है second बेटा colligative प्रॉपर्टी जो आती है वो क्या आती है बताओ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आती है थर्ड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी वो होगी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट कौन सी है ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आप सब ने पढ़नी है क्या कंडीशंस होती है वॉट आदि कंडीशन भी हम कह सकते हैं भी कोई भी कोई कंपाउंड इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कर सकता है तो कोई भी सोल्यूशन कर सकता है पहली बात सोल्यूशन शुड बी डायल्यूट सोल्यूशन को डायल्यूट होना चाहिए तभी आप इसे अप्लाई कर पाओगे दूसरी स्टेट सोल्यूट जो यहाँ पे आप लोगे बेटा वो नॉन वॉलेटाइल लोगे सोल्यूट यहाँ पे अगर नॉन वॉलेटाइल है तभी इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप लगा सकते हो डन है सॉर्टेड है मैम क्लास कब तक खत्म होगा मैम क्लास कब तक खत्म होगा एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे हैं है ना तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद एब मोलर मास है देन आफ्टर दिस चैप्टर इज खत्म ठीक है चलो मैं नहीं थक रही हूँ तुम लोग कैसे थक रहे हो ऐसे तो मत करो ना थोड़ा तो कॉपरेट करो ना चलो अब आ गया क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर एट है मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या, क्या कहता है क्या कहता है कहता है, है? है प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी भाई इतना इजी क्वेश्चन है भाई और ये आता है भाई ऐसा क्वेश्चन इजी होने के बावजूद यह क्वेश्चन आता है ईज़ी होने के बावजूद ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है बताओ बताइए सोचो क्या आएगा जवाब भाई चलो जी टाइमर जी खत्म हो गए हैं बताते हैं इसका क्या जवाब होगा लेट्स सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट चलो चलो भाई पोल चलो पोल भी रुक जाती है बी आएगा

जाग जाओ, तो जाओ मतलब जो सो रहा होगा ना वो भी सोचेगा अरे मैम को एकदम से क्या होगा जाग जाओ जाग 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 जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग mm -hmm。जाओ, जाओ, 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 जाओ। शुक्र है ठीक है बढ़िया ये हुई ना बात ऐसे होता ना वेरी गुड अच्छा अब मेरी बात सुनो सोल्यूशन कैसे बनता था अब ये तो चीज तुमने पढ़ी हुई है तो इसको फटफट करेंगे ये तो किया हुआ तो ऐसे हो जाएगा देखना पता भी नहीं चलेगा अच्छा ठीक है जोश वेरी हाई ओके 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 चलो देखो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास है जी सॉल्वेंट यहाँ पे हमारे पास है जी सोल्यूट क्या बनेगा इनको जोड़ करके सोल्यूशन बनेगा मैम इतना हम कितनी बार पढ़ चुके हैं इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होना चाहिए नहीं है मैम बिल्कुल नहीं है वेरी गुड अब देखो सॉल्वेंट को मैं ए लेट करके चल रही हूँ ठीक है तो ये मेरे सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं ए वाले मेरे सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं ठीक है सॉल्यूट को मैं बी लेट करके चल रही हूँ तो ये मेरे इसके सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं, सॉर्टेड है अब हो क्या रहा है हो क्या रहा है दोनों को आपने जोड़ दिया सोल्यूशन बन गया ठीक है क्या हुआ ए बी ए बी ए देखना ध्यान से देखना देव मैंने क्या बोला था कंडीशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तुम्हारा सोल्यूट अब इस बारी नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए उसको नॉन वॉलेटाइल कर दिया हमने सोल्यूट को फिर से अगर बेटा ये इन नेचर है तो क्या ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा नहीं करेगा लेकिन वो तो वॉलेटाइल है वो तो वॉलेटाइल है ना ये करेगा तो ये पी नॉट ए करेगा ये नहीं करेगा अब देखो ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन का प्रेशर पी एस है जो कि पी ए और पीबी के इक्वल है पी ए पी बी के इनके पार्शल प्रेशर यानी कि पी ए क्या है वो प्रेशर जो ए पार्टिकल सोल्यूशन में एग्जर्ट कर रहे हैं और पी बी क्या है वो प्रेशर जो बी पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर एग्जर्ट कर रहे हैं है ना अब क्या होगा भाई बी तो नहीं कर रहा ना क्योंकि तो वो नॉन वॉलेटाइल है तो ए ही करेगा तो पी ए करेगा मतलब ये तो जीरो है मतलब मैम आपने बोला पी एस किसके इक्वल है पी ए के मतलब किसके इक्वल है पी नॉट ए एक्स ए के समझो यहां से आपका स्टार्ट होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नाम क्या बोल रहा है नाम पढ़ो रिलेटिव लोअरिंग रिलेटिव हटा दो नाम क्या अब क्या बोल रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या यहां पे लोअरिंग हो रही है हो रही है कम हो रहा है ना वेपर प्रेशर हो रहा है या नहीं हो रहा है पहले यहाँ पे मैम एक दो तीन चार पांच मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे थे अब मैम कितने लगा रहे हैं एक दो तीन लगा रहे हैं प्रेशर लो हो गया हुआ कि नहीं हुआ हो गया तो क्या होगा मेरा लोअरिंग क्या होगा अगर आपसे मैं पूछ लू भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है बेटा तो आप क्या बोलोगे मैम फाइनल पी है, माइनस मतलब इनिशियली था ये ज्यादा है ना इससे कितना कम हो गया कितना कम हुआ लोअरिंग ना कम हो गया ना बेचारा कितना कम हुआ तो, तो आप सब इसको से या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो पी नॉट ए माइनस समझे तो अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ध्यान से सुनना जाग जाओ जो सो रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछेगा तो ये करके आना है अब रेलिटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछेगा तो क्या होगा रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है पहले के मुताबिक अब कितना लो हो गया पहले के मुताबिक कितना लो हो गया ठीक है तो अब रिलेटिव लोअरिंग को मैं सीधा लिख रही हूं आरएलवीपी दर ये कितना होगा ये होगा लोअरिंग डिवाइडेड बाय आपने इनिशियल कितना लिया था पी नॉट ए समझे कहानी के नहीं समझे समझे कहानी के नहीं समझे बताओ भाई बोलो बोलो ठीक है समझ गए हाँ जी सीवीटी के लिए भी देख सकते हो रेलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैंने बोला था सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है तो ये ना स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के तो ये आपका फॉर्मूला आ गया रेलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का और ऊपर वाला आ गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ठीक है डन है डन है लिख लो भाई इसको इसको लिख लो इसको लिख लो <laughs> इसको लिख लो डन है हो गया भाई पहली क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पहली थी ये पहली समझ रहे हो इजी हो गया ना काम बोलो चलो क्या निकाला है लोअरिंग का फॉर्मूला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल लिया जी कितना निकाल लिया पी नॉट ए माइनस पी ए निकाल लिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का है पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए बेटा इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जिसको आप खोल के ऐसे भी लिख सकते हो सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बी का मतलब सोल्यूट है हाय इज द जोश मैम हाई बेटा तो ये बी के मोल्स का मतलब सोल्यूट ठीक है सोल्यूट है डन है अच्छा अब आप लिख सकते हो फॉर वेरी वेरी डायल्यूट सोल्यूशन मान लो बहुत डायल्यूट है तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में मोल्स देखने को मिल रहे हैं ना बी के आप उसको निगलेक्ट भी कर सकते हो तो आपका ये जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूला को पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए क्योंकि फिर ये निगलेक्ट हो जाएगा नीचे वाला ठीक है डन है हो गया वेपर प्रेशर सभी को भाई हो गया तो बता दो हो गया तो बता दो क्रिस्टल क्लियर है सभी को अरे क्या बात है वेरी गुड अच्छा एक ना चीज मैं आपको बता देती हूँ मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में एक ये चीज ऐड कर लेना बेटा ये ना जब हम वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे उसमें ऐड कर लेना मतलब आफ्टर आइडियल सोल्यूशन कर लेना मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होता है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होता है तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ना ना आप तब न, x x से भी नहीं लिखते जीटा जीटा भी भी नहीं लिखते लिखते हो वाई वाई भी लिखते हो वाई y, ए y हो। क्या होता है पार्शल प्रेशर ऑफ ए बाई टोटल प्रेशर और ये क्या होता है पार्शल प्रेशर ऑफ बी बाई टोटल प्रेशर ये होता है मोल फ्रैक्शन इन आपका वेपर फेज और ये किस बेसिस पे मैंने बताया ये डेल्टन लॉ के बेसिस पे बता दिया ये वेपर फेज की बात की अभी वेपर फेज में अगर आपसे पूछ ले तो वेपर फेज में आपसे पूछ ले बेटा तो हो गए ठीक है अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि होती है अरे उस पे जाने से पहले हमारे पास क्वेश्चन आ गया सीबीएसई का जो पिछले साल आया था सीबीएसई का क्वेश्चन आ गया है जो पिछले बार आया था आइए उसको देखते हैं तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन आया था 2023 में पेपर में तीन मार्क्स में आया क्वेश्चन देखो ये मैंने पहले लिख दिया मैंने आपको लिख दिया अभी कैसे आपने सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में वो कहता है डिफरेंस बताओ बिटवीन आइडल नॉन आइडल सभी बता देंगे ये तो कर लोगे डिफरेंस आइडल नॉन आइडल का ग्राफ भी बना के आना एग्जांपल भी लिख के आना कर लोगे कर लोगे पहला हो जाएगा ना पार्ट ए पार्ट हो जाएगा ना आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन वाला कर लेंगे ना सभी लोग इजी है ना भाई चलो अब पार्ट क्या कहता है? थर्टी ग्राम यूरिया का सॉरी ये जो सीबीएसई uh, में दिया में क्वेश्चन से रिलेटेड है सिर्फ वैल्यूज अलग है सेम क्वेश्चन है बेटा सेम बस वैल्यूज अलग है वैल्यूज अलग है ठीक है हां जी अब देखो क्या कहता है थर्टी ग्राम ऑफ यूरिया सिक्स ग्राम ऑफ वॉटर

मॉलिकुलर मास यूरिया का क्या होगा बताओ एनएच टू सी एन एच टू करो कैलकुलेट कितना आएगा टू इंटू नाइट्रोजन का मास प्लस फोर इंटू हाइड्रोजन का मास वन इंटू कार्बन का मास प्लस वन इंटू ऑक्सीजन का मास सो टू इंटू फोर्टीन प्लस फोर प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी एट प्लस फोर प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी और ये फोर्टी सिक्सटी हो जाएगा क्या बात है वेरी गुड सिक्सटी ग्राम्स अच्छा वाटर का मॉलिकुलर मास मैम एटीन ग्राम्स इतनी कहानी लिख ली तो क्या सोल्यूशन करने में टाइम लगेगा बताओ आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का बताइए आपको क्या लिखता है क्या आंसर आना चाहिए मैम अरे भाई सोचो 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 क्या जवाब लोगे क्या जवाब दोगे इस क्वेश्चन का अह, क्या पूछता है वो हमसे क्या निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दोल्यूशन

बी क्या है यूरिया है इसके मोल्स निकाल लेते हैं गिवन मास कितना है थर्टी मोलिकुलर मास कितना है सिक्सटी वन 2 टू हो गया वाटर का गिवन मास है एट फोर्टी सिक्स मोलिकुलर मास है एटीन एटीन है ना टू के टेबल पे कर देते हैं इसको फोर ट्वेंटी थ्री है ना हम्म <coughs> ठीक hmm, है तो ये फोर ट्वेंटी थ्री बाय नाइन आ जाएगा इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा थ्री पॉइंट समथिंग है ना नहीं थ्री पॉइंट समथिंग नहीं आएगा ये आएगा ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा थ्री थर्टी फोर पॉइंट समथिंग आ जाएगा है ना ठीक है अब अब देखो नेक्स्ट अब स्टेप में तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे क्या वैल्यू आ रही है पीए की बताओ क्या वैल्यू आ रही है पीए की फोर्टी सेवन आएगा एक सेकेंड को चेक करना दो ठीक hmm, है एट फोर्टी सिक्स हाँ ठीक है फोर्टी सेवन आएगा बेटा ठीक है इसको डिवाइड करोगे फोर्टी सेवन आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो पीए की वैल्यू क्या आ रही है बताओ टू थ्री पॉइंटिंग ट्वेंटी तो नहीं आ रही टू थ्री पॉइंट फोर हाँ ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर अप्रोक्स आ रही है, है पीए की वैल्यू ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर आ रही है अरे सॉरी मैं तो आपके साथ साथ तो कैलकुलेट कर रही हूँ है ना और मैं तो ओरली कैलकुलेट कर रही थी ठीक है ये मैंने चेक कर लिया है हांजी फोर्टी सेवन ही आएगा उसका ठीक है अच्छा इस पेज पे भी सही कर लेना अरे बाप रे, लो, ठीक है? चलो भाई हो गया डन है का हो जाएगा क्या समझ नहीं आया बेटा सीधा क्वेश्चन लगाना है क्या समझ नहीं आया मुझे समझ नहीं आया तुम्हें समझ क्या नहीं आया ये तो सीधा फॉर्मूला लगाना है इसमें तो कुछ करना ही नहीं था चलो अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझा देते हैं चलिए अगले में चलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट चलिए देखिए ध्यान से समझना मैं आपको अब बताने जा रही हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लेने वाली हूँ आपका प्रेशर यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी आपके टेम्परेचर की यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की ठीक है तो अब आपको एक फैक्टर याद है मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर क्या सभी को ये स्टेटमेंट याद है बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर

बोलो भाई मैम पोलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा अभी पोलिंग वाला कुछ है नहीं है पोलिंग वाला कोई सीन हम कर ही नहीं रहे हैं कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है है ना ठीक है अब मेरी बात सुनना इनिशियली मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट, इनिशियली क्या प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट, है ना ठीक है अब यहाँ पे मैं जो आपको ड्रॉ कर रही हूँ वो वेपर प्रेशर के रिगार्ड में कर रही हूँ ना ये, अभी मैं देखना। ये मेरी वेपर प्रेशर की कव है सोल्यूशन तो का वेपर प्रेशर मैम था? कम ना था? सोल्यूशन का, का वेपर प्रेशर कम था तो सोलूशन की ये कर्व हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी अब मान लो अगर मैं बोलती बेटा वन बार प्रेशर पर वन बार प्रेशर पर जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है इस सॉल्वेंट का सॉल्वेंट का जो प्योर फॉर्म में है वो टीबी मतलब प्योर का है प्योर का है है ना और अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं ऐसे-ऐसे करके तो ये मेरा किसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया सल्यूशन का टीबी आ गया मैंने क्या कहा था मैंने कहा था वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा था सॉल्यूशन से वो मैंने इस ग्राफिकल लाइन से दिखा दिया फिर मैंने बोला वेपर प्रेशर बॉइलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई अगर सोल्यूट सॉरी प्रेशर ज्यादा तो एक सेकेंड देखो कम नहीं हो गया सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा सोल्यूशन का ज्यादा 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 समझ आ गई है बोलो बोलो भाई समझ आई कहानी थोड़ा आराम से बोलो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाती हूँ मुझे लगता है अरे टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है।, है ना तो मुझे खुशी होती है तो मैं और तेज बोलती हूँ ठीक है समझ आ गया मैम यस yes, यही चाहिए था मुझे बढ़िया अच्छा अब देखो अब ना इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे डेल्टा टी बी बोलते हैं पहले ना चीजें लिख लो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो है ना तो टी बी क्या होगा मैम टी बी होगा बॉइलिंग पॉइंट किसका देखो ये लाइन किसकी है सोल्यूशन की मैम ये लाइन किसकी है सोल्यूशन की तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का अच्छा टी बी नॉट किसका होगा ये टी बी नॉट की किसकी है ये सोलवेंट की किसकी सॉल्वेंट की तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है प्योर सॉल्वेंट का जब मैंने इसमें सॉल्यूट डाला ही नहीं तो देखो खुद देखो टीबी की वैल्यू ज्यादा इसका मतलब ये चीज भी प्रूव हो गई ये चीज भी प्रूव हो गई है है ना अब देखो डेल्टा टीबी क्या होता है चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल क्या है मैम टीबी माइनस क्या होगा टीबी नॉट तो ये आपका एक फार्मूला आ गया है यहां से एलिवेशन का मतलब क्या होता है अब ना इस पे आते हैं अपन ठीक है टॉपिक के नेम पे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट एलिवेशन एलिवेटर क्या होता है बढ़ना ऊपर जाना तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज्यादा हो गया जबकि वेपर प्रेशर कम था तो एलिवेट हो गया ना बॉइलिंग पॉइंट समझ गए क्या बात है वेरी गुड तो बढ़ गया ना देखो सोल्यूशन का इतना ड्रॉ कर लो फिर इसके रिगार्ड में जो और फॉर्मूला है वो बता देती हूं इतना कर लो चलो क्या बात है वेरी गुड अब देखना ठीक है अब देखिए यहां पे मैंने आपको बोला डेल्टा टी बी जो है क्या आया टी बी माइनस टी बी नॉट क्या आया एक और बात बताती हूँ जो डेल्टा टी बी होता है यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि एलिवेशन इन आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा ये मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके मोलैलिटी के ठीक है और आप जब इस मोलैलिटी के साइन को हटाओगे ना है ना मोलालिटी के साइन को हटाओगे ना तो वो कितना आ जाएगा के बी इंटू एम आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका के बी इंटू आपका एम आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका के बी इंटू एम आ जाएगा अच्छा पिछले क्वेश्चन में आंसर वो ट्वेंटी थ्री पॉइंट आप फिर भी चेक कर सकते हो आंसर लास्ट में फॉर्मूला वही लगेगा आ, राउंड ऑफ पे थोड़ा बहुत हो थो सकता है ऊपर नीचे ठीक है अब यहाँ डेल्टा टीबी क्या है आपका के बी इंटू एम के बी क्या होता है के बी होता है एल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट ठीक है या फिर इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बेटा बोलते हैं तो मोलालिटी मैंने आपको इन डेप्थ बता दी थी ना मोलालिटी इन डेप्थ बता दी थी ना तो इससे आप एक नया फॉर्मूला भी बना सकते हो डेल्टा टीबी मैम इज इक्विवेलेंट टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन और ये भी मैं आपको बता चुकी हूं किसके इक्वल होता है टीबी माइनस टीबी नॉट के तो ये एक आपका पूरा का पूरा हो गया ठीक है सॉटे दाने ठीक है चलो अब ना आपके पास एक क्वेश्चन आता है चलो एक ये कर लेते हैं एनसीआरटी का एग्जाम्पल वन पॉइंट सेवन है ट्राई करके देखिए एनसीआरटी का एग्जाम्पल वन पॉइंट सेवन है ट्राई करके देखो सभी लोग अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है यहाँ पे जो वाटर बॉयल होता है वन पॉइंट जीरो वन थ्री बार प्रेशर पे वो थ्री सेवेंटी थ्री केलवेल लेना है ठीक है जो वन पॉइंट जीरो वन बार प्रेशर पे आता है थ्री सेवेंटी थ्री केलवेल लेना है मैम सेशन कब तक चलेगा सेशन बेटा इसके बाद अभी देखो दो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रही है दो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है फिव एंटा फैक्टर है हाँ जी एग्जैक्टली exactly, याशीन यस भावेश कुमार सिंह बिल्कुल अब मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा मैं आपको तरीका बता देती हूँ कैसे करना है ठीक है कैलकुलेशन आप इसकी एक बार खुद से कर लीजिएगा यहां पर आपको पता है कि डेल्टा टी बी किसके इक्वलेंट होता है के बी इंटू मोलालिटी के बी के। के की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव टू तो गिवन है मोलालिटी की वैल्यू की अगर मैं बात करती हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स है जो कि क्या है एटीन बाय अगर आप इसका देखोगे तो ये वन एटी ग्राम आ जाएगा ना सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स है ना ठीक है बाय अगर आप देखोगे तो कितना मास है केजी में वन है ठीक है तो ये आपका डेल्टा टीबी आ गया बेटा क्या आ गया डेल्टा टीबी आ गया तो वो बोलता है किस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करेगा यह क्वेश्चन में किस टेम्परेचर पर वो बॉयल करेगा है ना तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे यहाँ से डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू आ जाएगी आप इसको कैलकुलेट कुछ से कर लेना क्योंकि अभी हमारा बाकी का पार्ट पढ़ा है इसलिए डायरेक्ट मैंने आंसर यहाँ लिख दिया है डेल्टा टीबी आ जाएगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जो आपका टीबी नॉट है प्योर का ठीक है जी बॉइलिंग थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव है तो जब आप उसको ठीक है आपने निकालना क्या है आपने निकालना क्या है भी वाटर कितने पे बॉइल करेगा है ना तो आपको पता है आपका यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है इसको इधर ले जाओ तो टीबी आ जाएगा ना इसकी वैल्यू मैंने थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव दे दी उसकी वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव टू आपके आगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट टू जीरो आ जाएगा दोनों को ऐड कर दोगे थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट टू जीरो समथिंग अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी ठीक है ना समझ गए हाँ टू जीरो टू विवेक साक्षी वेरी गुड ठीक है इस तरीके से इसको करना है सॉल्व डन है बढ़िया चलो अगले पार्ट पे चलते हुए अब मेरे पास आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बेटा अब हम करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी कुछ सिमिलर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही, छोटा सा ही टॉपिक है जैसे पिछले वाला था ध्यान से देखना यहाँ पर आ, सबसे पहली बात तो मैं ग्राफिकल से स्टार्ट करती हूँ इसको फिर रीड करवाती हूँ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कोई मुझे बता सकता है फ्रीजिंग क्या होती है क्या होती है फ्रीजिंग कौन बताएगा क्या होती है फ्रीजिंग जब सॉलिड जब लिक्विड स्टेट सॉलिड में कन्वर्ट होता है यही होता है ना अरे बोलो भाई मैम नींद आ रही है नींद आ रही है तो आंखों पे प्लीज पानी डालइए और बैठ जाइए क्योंकि हम टॉपिक कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला हम्म चलो अब देखो ये आपकी सॉलिड की कर्व है ये आपकी लिक्विड की ये ऐसे है सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये जो मैं आपका ले रही हूं ये solvent, अरे रुको सॉल्वेंट ले रही हूं ध्यान देना पिछले केस में सिंगल कर्व थी बॉइलिंग की ये जो है ना ये हम वाटर के रिगार्ड में फेस डायग्राम्स बनाते हैं उस बेसिस पे कर्व्स आई है अब फेस डायग्राम बी बीएससी एमएससी लेवल पे पढ़ोगे तो इतना डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ ठीक है तो यहां पे आप सिंपल इतना समझ सकते हो जब लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगी तो वहां पे फ्रीजिंग होता है इसलिए इन दोनों को यहां शो कर रहे हैं ये किसका है सॉल्वेंट का है तो ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पे इस बेसिकली फ्रीजिंग होगी इन अदर वर्ड्स तो ये मेरा सॉल्वेंट का है तो ये मेरा क्या हो जाएगा टी एफ नॉट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा मेरा सॉल्वेंट का हो जाएगा अब बात समझना अब क्या होगा जैसे मैंने इसमें सॉल्यूट डाला सॉल्यूट डाला तो आपको पता है मैं यहां पे वेपर प्रेशर ही ले रही हूं वेपर प्रेशर कम होगा ना सोल्यूट डालने के बाद सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जाता है वो कम आता है अब ये फिर से लिक्विड स्टेट में जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो ये इसकी लाइन होगी ये किसकी होगी ये टी एफ की होगी किसकी होगी टीएफ की होगी हो यानी कि ये किसकी होगी सोल्यूशन की होगी सोल्यूशन हो का वेपर प्रेशर कम होता है इसलिए इसको नीचे बनाया जिस पॉइंट पे इसको कट कर रहा है मतलब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है वो क्या होगा वो क्या होगा उसका

कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट घट गया फ्रीजिंग पॉइंट प्योर से कम हो गया सोल्यूशन का घट गया सिंपल सी बात है इजी सी बात है टीएफ क्या आएगा मैम ये आएगा टीएफ नॉट डेल्टा टीएफ आएगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ समझ रहे हो चलो भैया ठीक है समझ रहे हो लिक्विड को सॉलिड में करेंगे इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये सॉल्वेंट का होगा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो कर्व नीचे है ये यहाँ कट कर रहा है तो ये टी एफ होगा तो यहां से ये पता चलता है भी टी एफ नॉट जो है वो टी एफ से ज्यादा है है ना टी एफ नॉट जो है वो टी एफ से ज्यादा है अब एक चीज यहां देखना जो डेल्टा टीएफ होता है वो इक्विवेलेंट होता है केएफ इनटू मोलालिटी की। क्यों क्योंकि कहानी वही है भी डेल्टा टीएफ भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइन हटाओगे तो केएफ आएगा केएफ को क्या बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कांस्टेंट कहते कहते हैं या भी कहते हैं या क्रायोस्कोपिक भी मैम रिपीट कर दीजिए देखो ध्यान से मैंने बोला जब आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट होता तो इस पे हो रहा है ना तब आपने पहले सिर्फ सॉल्वेंट लिया था तो ये करवाई जो कि टी एफ नॉट हुआ प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट हुआ फिर आपको पता सोल्यूशन वेपर प्रेशर का सोल्यूशन कम होता तो उसकी कर्व नीचे बनाई अब ये इसको यहाँ कट कर रही है तो ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हुआ देखो ये ज्यादा है इससे तो आपके पास आ गया ठीक है अब देखो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है के के बारे में एक बार इसको रीड कर लेते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन मोलर ऑफ नॉन इज के एफ जिसको हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं मोलल है क्योंकि मोलालिटी से रिलेटेड हो गया ना यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ सोल्वेंट बट नॉट ऑन सोल्यूट इन द सल्यूशन याद रखना ठीक है ना बढ़िया इसको लिख लो भाई इसको सभी लोग लिख लो ये हमारी थर्ड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी थी आप लोगों के लिए छोटा सा मेरे से सवाल है जो मैं चाहती हूँ आप लोग उसका जवाब दें और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो मैं उसमें कोशिश करूंगी मैं आपसे पूछ लू जो होमवर्क क्वेश्चन दिया ताकि ना आप लोगों को भी लगे भी हाँ क्वेश्चंस जो होमवर्क के लिए आज आपको मिल रहे हैं अगले लेक्चर के एंड में लास्ट के दस से पंद्रह मिनट हम क्वेश्चन वो डिस्कस भी कर लेंगे ठीक है तो एक होमवर्क क्वेश्चन मेरी तरफ से है स्टूडेंट्स आप सभी के लिए आप लोगों ने मुझे यूनिट बताना है ऑफ के एफ एंड के बी का ट्राई करना खुद से ट्राई करने को कह रही हूँ नहीं होगा तो मैं बता दूंगी ठीक है जी चलो अब ये हो गया हमारा डिप्रेशन वा, फ्रीजिंग वाला चलो ये बताओ चलो बता दो भाई एक क्वेश्चन करो एनसीआरटी एग्जाम्पल वन पॉइंट नाइन का वन पॉइंट नाइन है करिए ट्राई कीजिए वाला एनसीआर टी एग्जाम्पल वन पॉइंट नाइन ट्राई कीजिए सभी लोग आराम से मैं आपको तरीका बता देती हूं कैसे करना है तरीका बता देती हूं तो देखो यहां पे सेम उसी तरीके से करना है डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है के बी इंटू मोलैलिटी के इक्वल होता है, है ना और के बी की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन नहीं आएगा हाँ के एफ की वैल्यू प्लीज सॉरी केएफ आएगा एक पहली बात तो के एफ की वैल्यू यहाँ लिख लेना वन पॉइंट एट सिक्स गिवन है ठीक हैिवन है बेटा लिख लेना ठीक है वन पॉइंट एट सिक्स इंटू मोलैलिटी आपको होता है नंबर ऑफ मूल्स ऑफ सल्यूट बाई मासका सॉल्वेंट का के जी में लेना है तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है इसको 600 ग्राम्स ग्राम लिखा है आपने के जी में करना तो थाउजेंड से डिवाइड कर लेना नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास गिवन है, मॉलिकुलर मास ही रहा है, तो डेल्टा टी भी निकाल सकते हो यानी कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ निकाल लोगे उसके बाद आपने सोल्यूशन का निकालना है तो क्या करोगे सोल्यूशन का निकालना है तो क्या करोगे कौन बताएगा 273.15 से उसको माइनस कर दोगे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसमें से उसको माइनस कर दोगे कर लेंगे कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन भाई ये तरीका और पिछले वाले का तरीका सेम है आपको मैंने तरीका बताया कैलकुलेट तो आप कर लोगे ठीक है किसी से नहीं होता तो आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर अदरवाइज वैसे हो जाना चाहिए कैलकुलेटिवली बहुत इजी है है ना चलो अब आती है फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा नो ब्रेक राइट नाउ नो ब्रेक अभी कोई ब्रेक नहीं है अभी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिफ्यूजन लेट स्टडी डिफ्यूजन पहले तो ऑस्मोसिस को समझने से भी पहले आप डिफ्यूजन को समझिए इसको समझने के लिए यहां पे मैं ले रही हूँ सी वन यहाँ पे मैं ले रही हूँ सी टू और यहां पे मैं लगा रही हूं एक मेमब्रेन यहां पे हमने क्या किया एक मेमब्रेन लगा दी नॉर्मल मेंबरेन है एक नॉर्मल मेंबरेन लगा दी है ना नॉर्मल मेंबरेन लगा दी ये सी वन है ये सी टू है बता देती हूँ यहाँ पे जो सी वर्ड है ये कंसेंट्रेशन के लिए स्टैंड करता है ये जो सी है स्टूडेंट्स ये कंसनट्रेशन के लिए स्टैंड करता है अब ना छोटी सी चीजें समझना Diffusion क्या होता है पहले इस चीज को समझो डिफ्यूजन क्या होता है पहले इस चीज को समझो है ना तो देखो अगर मैं बोलती हूं सी वन की कंसेंट्रेशन सी टू से ज्यादा है मैंने क्या बोला आपको c1 की कंसेंट्रेशन c2 से ज्यादा है मतलब मतलब क्या हुआ भी c1 में मेरे पास मोर सॉल्यूट है लेस है और C2 की कंसेंट्रेशन कम है मतलब इसमें लेस सोल्यूट और मोर सॉल्वेंट है मोर सॉल्वेंट है इतना समझे इतना समझे मैं अगर बोल रही हूं कंसेंट्रेशन किसी की ज्यादा है मतलब उसमें सोल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है कंसेंट्रेशन किसी की कम है मतलब उसमें सोल्यूट कम है सोल्यूट uh, ज्यादा है है ना चलो अब देखो <coughs> अच्छा अब देखना ध्यान से इस केस के अंदर अगर मैं आपसे बात करती हूँ सी वन सी टू केस के अंदर बात करती हूं तो डिफ्यूजन क्या होता है बेटा पहले डिफ्यूजन को समझो डिफ्यूजन क्या होगा डिफ्यूजन होता है नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स From higher concentration to lower concentration, from higher to lower concentration. अभी इसका मतलब समझाती हूँ। पहले यहाँ पे C1, C2 को draw कर लेते हैं। पहले यहाँ C1, C2 को draw कर लेते हैं। देखो C1 मैंने क्या बोला? C1 की concentration ज़्यादा, मतलब C1 में solute ज़्यादा है। इसमें solute ज़्यादा है। Let's से ये आपका solute है। और इसमें solute कम है, है ना? अब इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है भाई इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है इसमें सॉल्वेंट कम है ठीक है तो मैं एक बार रेड वाले पार्टिकल्स को सॉल्वेंट दिखा देती हूं ये सॉल्वेंट वाले पार्टिकल्स हो जाएंगे ठीक है रेड आपका सॉल्वेंट दिखा दिया मैंने ब्लू आपका मैंने सोल्यूट दिखा दिया अब देखना मैंने क्या बोला है मैंने बोला नेट मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लू नेट का मतलब इक्वल मूवमेंट होगी C1 में से ज्यादा कौन है मैम C1 में से ब्लू ज्यादा है तो ब्लू वाले इधर जाएंगे मतलब सोल्यूट वाले हायर से लोअर में जाएंगे हायर से लोअर में और नेट तो इक्वल मतलब यहां से अब रेड वाले सॉल्वेंट वाले C2 से C1 जाएंगे ये होती है डिफ्यूजन ये बेटा होती है डिफ्यूजन क्या होती है डिफ्यूजन होती है ये क्या होती है डिफ्यूजन होती है क्या होती है ये डिफ्यूजन होती है सॉर्टेड है ठीक है बढ़िया अब देखो अब आते हैं ऑस्मोसिस पे चलो ऑस्मोसिस को समझते हुए अब ये मेरी C1 है ये C2 है अभी भी C1 C2 से ज्यादा है मैंने यहां क्या किया मैंने यहां पे लगा दी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एस पी एम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है इट अलाउज इट अलाउज मूवमेंट ऑफ इट अलाउज मूवमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टिकल्स ये क्या करती है ये मूवमेंट करती है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स की मूवमेंट करती है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स की और किसकी मूवमेंट करती है सॉल्वेंट की सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट करेगी ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट को जाने देगी मतलब इधर से उधर अगर किसी ने जाना है इधर से उधर किसी ने जाना है तो वो क्या होगा स्पेसिफिक सॉल्वेंट ही होगा मतलब सोल्यूट नहीं जा सकता नहीं जा सकता ठीक है अब यहाँ क्या था ये सोल्यूट पार्टिकल्स इधर ज्यादा है इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा तो इधर सोल्यूट ज्यादा है इधर सोलवेंट कम है इसकी कंसेंट्रेशन कम है तो इसमें सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट क्या है ज्यादा है सॉल्वेंट क्या है ज्यादा है तो मैंने अब क्या बोला सॉल्वेंट को ही जाने देगा और अब ये जाने कहां से देगा जहां सॉल्वेंट ज्यादा है सॉल्वेंट ज्यादा यहां है तो सॉल्वेंट यहां से यहां जा सकता है है ना तो मैं क्या बोलूंगी ऑस्मोसिस क्या होगा ऑस्मोसिस होगा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन लोअर क्यों बोला क्योंकि सीटों से जा रहा है अब आप इसको सॉल्वेंट के रिगार्ड में नहीं बोलोगे इसको बोलोगे लोअर कंसेंट्रेशन क्योंकि आप कंसेंट्रेशन वर्ड यूज करोगे तो लोअर तो C2 है फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन वहीं लो से जा रहा है ना टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां पार्टिकल्स में लिख लेना सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जरूरत है क्लियर हो गया तो ये ऑस्मोसिस होती है क्या होती है बेटा ऑस्मोसिस होती है कहानी समझे कहानी समझे सभी को समझ आ गया ऑस्मोसिस समझ आ गया इसको करो फटाफट से दो। हाँ जी सेमी फर्मिएबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव फर्मिएबल मेम्ब्रेन होती है जो सेलेक्टिवली सिर्फ सॉल्वेंट को ही जाने देती है लेक्टिवली सिर्फ सॉल्वेंट को ही जाने देती है समझे अच्छा अब समझते हैं कुछ टर्म के बारे में अच्छा एक और टर्म बता क्या होता है जैसे डिफ्यूजन तो नेट मूवमेंट होता है ना इफ्यूजन क्या होता है छोटे से से पोर में से ही अगर आपके पार्टिकल्स जा रहे हैं जैसे आपके परफ्यूम्स हो गए डिओड्रेंट हो गए है ना छोटे से पोर से जब पार्टिकल्स का ट्रांसफर होता है तो वो इफ्यूजन होता है जनरल नॉलेज के लिए चलो आ जाओ ऑस्मोसिस पे आते हैं है ना ऑस्मोसिस चलो

अब ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है देखना यहीं भी देख लो इसी में समझा देती हूँ मान लो अब जैसे तुम्हारे मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर जा रहे हैं अब तुम ना इसके रोक न जाते हो मूवमेंट को तो तुम यहाँ करोगे पिस्टन से इसको अटैच कर दोगे इधर से प्रेशर अप्लाई करोगे ताकि सॉल्वेंट पार्टिकल्स और इधर ना आ सके जो तुम प्रेशर लगा रहे हो ताकि सॉल्वेंट उस साइड ना और आ सके ना और उस तरफ आ सके वो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या है बेटा वो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है द प्रेशर अप्लाइड ऑन द हायर कंसेंट्रेशन साइड या फिर कह सकते हैं ऑपोजिट टू द साइड फ्रॉम वेयर सॉल्वेंट इज कमिंग है ना जहां पे सॉल्वेंट आ रहा है ठीक है ना डन हो गया चलो इसकी डेफिनेशन भी एक बार देख लो डेफिनेशन कहा प्रेशर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन बीड्यूशन सोल्यूशन टू प्रिवेंट द इनफ्लो ऑफ दोलवेंट इन दोल्यूशन ताकि सोलवेंट उसमें ना आ सके उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगा रहे हो वेन सोल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द द्योर सोलवेंट परमीएबल अर्मी है ना ठीक है

Is to N -R -T. बोलो भाई ये फॉर्मूला है आपका नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ठीक है ठीक है डन है सॉटेड बोलो समझ आ गया हाउ द जोश गाइज एवरीबडी बोलिए हाई मैम हाय वेरी गुड चलो क्या बात है चलो अब नेक्स्ट स्टेट आती है अरे बात करो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गया हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक ठीक है ठीक है देखो अभी ऑस्मोस डिफ्यूजन की तरह जोश फ्रॉम हाई टूलो नहीं जाना चाहिए है ना है ना इसको आप डिफ्यूजन की तरह नेट मूवमेंट कीजिए अगर आपका जोश लो है तो फ्रॉम माय हाई जोश टू योर जोश लो जोश सारा जोश जा रहा है ठीक है? So getting a high ठीक है है जोश तो अपनी पावर बढ़ा लो जोश बढ़ा लो क्योंकि मैंने डिफ्यूजन करवा दिया और जोश वहां भिजवा दिया आप लोगों के पास ठीक है ना है ना चलो क्या बात है आप समझ आया ना डिफ्यूजन है ना तो चलो अगर आप अपना थोड़ा सा मेरे को थकावट भी भेज रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है एटलीस्ट आपको समझ आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ठीक है चलो आ आ आ आ रहे 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 हैं हैं भी रिवर्स ऑस्मोसिस पे अच्छा आइसोटोनिक हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है पहली बात तो आइसोटोनिक कैसी स्टेज होती है मान लो मैंने कोई सेल लिया है मेरे पास एक सेल है उसके अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर और बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है बेटा तो वो आइसोटोनिक सिचुएशन है यानी कि पाई वन, पाई टू के इक्वल हो जाता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है तो वो मेरी आइसोटोनिक स्टेट है मैम नींद आ रही बेटा आंख पे पानी डालो अब तो खत्म होने वाला है अब ऐसे मत करो एंड में आकर यह ना किया जाए अच्छा हाइपोटोनिक में क्या होता है हाइपो पहले हाइपो बताती हूँ हाइपो में होती है स्वेलिंग हाइपो में हो जाती है स्वेलिंग और हाइपर में हो जाती है श्रिंकिंग अच्छा पहले ना हाइपर समझाती हूँ कभी आपने ऑब्जर्व किया है कभी आपने है ना कभी आपने स्टूडेंट्स ये चीज ऑब्जर्व की है भी घर पे जब आपकी मदर जो है वो अचार बनाती है अचार किसको पसंद है मम्मी घर पे अचार बनाती है ना है ना तो मम्मी जब आम का अचार बनाती है तो कैसे बनाती है उस पर सॉल्ट डालती है नहीं पता तो पूछ लेना है ना ठीक है तो जब वो उस पर सॉल्ट स्प्रिंकल करती है वो क्यों स्प्रिंकल करती है क्या कोई बता सकता है यस पिकल बताइए सबको पसंद है मी 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 है ना घर के हाथ का खाना तो सबको पसंद होता है भाई है ना घर के खाने की याद आ गई चलो <laughs> है ना चलो बढ़िया बात है अच्छी बात है तो सारी मम्मीज को सैल्यूट है, है ना? चलो वापस आते हैं तो हाँ क्या होता है मैंने बोला हम क्या करते हैं उस पर उसकी जो मदर्स होती है हमारी क्या करती है उसपे नमक डालती हैं नमक डालने से क्या होता है जितना पानी है वो बाहर निकल जाता है श्रिंकिंग हो जाती है और अचार बनता है और वो सही भी रहता है लंबे समय तक भी रहता है है ना एग्जैक्टली वाटर रिमूव हो जाता है श्रिंकिंग तो वो कौन सी स्टेट है हाइपरटोनिक है सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर अब देखो जहां पे हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है ठीक है वहां से अंदर की तरफ आएगा हायर से लोअर आएगा बाहर से अंदर आएगा ठीक है और सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा लोअर से हायर में जाएगा अंदर से बाहर जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा हाइपोटोनिक में उल्टा होता है हाइपोटोनिक में बाहर से अंदर आता है सॉल्वेंट मतलब बाहर कंसेंट्रेशन कम थी अंदर कंसनट्रेशन ज्यादा थी तो बाहर से सॉल्वेंट पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं अंदर आते हैं और स्वेलिंग हो जाती है स्वेलिंग हो जाती है वो हाइपोटोनिक हो जाता है है ना ठीक है

अब तो सही करना है अब तो पेपर में गलत नहीं करके आना नहीं करोगे ना नहीं करना गलत नहीं करना चलो बताओ क्या जवाब आएगा एक तो हमारे पोल महाराज को पता नहीं क्या हो जाता है यह बीच में हैंग हो जाते हैं ठीक है सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं देख लो एंड में लूंगी मैं लीडर बोर्ड पे सबका नाम देखते हैं है ना चलो चलिए भाई देखते हैं चलो भाई चलो बढ़िया बात है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के चलो <laughs> पोल रुक गया है चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा, चलो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा 66 यार क्या कर रहे हो यार? के होता है ना? अभी जो क्वेश्चन दिया तुम्हें मैंने, है ना ठीक है तो ये हमारे स्टूडेंट्स है जिनके ये question, जिनके ये नाम है मैं बोल रही थी जिनके क्वेश्चन चले आगे फॉर्मूला शीट मिलेगी बेटा जो प्रॉमिस किया वो मिलेगा टेंशन क्यों लेते हो टेंशन नहीं लेने का चलो बताओ एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। क्या होगा इसका बताओ भाई जवाब दो बताओ 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 मैम सभी सो रहे हैं कोई बात नहीं कुछ बनना है तो थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा ना ये फिफ्टी डेज का चैलेंज लिया है विजेता सीरीज का तो बस ऐसे हार जाओगे बस नींद के पीछे हार जाओगे मुझे तो लगता था बड़े स्ट्रांग बच्चे हैं है ना चलो बताओ क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा है ना ए आएगा बेटा इसका होएगा ये स्टूडेंट्स हैं ठीक है थीके? देखो उससे बोला गिवन टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर एक कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन का कंसेंट्रेटेड मतलब जहां पे सीवन ज्यादा है ठीक है जी तो वो क्या होगा इज हायर देन दैट ऑफ डिल्यूट ऑब्वियसली ना ऑस्मोटिक प्रेशर तो उसका ज्यादा ही होगा ठीक है चलो <laughs> ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है फ्रॉम एनसीआर टी एग्जाम्पल नाइनटीन इन दोनों डायग्राम को देखकर थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब देना है ठीक है ठीक है ये होमवर्क है भाई देख लो एनसीआर एग्जाम्पल नाइनटीन का मैं फिर से बोल रही हूँ होमवर्क क्वेश्चन जो दे रही हूँ अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी भाई मैं बड़ी डीट हूं इस चीज में मैं करूंगी डिस्कस तो करके आना ठीक है और करके भी क्या आना चार्ट सेक्शन में आंसर दे के जाना देखूंगी मैं आप लोगों के मैसेजेस अब भी देखूंगी एंड होते भी देखूंगी है ना चलो भाई चलो चलो आगे देखते हैं चलो बस इसके बाद एक रिवर्स ऑफ मॉसेज और लास्ट टॉपिक रिवर्स ऑफ मॉसेज और लास्ट टॉपिक उसके बाद आप आराम कीजिए रेस्ट कीजिए बताऊंगी उसके बाद क्या करना घबराओ हुआ मैं ठीक है चलो हो गया यस yes, मैम चलो रिवर्स ऑस्मोसिस यस एवरीबॉडी आरो लगा हुआ है घर पे देखा है क्या करता है आरो आरो रिवर्स ऑस्मोसिस करता है एक्वागार्ड क्या करता है रिवर्स ऑस्मोसिस करता है कैसे करता है मैम कैसे करता है कैसे प्योर करके भेजता है समझो कहानी अभी तक वही थी कहानी अभी तक वही थी हो क्या रहा था आपका जो वाटर uh, है इसको छोड़ दो आपका जो डायग्राम था पहले आप इसको देख लो ठीक है ये था ना C1 C2 था आपका यहां से यहां सॉल्वेंट जा रहा था जा रहा था आपने यहां पे कुछ प्रेशर लगाया था ठीक है ताकि इसके मूवमेंट को आप रोक सको यही तो आप कर रहे थे आप क्या कर रहे थे C2 से C1 में आपका सॉल्वेंट जा रहा था लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में आपका सॉल्वेंट जा रहा था आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया अभी भाई उसकी मूवमेंट तो रुक जाए रुकेगी रुकेगी अब आप क्या कर दो इतना प्रेशर लगा दो उस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दो भी क्या होने लग जाए जो सॉल्वेंट यहां आया था ना अब वो प्योर फॉर्म में वापस चला जाए तो प्योर वाटर मिल जाता है प्योर वाटर मिल जाता है ठीक है बोलो ठीक ठीक है, है। है। है, जितना प्रेशर आप प्रेशर लगाते हो हो, भाई उससे ज़्यादा तुमने अब लगा देना है। भी वो ही चला जाए से आया था। समझ गए मैम। रिवर्स। उसको रिवर्स कर सकते हो। इफ प्रेशर लार्जर प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा लगा दोगे तो है ना ठीक है टू द सॉल्यूशन साइड दिस इज हाउ नाउ सॉल्वेंट वापस जाता है सॉल्वेंट जाता है पानी जाएगा वापस से रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है और यूजेज कहाँ पर है और आप इसको यूज कर सकते हो डिसनेशन ऑफ सी वॉटर के अंदर भी डन है डन है, बेटा ऑस्मोसिस की समाप्ति हो चुकी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट सेगमेंट हमारा जो कि है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वेंट हॉफ फैक्टर एब नॉर्मल मोल एर बस थोड़ा सा ही है मतलब इसमें तो बस वही फॉर्मुलाज लग रहे हैं हल्का सा एक ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा अच्छे से मैं आपको बता दूंगी फैक्टर <coughs> 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 से स्टार्ट करने जा रहे हैं है ना मैं एक बारी के लिए गर्म पानी ले आऊँ मेरे गले के लिए ठीक है आपको दो मिनट का ब्रेक दे रही हूँ जस्ट गिव मी टू मिनट्स का ब्रेक ठीक है तीन मिनट का ब्रेक दे रही हूँ तीन मिनट में मैं आ रही हूँ स्टूडेंट्स आप लोग रिवाइज कर लो इतने हेलो 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 मैं बोल रही थी मैं टाइम से पहले आ गई ना चलो बढ़िया है करें नो साउंड साउंड अब आ गई अब आ गई साउंड आ गई अरे अब तो आ गई आवाज बोलो हम्म बढ़िया यस मैम यस मैम वेलकम बैक जोश फिर से दिखा दीजिए चैट सेक्शन के अंदर लास्ट सेगमेंट करने जा रहे हैं एवरीबॉडी फटाफट से यस एवरीवन फटाफट से चैट सेक्शन में बता दीजिए भी कितने एक्साइटेड हो इस चैप्टर को खत्म करने के लिए मतलब इतने सारे टॉपिक कर लिए आज तो हमने है ना अब बस लास्ट सेगमेंट करने जा रहे हैं रेडी है Ready? सभी क्या बात है वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया स्टार्ट करते हैं बेटा एबनॉर्मल मोलर मास यस मैम यस मैम फुल मैम एक्साइटेड मैम बहुत बढ़िया बहुत अच्छे तो अब हम करने जा रहे हैं मोलर मास नॉर्मल मोलर मास समझना अभी तक आपने ना जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा पड़ी थी ना जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी रेलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाली पहली ये थी बिल्कुल थी मैम दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी बेटा हमारी डेल्टा टी बी वाली थी ना सॉरी डेल्टा टी बी बी टू के मोलालिटी तीसरी थी डिप्रेशन वाली डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इनटू मोलालिटी और फोर्थ हमारी कौन सी है वी इज इक्वल टू एन आर टीवी वन यही है ना तीनों यस yes, यही है ना यही है ना बोलो भाई यही थी ना अब मैं बताती हूँ जो ये आप अभी तक पढ़ रहे थे ना ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस के लिए पढ़ रहे थे किसके लिए पढ़ रहे थे मैम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अरे अब ये क्या शब्द आ गया है ये क्या कहना चाहता है है ना चलो कोई दिक्कत नहीं है समझते हैं देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं पहले आप इसको समझ लो इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं बेसिकली होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो नहीं टूटते हैं भाई अपने में, नहीं है ना ठीक है अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरीके के होते हैं एक होते हैं स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट एक होते हैं वीक भाई स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पार्शियली टूटते हैं है ना ठीक है अब आ जाओ अब देखो मैंने क्या बोला नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो नहीं टूटते तो अभी तक आप जो पढ़ रहे थे जो क्वेश्चन कर रहे थे वो सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कर रहे थे लेकिन अब जो आप करने जा रहे हो वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ने जा रहे हो ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ किस लिए आपको बता रही हूँ क्योंकि बेटा जब आप ना इन फॉर्मूलाज के थ्रू किसी का मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे और जो एक्सपेक्टेड उसका मोलिकुलर मास होगा ना उसकी वैल्यू अलग आती है किसके लिए लगाती है इसके लिए लगाती है इलेक्ट्रोलाइट -right के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट -right में तो कोई फर्क नहीं आता लेकिन इलेक्ट्रोलाइट -right में क्या होता है तुम कैलकुलेट जिसका कर रहे थे भाई साहब वो तो टूट गया अब वो टूट गया तो मास की वैल्यू तो अलग आएगी ना मास की वैल्यू अलग आएगी तो सीधा सीधा सारे फॉर्मूलाज में वैल्यू अलग हो जाएगी तो आई आपका पता होता क्या है आई होता है आपका एक्सपेक्टेड मोलर मास अब आप समझना

आई कौन है वेंट ऑफ फैक्टर और मैं आपको एक बात बता दूं आपने ना अभी एक चीज ऑब्जर्व की होगी इन सभी में अगर आप सब चीजें देखोगे ना यहाँ क्या होता है मोलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय मास तो हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रपोर्शन होती है तो अगर आप आई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म्स में लिखोगे तो कहोगे एक्सपेक्टिव कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड पर अगर मॉलिकुलर मास की टर्म्स में लिखोगे ना तो इनवर्सली है तो ऊपर क्या जाएगा कैलकुलेटेड मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय आपका ऑब्जर्व यानी कि एक्सपेक्टेड वाला तो ये दो फॉर्मूला है आई के जो आपको पता होने चाहिए चाहिए जो आपको पता ठीक है है बेटा <coughs> क्लियर अब वैंट ऑफ फैक्टर वैंट फैक्टर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ आई की वैल्यू इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी आप इधर ना इसको आई से मल्टीप्लाई कर दोगे आई से मल्टीप्लाई कर दोगे दैट्स इट बाकी सब सही है आई निकालना सिखा देती हूँ आई से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा आ जाएगा ठीक है ओके okay, तो बताओ लो ये तो क्वेश्चन ही आ गया चलो यही से सिखा देते हैं नहीं रुको ठीक है चलो पहले आई सिखाती हूँ पहले हम पढ़ते हैं डिसोसिएशन के लिए अब ना ये मेरे को बड़ा पसंद है पता नहीं क्यों ये टॉपिक ना मैं ना हमेशा ना इसको बर्गर के एग्जांपल से रिलेट कर लेती हूँ मतलब हालांकि ये सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसा कुछ इनएक्चुअल नहीं है सिर्फ समझाने के लिए समझना मान लो मेरे पास है के और ये डिसोसिएट हो रहा है के पॉजिटिव और सी नेगेटिव में है ना अब मान लो जब टाइम टी जीरो था तो ये वन था ये जीरो था ये जीरो था इस चीज को समझना जो लिखा है कैसे मान लो अब भूख लग रही है ऐसे एक समय था ठीक है जब मैं कॉलेज टाइम में थी और मेरा भाई भी तब पढ़ रहा था ठीक है तो एक दिन क्या हुआ मेरे भाई को रात को भूख लगी अब हम लोग ना मतलब जैसे पढ़ते रहते थे रात के टाइम पे भी दोनों जने बैठे होते थे पढ़ रहे होते थे तो एक दिन क्या हुआ मेरे भाई को भूख लगी अब भाई ने मुझे बोला भी यार मुझे भूख लग रही है कुछ खाना है और मैंने कहा ठीक है मुझे भी भूख लग रही है चलो किचन में चलते हैं हम दोनों चले गए किचन में अब मम्मी पापा सो रहे थे उनको तंग कौन करे है ना रात को थोड़ी तंग करेंगे है ना तो ठीक है अब हम दोनों तो किचन में चले गए अब किचन में जब हम गए तो हमने देखा भी क्या खा सकते हैं क्या खाया जा सकता है तो हमें ना पहले देखा मैगी मैगी थी नहीं आप लोगों जैसे भी मैगी खा लेते हैं मैं मैगी मैगी बीच में से बनवा दी है ना मैगी थी नहीं तब तो उस टाइम पे किचन में नहीं थी है ना अब मेरा भाई कहता यार कुछ तो खाना है भूख लग रही है काम भी करना है इतना काम करना आप खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे है ना तो हमने वहां पे क्या देखा भी हमारे पास ना बर्गर के बंस पड़े थे ठीक है अब बर्गर के जब बंस पड़े थे वहाँ पे और साथ में सैलेड पड़ा था चीज की स्लाइस पड़ी चीज़ की स्लाइस होती है वो पड़ी थी और मेरा भाई कहता चल यार ये खा लेते हैं मैंने कहा हाँ हाँ जरूर यार ये सही है ना फिर हमने पता क्या किया अब हमने ना हम बेचारे क्या करें हमें भूख लग रही थी बन थे दो अब आपको पता ना एक बन ऊपर रखते हैं एक नीचे रखते और बीच में सैलेड रखते हैं अब बन ही दो है एक ऊपर एक नीचे अब वो कैसे मतलब दो जने तो नहीं खा सकता ना एक ही जना खा सकता है है ना अब हम दोनों को क्या होगा दुख हो गया इतना बड़ा भी मैगी भी नहीं पड़ी बर्गर का बन भी नहीं पड़ा मम्मी भी सो रही है क्या करा जाए है ना तो अब समझना पे मैं क्या बोल रही हूं? अभी मैंने अपना जो सामान है ठीक है उसको स्टेब्लिश नहीं किया है बन को सैलेड को नहीं डाला है बर्गर नहीं बनाया तो ये मेरी टीज इक्वल इन टू जीरो वाली स्टेज है अभी सिर्फ सामान देखा है पड़ा है अभी मुझे बनाना है है ना ठीक है अरे एक बर्गर था ना मतलब हमें भूख ज्यादा लग रही थी है ना तो फिर मान लो अगर वो खा लेता तो मुझे भूख लगती रहती चलो वो थोड़ा सा दे भी भी देता तो तो हम भूखे रह जाते ना दोनों है ना तो इस हिसाब का था ठीक है हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया है ना पूरी की पूरी गड़बड़ है हाँ देखो क्या होता है ठीक है तो होता गया यहाँ पे जैसे मेरे पास ये वन का मतलब क्या है कि इनिशियली मेरे पास सिर्फ सामान है ये मेरा क्या सामान है इंग्रेडिएंट्स है जिससे मुझे बनाना है है ना तब अब ये मेरा प्रोडक्ट है जो मुझे बनाना है तो प्रोडक्ट अभी नहीं बना अभी सिर्फ सामान इकट्ठा किया अब समझना क्या होगा जब टाइम टी टी होता है मतलब कुछ टाइम के बाद मैं क्या करती हूँ मैंने एक बन उठाया थोड़ा सा सैलेड उठाया उस पर रख दिया अभी दूसरा बन नहीं रखा मतलब मैंने थोड़ा सा ही उस पर डाला सामान अभी रख रही हूं अभी रख रही हूँ बना रही हूँ तो कुछ टाइम बाद मैं क्या देखती हूँ भी मेरे पास मैंने आपको बोला बन कम थे सैलेड ज्यादा था है ना तो मैंने क्या जितना एक में आ सकता है मैंने उतना डाल दिया तो मैंने क्या किया मेरे इंग्रेडिएंट्स में से कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज कर लिए बर्गर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए उसको क्या बोला अल्फा बोला जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए अब बनेगा क्या वही ऑब्वियसली अल्फा ही बनेगा ना जो यूज कर रहे हो वही तो बनेगा मतलब अल्फा बनेगा अल्फा बनेगा समझ आई कहानी <laughs> अरे वो छोटे वाले बर्गर थे कट भी कर देते तो क्या तुम तुम्हें मैं ये समझा रही हूँ तुम उस पर लगे हुए बर्गर को कट करके खा लेते मैं अब है ना टिक्की नहीं थी मैम नहीं टिक्की नहीं थी हमारे पास सैलरी पड़ा था टिक्की नहीं थी सब खत्म हो गया था ठीक है और हमें भूख ज्यादा लग रही थी तो इसीलिए हमने काम ही चलाया उसके बाद ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ चलो इतना समझ आ गया है ना बोलो बोलो इतना समझ आ गया कि नहीं आया ठीक है अब देखो ये समझ आ गई ना सेट जितना निकलेगा उतना ही बनेगा जितने मोल्स डिसोसिएट होंगे उतने मोल्स बनेंगे तो अल्फा यहाँ पे क्या है मोल्स डिसोसिएटेड बेचारी मैम है ना मोल्स डिसोसिएटेड ठीक है अल्फा क्या है मोल्स डिसोसिएटेड बहुत बहुत बुरा लगा है ना जान के अब आई क्या होता है आई होता है मोल्स डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड यहाँ पे ना ऐसे लिख लेना मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन बेटा डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय आपका इनिशियल मोल्स टेकन डिवाइडेड बाय आपका क्या आएगा इनिशियल मोल्स टेकन आएगा अब देखना यहां आई आए क्या आएगा अब आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा वन माइनस अल्फा ये पूरा काउंट करोगे पूरा काउंट करोगे वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इनिशियली कितना लिया था एक लिया था तो ये कट गया यहाँ से क्या आ गया? आई, आई आ गया वन प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा अब अगर मान लो अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस दूंगी अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस दूंगी यहां पे ध्यान से समझ हाँ मोह मोए हो गया ना कोई दिक्कत नहीं होता रहता है

चलो ट्राई करते हैं भाई मुझे ना जोश हाई ही चाहिए मुझे जोश हाई ही चाहिए है ना लो नहीं चाहिए चलो आ जाओ एक और केस देखते हैं जैसे मान लो है आपके पास ए एल टू फोर थ्राइस है मान लो है ना अब इसको किस में तोड़ेंगे अब ना कई बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं अरे भैया अरे क्या हो गया मैम बताओ हमें ये कैसे ब्रेक हुआ ये ब्रेक करना आ रहा है ब्रेक करना रहा है देखो आपको पता है ना वाटर कैसे है जो ये होता है ना ये इसका चार्ज होता है, थी थी बात है। जो ये है, ये चार्ज है।, जो है, ये चार्ज है। जो पहले पॉजिटिव बाद में, होता है। पहले में है। है। चलो अब बैलेंस करने के लिए दो एलुमिनियम तो दो लगा दिए एसो फोर तीन थे तो तीन लगा दिया आप देखना ये इनिशियली वन लिया तो ये जीरो जीरो जब टाइम टी क्या था मैम जीरो था जब टाइम टी टी हुआ तो क्या होगा जब टाइम टी टी होगा तो क्या होगा देखो यहाँ पे क्या आएगा माइनस अल्फा अब कहानी में ट्विस्ट है अल्फा अल्फा तो बनेंगे लेकिन जो इसके आगे नंबर है ना बेटा वो भी लिखना जरूरी है पिछले केस में वन था है ना <laughs> पागल हो गए सबके सब सब लिख रहे हैं अरे अच्छी बात है ठीक है सब जवाब दे रहे बहुत अच्छी बात है फाइव फाइव अगर फाइव ना आया ना तो हिसाब लगा लेना बहुत अच्छे यहाँ टू आ जाएगा यहाँ थ्री आ जाएगा आई आए क्या आएगा, आएगा आप देखो आई आए क्या वन माइनस अल्फा प्लस टू अल्फा प्लस थ्री अल्फा लिया वन प्लस अल्फा प्लस थ्री अल्फा यानी कि वन प्लस फोर अल्फा हो गया मैम ये तो अच्छा मैं बोलती हूँ हंड्रेड परसेंटन है क्या होगा अल्फा हंड्रेड बाई हंड्रेड लीजिए अपने लिए वेरी गुड बहुत बढ़िया क्या बात है कर लोगे कर लोगे एसोसिएशन हो जाएगा चलो डिसोसिएशन भी कर लेते हैं लास्ट सेगमेंट उसके बाद फॉर्मूला रह जाएगा बस इनके लिखने डिसोसिएशन लास्ट है फिर फॉर्मूला रह जाएगा डिसोसिएशन लास्ट है चलो भाई डिसोसिएशन देखते हैं डिसोसिएशन अगर हम देखें डिसोसिएशन अगर हम देखें डिसोसिएशन तो हमने देख लिया ना टूटना अब हम एसोसिएशन देखते हैं एसोसिएशन का मतलब फॉर्म होना एसोसिएशन का बेटा मतलब क्या होता है फॉर्म होना मान लो आपके पास क्या है 2a है वो क्या दे रहा है इस तरीके से नहीं इसको उल्टा करके लिख देते हैं इसको हम ऐसे लिखेंगे 2a मिलकर के a2 बना रहे हैं ये एसोसिएशन है 2a जुड़ करके a2 बना रहे हैं ठीक है ठीक है, है जी यस मैम अब देखो काइन t जब 0 था आपने इसको 1 लिया इसको 0 लिया जब टाइम टी टी हुआ तो ये अल्फा अल्फा होगा लेकिन मैंने आपको बताया था जो नंबर आगे होता है उसको लिखना होता है तो क्या पे टू लिखेंगे नहीं अब समझना इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझना यहां तक तो, तो तुमने ठीक है पर ये चीज गलत हो जाएगी क्यों देखो दो से कितना बनता है एक दो से एक बन रहा है तो एक से कितना बनेगा वन बाय टू तो यहाँ क्या आएगा अल्फा बाय टू बस बस इतना सा फर्क था बस इतना सा फर्क था बाकी सब सही है क्या ये यहाँ लगेगा भाई थोड़ा सा दिमाग लगे यहाँ यहाँ लगेगा क्योंकि बनने की बात की है ना दो से एक बन रहा है एक से वन बाई टू बनेगा तो यहाँ अल्फा बाई टू आ जाएगा बस इतना सा काम है यहाँ लगेगा वन बाई टू, जो हो रहा है ठीक है ना अब आई क्या आएगा वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय टू यानी कि वन प्लस अल्फा बाय टू आ जाएगा मैम डन है हो जाएगा कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे बढ़िया वेरी गुड चलो क्या बात है अच्छा अब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन करते हैं फटफट -फट? पहले ये क्वेश्चन बताओ फटाफट से वैल्यू वैंट ऑफ फैक्टर इनके लिए बताओ जब कुछ नहीं कि मैंने बेटा हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन लेना होता है हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन लेना होता है बताओ क्या जवाब आएगा सोचो क्या जवाब आएगा भाई कुछ तो कुछ क्वेश्चन रह गए कर लो ना बस क्वेश्चन खत्म हो गया खत्म एक फॉर्मूला अभी लिखवाऊंगी इनके सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कहाँ पे आप वैंट ऑफ फैक्टर का जब यूज करते हो तो क्या आएगा वो फॉर्मूला लिखवाऊंगी बेटा सब हो गया सब हो गया हौसला रखो सब हो गया है क्वेश्चन सॉल्व कर लो तब तक सभी लोग ये वाला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व कर लो <coughs> कर लिया चलो बहुत इजी है लेके चलना ने कितने में, वो रहा है। सी बात है। क्या बात है तो आज मुझे है ना मतलब कब से आप लोग बैठे हो सैल्यूट है आप लोगों को बहुत बढ़िया बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहो फिफ्टी डेज का जो चैलेंज लिया ना इसको पूरा कंप्लीट कर दो मैं आपको गारंटी देती हूँ देखना आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा बहुत अच्छा जाएगा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया क्या बात है मतलब खुश कर दिया आज तो वेरी गुड चलो देखिए इसका इसका जवाब देखो के सी एल कितने में टूट रहा है दो वाइन्स में अन्य पॉजिटिव सी नेगेटिव दो में टूट रहा है कितने में टूटेगा टू के पॉजिटिव और एसओ फोर टू नेगेटिव यानी कि दो ये और एक ये टोटल थ्री तो टू टू थ्री हो जाएगा बी हो जाएगा है ना ठीक है क्या बात है

फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वाला तो i into kf मोलैलिटी हो जाएगा वेंटा फैक्टर i यहाँ आ जाएगा अगर इलेक्ट्रोलाइट है केसीएल है NaCl है Al2SO4 थ्राइस है ऐसे वाले केसेस आ जाएंगे तो i वाला केस लेके आना है अगर डेल्टा टीबी वाला है तो i into kb into m मोलैलिटी हो जाएगा और फोर्थ क्या है pv i nrt ये हो जाएगा लिख लो भाई ये फार्मूलाज आपके यहां पे हो जाएंगे ठीक है ना

सॉर्टेड है चलो अगला क्वेश्चन ये लिख लिया सीबीएसई का क्वेश्चन करवा रही हूं अभी आ रही हूं, हूं रुक जाओ अभी रुक जाओ सीबीएसई का क्वेश्चन करके जाना है ऐसे नहीं जाना है रुक जाओ रुक जाओ ये कर लिया फॉर्मूला शीट भी लिखवानी है रुक जाओ डन गुड चलो अब ये आ गया क्वेश्चन आप सभी के लिए एनसीईआरटी एक्साम्पलर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है बेटा फोर्टी फाइव ही बड़ा इजी है क्वेश्चन को ध्यान से एक बार रीड कर लो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो क्या कहता है वी हैव थ्री ऑफ तीन अलग अलग कंसेंट्रेशन दे दी कहता है आई की वैल्यू बताओ क्या होगी आई की वैल्यू बताओ हाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट में सेम रहेगा आई वहां पर नहीं यूज करोगे क्योंकि वो ही नहीं ना आई वो एसोसिएट होगा ना सीधी सी बात है, है ना? खतम कब होगा? बस दो है। सिर्फ दो तीन तीन सिर्फ करके जाओ क्योंकि ना सीबीएसई के प्रीवियस ईयर है मतलब ऐसे मत जाओ इतना कर लिया तो दो तीन मिनट और रुक जाओगे क्या हो जाएगा है ना सिर्फ दो तीन क्वेश्चन है रुक जाओ बेटा प्लीज है ना चलो करके जाओ मतलब आपका फायदा पिछले पिछले साल के है करके जाओ मेरी बात सुनो यहाँ पे ना तुम्हें एन दिया है कंसेंट्रेशन भले ही जो मर्जी दियो जो मर्जी दियो मैं कहती हूँ आई की वैल्यू तो सेम आएगी ना जब इलेक्ट्रोलाइट सेम है तो आई की वैल्यू तो सेम आएगी ना बेटा आई की वैल्यू तो सेम आएगी ना कंसेंट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है आई निकालना है तुमने आई उस पर डिपेंड करता भी कितने आयंस में टूट रहा है तो सी ऑप्शन इसका सही होगा अरे ऑप्शन सही हुआ कंसेंट्रेशन पे नहीं बेटा आई पूछ रहा ना, है फैक्टर पूछ ना है ना समझ गए चलो जाते जाते जल्दी जल्दी तो ये सीबीएसई का पिछले साल का क्वेश्चन आया हुआ है एक मार्क में पिछले साल का बेटा क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई का बताओ पिछले साल का क्वेश्चन आया हुआ ध्यान से देखो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन इज कौन सा बड़ा इजी है भाई कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं ये सीबीएसई का पिछले साल का आया हुआ है देख लो भाई देख लो देख लो बताइए क्या जवाब आएगा इस क्वेश्चन का सभी लोग तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर वेरी गुड क्या बात है बहुत सही अभी तो मैं नाम भी लूंगी सभी स्टूडेंट्स के ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है जो डिटरमाइन करता है ठीक है बढ़िया बात है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है चलो ये बताओ अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वी सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए सोचो 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 किसका पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए अब ना उसको सॉल्व नहीं करना आई की वैल्यू जिसकी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा देखो सीधा डायरेक्ट आई की वैल्यू जिसकी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बेटा उसका सबसे ज्यादा है ना बताओ भाई टाइमर खत्म हो गया देखते हैं क्या होता जवाब पोल का जवाब दे? कमेंट्स में ए बी सी डी लिख ना पोल का जवाब आ जाएगा देखते हैं फटाफट से देखते हैं देखते हैं देखो, यहां पे ये एन ए पॉजिटिव वो नेगेटिव में स्प्लिट होता है ये दो एन ए में और एक एसओ फोर टू नेगेटिव में स्प्लिट होता है तीन में टूट गया ये दो में टूट रहा है ये भी दो में तो तीन में ही टूट रहा है तो भी सही होगा यहाँ पे आई की वैल्यू ज्यादा है आई की वैल्यू बेटा इसमें ज्यादा है ना उसमें ज्यादा है ना जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा जिसमें आईन ज्यादा है ना ये स्टूडेंट है चलो बढ़िया बात हो गई है अच्छी बात है ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर जो उन्होंने इशू किया था उसका क्वेश्चन है बताओ सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बेटा जो सैंपल पेपर उन्होंने इश्यू किया था उसका क्वेश्चन है जवाब दो फटाफट से सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जवाब दो फटाफट से ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन है एक होमवर्क क्वेश्चन है नहीं इसके बाद एक आपको बड़ा क्वेश्चन है सीबीएसई का ही दिखाना है हाँ इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इसके बाद आखिरी आखिरी नहीं इसके बाद आखिरी है ठीक है सीबीएसई का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना फाइव मार्क्स वाला क्वेश्चन वो दिखाना है आपको ठीक है <coughs> <laughs> तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट कंडक्टिविटी उसकी होगी जो पूरी तरीके से डिसोसिएट कर जाता है और बेटा पे अगर मैं आपको बताऊं पूरी तरीके से पहली बात तो सी एस एच और सी एस एच आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये पार्शली डिसोसिएट करता है तो इसको तो इसको छोड़ ही दो इन दोनों में से इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा ठीक है ठीक है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वेरी गुड क्या बात है खुश कर दिया सभी ने बहुत अच्छे अब मैंने आपको बोला था बी ये आई है हम एंड में है बिल्कुल ये लो मैंने आपको कहा था सीबीएसई का एक पांच मार्क्स का क्वेश्चन है वो दिखा दू सीबीएसई सैंपल पेपर ट्वेंटी में इन्होंने दिया था सीबीएसई के सैंपल पेपर ट्वेंटी में इन्होंने ये दिया था जिसको मैं आपको यहां दिखा रही हूँ तो पहला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर तो आपने टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है है ना आपने टेम्परेचर का बेटा इफेक्ट बताना है कुछ भी नहीं है इसमें सिंपल सिंपल बेसिक से क्वेश्चंस है आपके ठीक है ये आप कर लेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट वाला अगले उस पे चलते हैं अगले पार्ट पे देखते हैं एडिशन आप ग्लूकोज की करोगे तो कैसी रिएक्शन होगी पहले तो ये मुझे बताओ कैसी रिएक्शन होगी हां जी ये कर लो भाई डिक्रीजेज वेन टेम्परेचर इंक्रीजेस कोई कह रहा है देखो एडिशन एक ग्लूकोज की करने से एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी इसमें आपने ये बताना है अब इसके बाद उसने आपको एक क्वेश्चन दिया है बी देखो इब्राहिम ने कलेक्ट किया टेन एम एल ईच ऑफ फ्रेश वाटर और ओशन वाटर एक तरफ उसने फ्रेश वाटर लिया एक तरफ उसने ओशन वाटर लिया ही वन सैंपल पी फ्रोज करता है जीरो डिग्री सेल्सियस पे जबकि जो क्यू है वो वन डिग्री सेल्सियस पे करता है इब्राहिम भूल गया भी इनमें से ओशन वाटर कौन सा था तो आपने बताना है भी कौन से कंटेनर uh, के अंदर ओशन वाटर है बताओ क्या लगता है आपको क्या लगता है किसके अंदर आपका ओशन वाटर होगा क्या लगता है बेटा सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से वो जल्दी फ्रीज हो जाता है इस वजह से हम कह देते हैं जो क्यू है वो आपका क्या होगा क्यू है वो आपका क्या होगा वो आपका ओशन वाटर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट वो फ्रीज हो जाता है लोअर टेम्परेचर जिसकी वजह से क्यू आपका ओशन वाला होगा ठीक है हाँ क्यू लिख रहे हैं क्या बात है वेरी गुड मैम वॉइस नहीं आ रही है सभी के साथ ऐसा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है अगला देखो बता देना मुझे सी के लिए है फैक्टर कैलकुलेट करो ठीक है इस पर्टिकुलर के लिए अगर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू उसने आपको दे दी है तो आप सेम वही इक्वेशन इक्वेट करोगे जैसे कि हम करते हैं ठीक है इसको डिसोसिएट करवाओगे इसको जब आप बेटा डिसोसिएट कराओगे तो 3k पॉजिटिव और fe

आई आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से बिल्कुल मैम आई निकालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट निकालना है भाई उसने मोलालिटी भी दे दी के बी भी दे दिया डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी आई करोगे आंसर आ जाएगा सॉर्टेड है सॉर्टेड है।, है कर लेंगे सॉर्टेड है अरे क्या बात है सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं वेरी गुड एवरी वन क्या बात है बहुत अच्छे अच्छा इसको एक बार देख लो अब इसका एक और पार्ट भी है वो भी बता देती हूँ इसका एक और पार्ट भी है वो भी बता देती हूँ और पार्ट भी है आइए और पार्ट में कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउट एक्सपेक्टेड व्हेन फिनोल एंड मिक्स्ड जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो कौन सी डेविएशन होती है

जैसे हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया था सेम उसने डाल दिया है सैंपल पेपर में जस्ट वैल्यू बदल दी है जस्ट वैल्यू बदल दी है तो ये आपका आज का लास्ट होमवर्क क्वेश्चन होगा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बी पार्ट होमवर्क है फिर से रिपीट कर रही हूँ जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ मैं अगले लेक्चर में आपसे पूछूंगी कमेंट सेक्शन के अंदर मैं उसका जवाब आप लोगों से चाहती हूँ है ना ठीक है जी तो बेटा ये हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है यहीं पे ख़त्म करने से पहले लेक्चर को ख़त्म करने से पहले आप सभी के लिए मैंने कहा था फॉर्मूला शीट आएगी आप सभी के लिए मैंने कहा था फार्मूला शीट आएगी फॉर्मूला शीट आएगी तो ये फॉर्मूला शीट है दो मिनट का समय दे रही हूँ किसी ने नोट करनी है वो नोट कर सकते हैं आपको ये पी में भी देखने को मिलेगी और यहाँ भी देखने को मिलेगी ये आपको पी में भी देखने को मिलेगी और यहाँ भी देखने को मिल रही है ठीक है तो अगर आप अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग बाद में इस फॉर्मूला शीट को लिख सको मैंने कहा था फार्मूला शीट आएगी फॉर्मूला शीट आपके सामने है है ना ठीक है आ गई डन है फॉर्मूला शीट का स्क्रीनशॉट ले लिया बोलो ले लिया स्क्रीनशॉट लिख लोगे इसको ठीक है क्या बात है बढ़िया लिख लेना फॉर्मूला शीट में इसका स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है दूसरी बात चीट शीट बेटा आपको पीडीएफ में मिल जाएगी

आराम करें रेस्ट करें ठीक है और नोट्स को रिवाइज करना है आपने ठीक है ये आप कब कर सकते हो अभी आप सुबह उठ के भी कर सकते हो आप संडे को भी कर सकते हो ठीक है चीट शीट जो मैं डालूंगी पीडीएफ में बेटा उसको रिवाइज करना है फॉर्मुला शीट मैंने पे आपको दिखा दी स्क्रीन आपने ले लिया आपने इसको रिवाइज करना है फ्लैश कार्ड बनाने आपने फ्लैश कार्ड पता क्या होते हैं ये खुद से आप कर सकते हो ये मैंने इसलिए लिखा है जो टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है ना उसको छोटा छोटा एक एक टॉपिक को एक एक पेज पे लिखते रहो वो फ्लैश कार्ड अभी फटाफट याद करने के लिए अच्छा मेरे को इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो मैं इस टॉपिक को क्यों ना पढ़ लू ठीक है चलो संडे को आपने है सॉल्व करना है उन क्वेश्चन को जो आज आप नहीं कर पाए जो आज आपसे नहीं हुआ उन क्वेश्चन को आपने संडे को सॉल्व करना है हो जाएगा ना कर लेंगे ना सभी लोग बहुत से आने हैं वेरी गुड क्या बात है अब एंड करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ प्यारी प्यारी लाइंस है ना एंड करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ प्यारी प्यारी लाइंस वो भी बोलने से पहले इतना कहूंगी आज आप लोगों का डेडिकेशन देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है मैं चाहती हूँ ऐसा ही डेडिकेशन आप बरकरार रखिए और अपना ये चैलेंज कंप्लीट कीजिए अगले लेक्चर में फिजिकल केमिस्ट्री में जरूर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ तो एंड करने से पहले आपके लिए कुछ फ्यू लाइन्स है ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ठीक है बातों से ना बात बनेगी बातों से ना बात बनेगी करके कुछ दिखलाना होगा करके कुछ दिखलाना होगा अगर सपनों को पाना है तो अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा हद से आगे जाना होगा रातों को भी जागना होगा रातों को भी जागना होगा अपने कार्य में जुटना होगा अपने कार्य में जुटना होगा निश्चित ही पाएंगे सफलता निश्चित ही पाएंगे सफलता हर मंजिल को झुकाना होगा हर मंजिल को झुकाना होगा जिसकी आज कल्पना करते हो जिसकी आज कल्पना करते हो उसी समय को लाना होगा उसी समय को लाना होगा अगर सपनों को पाना है तो अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा हद से आगे जाना होगा तो जो नींद आ रही है नहीं हो रहा है ये ना शब्द को अब अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए क्योंकि आप लोग विजेता बैच के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग विजय पाकर रहेंगे विजेता बन कर रहेंगे है ना थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये मेरा पहला सेशन मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर अगले चैप्टर के साथ आप लोग जो है फ्लो चार्ट जो भी आपको मैंने लिखवाया है उसको प्लीज कीजिएगा अच्छे से चीट शीट फॉर्मुला शीट करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए थैंक यू सो मच एवरी वन बब टेक केयर ऑफ योर